हाय दोस्तों नमस्कार, आइए एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल देवा एजुकेशंस में और उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपने पढ़ाई में चार चांद लगा रहे होंगे। मेरे मित्र, जैसा कि आगामी परीक्षाएं एसएससी की, एसएससी सीएचएसएल, एमटीएस और सीजीएल को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि विगत वर्षों में पूछे गए हैं। मेरे मित्र, उन सारे प्रश्नों की श्रृंखला को मैं पीडीएफ के माध्यम से आपके सामने लेकर आऊँगा, जिससे बहुत कम समय में आपका फुल रिवीजन हो जाएगा। मेरे मित्र, इसके पहले एक वीडियो में एसएससी एमटीएस 2022 में जितने भी 48 शिफ्टों में पूछे गए 1200 प्रश्नों जो कि जीएस के 1200 महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने पीडीएफ के माध्यम से वीडियो बनाकर डाल दिया है। उसे अभी तक आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, क्योंकि आने वाली परीक्षा में एसएससी उन्हीं प्रश्नों को दोबारा पूछने का 100% चांस रहता है। तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी सीएचएसएल जो कि मार्च 2023 में संपन्न हुआ है, उस परीक्षा के मेरे मित्र 40 शिफ्टों में पूछे गए 1000 प्रश्नों की श्रृंखला मैं आपके सामने वीडियो नंबर 2 में ला रहा हूं। तो इस वीडियो को जरूर देखें, पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसके बाद लगातार मैं PYQ आपके सामने लेकर आता रहूंगा। तो चलिए मेरे मित्र, देर न करते आगे बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे जो आपको दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन है मेरे मित्र आपकी स्क्रीन पे कि महात्मा गांधी ने किस वर्ष किसानों के समर्थन में गुजरात के खेड़ा जिले में एक सत्याग्रह का आयोजन किया था। तो 1718 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शहर ने 2022 में लगातार 6वीं बार भारत के सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार जीता है? तो इंदौर। वर्ली चित्रकला भारत के किस राज्य में स्थित है या किस राज्य की चित्रकला है? तो महाराष्ट्र बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने यूएस ओपन 2022 के पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो कार्लोस अल्कारेज ने जीता है। एक डैश इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो एक कमजोर संकेत प्राप्त करता है और इसे पुनः प्रेषित रिजनरेट करता है। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा, आपका रिपीटर होता है। क्या होता है? रिपीटर। आगे बढ़ेंगे, रजिया को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से किस वर्ष हटाया गया? तो 1240 में हटाया गया। कब हटाया गया? 1240 में हटा दिया गया। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध कनाडा से लिया गया है? तो उच्चतम न्यायालय का परामर्शदायी क्षेत्राधिकार, ये आपका कनाडा से लिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, कर्नाटक संगीत कहाँ तक सीमित है? तो मेरे मित्र, कर्नाटक संगीत कर्नाटक से लेकर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल तक सीमित है। द वैल्यू एडेड ऑफ अ फॉर्म इज कैलकुलेटेड एज वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द फॉर्म माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स यूज्ड बाय फॉर्म, आपका पहला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मिश्रण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं पूछा है? विलय के बड़े अवयव को विलायक कहते हैं। विलय का मतलब ये होता है मेरे मित्र कि अगर पानी यहाँ पर रखा हुआ है और पानी में या पूरा पानी भरा है, पानी में आपको चीनी डालना है। क्या डालना है? चीनी। तो याद रखें, लिखा है कि जो बड़ा अवयव, पानी ज़्यादा होता है चीनी कम होती है, तो बड़े अवयव को हम विलायक कहते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। आगे लिखा है छोटे अवयव को हम विलय कहते हैं। जैसे चीनी आपका विलय होती है, चीनी क्या होती है? विलय होती है। नमक भी विलय होता है। आगे लिखा है कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है, इसके कणों का आकार बहुत बड़ा होता है, ये बात बिल्कुल गलत है। कोलाइड के जो कण जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, आगे लिखा है बिलियन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है, ये बात भी बिल्कुल सत्य है। बिलियन में दो चीज़ें समांगी मिश्रण वो होता है जिसमें मिश्रण में चीनी और पानी में चीनी दिखाई नहीं देगी ना, इसीलिए उसी को हम बोलते हैं समांगी मिश्रण। और जिसमें विलय चीज दिखाई देती है, जैसे मिट्टी और कंकड़ हो गया तो कंकड़ दिखाई देता है उसमें, तो वो विषमांगी मिश्रण होता है। आगे बढ़ते हैं, फीफा 2025 महिला विश्व कप 2023 मेजबानी कौन देश करेगा? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड करेंगे। किस राज्य के में मुख्यमंत्री ने फुटबॉल की संस्कृति को जमीनी स्तर पर लाने के लिए राज्य में फुटबॉल फॉर ऑल लंच किया है? तो उड़ीसा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण मध्य प्रदेश के कितने शहरों में? तो बताएंगे आप, 8 शहरों में खेला जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो औद्योगिक प्रतिभूति बाजार को श्रेष्ठ प्रतिभूति बाजार के नाम से जाना जाता है, ये बात आपका गलत है और बाकी तीनों बातें सही हैं। कर्क रेखा 23:30 भारत के नॉर्थ में पूछा है, भारत के किस राज्य से होके? तो आप बताएंगे गुजरात से होके गुजरती है।
वायुदाब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है मेरे मित्र, तो बताएंगे कि वायु दाब जो होता है हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गमन करता है, यही आपका कथन सत्य है। क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई क्या है, तो आप बताएंगे 13 किलोमीटर आपका क्षोभ मंडल की ऊंचाई हो जाएगी। मेरे मित्र आपके 5 मंडल होते हैं, मंडल बता दें तो सबसे पहले आपका नीचे अर्थ होती है, अर्थ के ऊपर मंडल, फिर एक मंडल, फिर एक मंडल, उसके ऊपर मंडल और एक और मंडल, ठीक है, ऐसे बना दिया हमने, ध्यान देंगे तो आपका क्या होता है, आप सबसे पहले याद रखें BA MSc कैसे याद रखेंगे मेरे मित्र, एक बार कलर आपको थोड़ा चेंज करके दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में, सबसे पहले आप याद रखेंगे BA MSc। इसका मतलब क्या होता है, बी का मतलब बहिर्मंडल, ए का मतलब आयन मंडल, एम का मतलब मध्यमंडल, एस का मतलब मेरे मित्र समताप मंडल और सी का मतलब क्षोभ मंडल, ये आप 5 मंडल याद रख सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, धीनोधर पहाड़ियाँ किस भारतीय राज्य में स्थित हैं, तो अब बताएंगे गुजरात में। भारत का 24x7 सौर ऊर्जा संचालित भारत के किस गांव में या मोढ़ेरा किस गांव में, तो गुजरात राज्य में एक गांव पड़ता है मोढ़ेरा, वहीं पे 24x7 वहाँ पे हमेशा 24 घंटा सौर ऊर्जा से लाइट मिल रही है। क्या बिहार केसरी के नाम से श्री कृष्ण सिन्हा जी को, या सिंह भी कहीं लिखा होगा, आप सिन्हा नहीं कहेंगे, आप श्री कृष्ण सिंह मिलेगा, सिंह, तो ये भी आप याद ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से किस वनस्पति जगत के पौधों को शैवाल के नाम से जाना जाता है, तो थैलोफाइटा। न्यूट्रॉन की खोज किसने की, तो आप बताएंगे न्यूट्रॉन की खोज किसने की, तो न्यूट्रॉन की खोज मेरे मित्र चैडविक ने की, याद रखेंगे ईंट पर नाच से, याद रखेंगे ईंट पर नाच, ई का मतलब आपका क्या होता है इलेक्ट्रॉन, टॉमसन ने किया, प्रोटॉन रदरफोर्ड ने किया, और ना का मतलब न्यूट्रॉन, चैडविक ने इसकी खोज की। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित किया गया है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक शांति अशांति से राज्यों की रक्षा करना केंद्र सरकार का कर्तव्य है, तो ये अनुच्छेद आपका 355 में है। निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग MS Excel 365 खुली वर्कबुक को बंद करने के लिए, तो ये Ctrl+W का यूज होता है। निम्नलिखित में से किस फिल्म को 2022 में बेस्ट फिल्म पॉपुलर चॉइस का फिल्म फेयर अवार्ड मिला, तो बताएंगे आप शेरशाह। इस प्रकार हमने पहला प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिया है, अब हम बढ़ेंगे आपके दूसरे प्रैक्टिस सेट की तरफ। चलिए मेरे मित्र आ चुका है दूसरा प्रैक्टिस सेट आपके स्क्रीन पे। लिखा है अगला क्वेश्चन, कौन भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची की संघ सूची के अंतर्गत आता है, तो बांटों और मापों के मापक नियत करना, ये आपका सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में 2021 के अनुसार भारत के सोने के अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है, तो आपका बिहार आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय की रीट से संबंधित है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 226, जिसमें मेरे मित्र 5 प्रकार की रीटों का वर्णन किया गया है। कितने प्रकार की रीटें, 5 प्रकार की रीट। विच इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स इन स्टॉक मार्केट, तो सही जवाब हो जाएगा सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसे हम सेबी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से मेरे मित्र, शॉर्ट फॉर्म में अगर सेबी लिख के आएगा तब भी आप इसे समझ जाइएगा, ये सेबी है, ठीक है। अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बल्ब ड्रग पार्क की आधारशिला रखी, तो सही जवाब हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से किस शॉर्ट कुंजी का प्रयोग MS Word 365 में प्रिंट प्रीव्यू पर जाने के लिए किया जाता है, तो Ctrl+Alt+ आपका यहाँ पे I लिखा है, ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम राजस्थान में है, तो बनास नदी जो है ये आपका कहाँ है, राजस्थान में से निकलती है बनास नदी। किस मशहूर पुरुष लॉन टेनिस खिलाड़ी ने सितंबर 2022 में टेनिस से संन्यास लिया, तो रोजर फेडरर आपका बिल्कुल सही जवाब। भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है, तो गोदावरी आपका सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से पल्लों की राजधानी क्या थी, तो पल्लों की राजधानी कांचीपुरम। भारत में अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप सहित मुख्य भूमि के समुद्र तट की कुल लंबाई, तो बताएंगे 7576.6। बड़े बांधों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, लिखा है इनकी सामाजिक
इनकी सामाजिक समस्याएं हैं क्योंकि इनसे बड़ी संख्या में किसान और आदिवासी विस्थापित होते हैं और उन्हें मुआवजा भी नहीं मिलता। बिल्कुल सही बात है। इनकी पर्यावरणीय समस्याएं हैं क्योंकि इनसे बड़े स्तर पर वनों का विनाश होता है। वन तो विनाश होता है जब डैम बनेगा तो, तथा जैव विशेषता की क्षति होती है। इस प्रकार ए और बी दोनों बातें सत्य हो जाएंगी। निम्नलिखित में से किसने सितंबर 2022 में ई बाल निदान ऑनलाइन पोर्टल को नया रूप दिया? तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्लासी के युद्ध का नेतृत्व किसने किया? तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। यह युद्ध कब हुआ तो बताएंगे, 1757 में अंग्रेजों और मेरे मित्र सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। ठीक है। किस भारतीय लेखक ने प्रसिद्ध पुस्तक मानसरोवर लिखी? तो मानसरोवर मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी है। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी है मानसरोवर। आगे, किस टीम ने 2021-22 की फर्स्ट लीग जीती या आई लीग? तो बताएंगे गोकुलम केरल एफसी ने जीती। प्रोग्राम निर्देशन को संचालित करने के लिए किनका उपयोग किया जाता है जिसे कंप्यूटर में कभी भी बदला नहीं जा सकता? तो वो रोम होता है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है मेरे मित्र? रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। और बताएंगे आप जो भी भाई रैम का क्या होगा फुल फॉर्म, इसको फुल फॉर्म का आपको मेरे मित्र आप इसका कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। भारत में सितार के उस्ताद सितार मास्टरों के रूप से किसे जाना जाता है? तो रविशंकर सितार जी को जाना जाता है, सितार उस्ताद। प्रसिद्ध स्मारक आरामबाग बाबर द्वारा बनवाया गया था या कहाँ स्थित है? तो आप बताएंगे यूपी में स्थित है। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने सितंबर 2022 में मूल लाइटिंग के आरोपों के तहत 300 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया? तो सही जवाब हो जाएगा विप्रो। 1956 में औद्योगिक नीति प्रस्ताव ने किसका आधार रखा? तो बताएंगे द्वितीय पंचवर्षीय योजना का आधार रखा। केपीएल में 8वें संस्करण के फाइनल मैच में किन दो टीमों ने मुकाबला हुआ? तो दबंग दिल्ली और पटना पायरेट्स, जिससे दबंग दिल्ली जीत जाती है। भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे कहते हैं? तो होमी जहांगीर भाभा जी को कहते हैं, होमी जे भाभा। आगे लिखा है कि बड़ी मात्रा में कैंसर कोशिकाओं को मारती है तथा डीएनए को नष्ट करके उनकी वृद्धि को धीमी कर देती है। कैंसर कोशिकाओं जिनका डीएनए इतना क्षतिग्रस्त हो जाता है कि उन्हें ठीक नहीं किया जा सकता, विभाजित होना बंद हो जाती हैं तथा नष्ट हो जाती हैं। जब क्षतिग्रस्त कोशिकाएं नष्ट हो पाती तो वे टूट जाती हैं और शरीर द्वारा बाहर निकाल दी जाती हैं। ये जब कैंसर रोगी को मेरे मित्र दिया जाता है, जिसे हम रेडियोथेरेपी कहते हैं, वही आपका दिया है विकिरण चिकित्सा, रेडिएशन थेरेपी कहते हैं। कौन सा कोलाइड फोम का एक उदाहरण है? तो बताएंगे स्पंज। देखिए फोम बोला है ना, फोम तो कोलाइड का फोम है, तो स्पंज है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रैक्टिस सेट की तरफ, जो कि सेट नंबर 3 आपके स्क्रीन पे। कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के विचारों पर आधारित? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना। हड़प नीति, विलय नीति, द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के को अपनाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो आप बताएंगे लॉर्ड डलहौजी था, या डॉग डलहौजी का, ये डॉग डलहौजी तो और अच्छा। आगे लिखा है प्रति एकांक आयतन पर सही नहीं पूछा है, प्रति एकांक आयतन पर लगने वाला बल दाब कहलाता है। द्रव बर्तनों की दीवारों पर दाब डाल सकता है। किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है लेकिन उसकी आकृति में नहीं कर सकता। तो मेरे मित्र कौन से सही नहीं लिखा है ना, तो मेरे मित्र आपके पहला सही नहीं है और दूसरा भी आपका सही नहीं है। क्यों? क्योंकि बल लगा के आप किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन तो कर सकते हैं, लिखा है लेकिन उसकी आकृति में नहीं कर सकते। भैया हम बल लगाएंगे तो आकृति में भी परिवर्तन हो सकता है, क्यों नहीं होगा? तो इस प्रकार आपके दोनों आप गलत थे। आगे लिखा है निम्नलिखित में से कौन एक आउटपुट डिवाइस नहीं है पूछा है? तो बार कोड रीडर जो है ये आउटपुट डिवाइस नहीं है। दक्षिण में छोटा अंडमान निकोबार द्वीप समूह से कौन अलग करता है मेरे मित्र? तो छोटा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी को डोपिंग के लिए 2022 में से 2025 तक निलंबित कर गया था? तो वो थे आपके शिवपाल सिंह। फील्ड मार्शल के बाद पद पर पदोन्नत होने वाले पहले भारतीय सेना अधिकारी कौन थे? तो सैम मानेकशॉ। आईसीसी पुरुष विश्वकप 2023 की मेजबानी कौन करेगा? तो अपना भारत करेगा, भारत में होगा। भारतीयों को हथियार रखने से रोकने वाला आर्म्स एंड एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो सही जवाब 1778। महानदी द्रोणी का विस्तार किस राज्य में नहीं है? तो बताएंगे आप कर्नाटक में इसका विस्तार नहीं है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफेंडेंस लीड्स 2022 में अचीवर्स राज्यों में प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो बताएंगे महाराष्ट्र आपका जवाब हो जाएगा। जुलाई 28 जुलाई 2022 को भारतीय नौसेना को कौन सा स्वदेशी विमान वाहक तोप आपका मेरे मित्र पोत सौंपा गया था? तो बताएंगे INS विक्रांत। 2022 टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कितने स्वर्ण जीते? तो आप बताएंगे मेरे मित्र एक स्वर्ण पदक भारत ने जीत पाया।
निम्नलिखित में से किस साठ कुंजी बी की का इस्तेमाल एमएस वर्ड 365 में किया, किस फाइल को सेव करने के लिए किया जाता है, तो कंट्रोल प्लस एस आप लिखेंगे। किन तरीकों द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, तो आप बताएंगे विकिरण। गुजरात यूनिवर्सिटी स्टार्टअप एंड इंटरप्रेन्योरशिप द्वारा लागू की गई हर स्टार्ट नाम की पहल का शुभारंभ अक्टूबर 2021 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया। एक खाता वह खाता है तो नेस्टो खाता है मेरे मित्र, जिसका रख रखाव एक भारतीय बैंकों द्वारा विदेशों से लेन देन करने के उद्देश्य से आमतौर पर उस देश की मुद्रा में किया जाता है। बिल्कुल सही बात। भारत में 2019 के दौरान कुल उत्पादन का 33% मैंगनीज अयस्क का अग्रणी उत्पादक राज्य था, कौन था, तो बताएंगे मध्य प्रदेश था। निम्नलिखित में से किस फिल्म के लिए अक्षय कुमार ने राष्ट्रीय पुरस्कार जीता, तो रुस्तम के लिए जीता। लिंगराज मंदिर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो बताएंगे उड़ीसा में। उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों 50 डिग्री से 70 डिग्री के शानदार शंकुधारी वन पाए जाते हैं, इन्हें टैगा भी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे मित्र? टैगा भी कहते हैं, आप याद रखेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संविधान से ली गई है, तो संविधान की प्रस्तावना किससे, तो यूएसए मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। कौन सा रोग मच्छर के काटने से नहीं होता है, तो मेरे मित्र मलेरिया, फ्यूपान और स्टेंगू होता है, लेकिन हेपेटाइटिस नहीं होता है। चुस्का भारत का सबसे लोकप्रिय खाद्य पदार्थ है, तो बताएंगे झारखंड में मेरे मित्र चुस्का आपका दुस्का यहाँ का फेमस खाना है। भारतीय संविधान का 42वां संशोधन अधिनियम 1976 में संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है, तो आप डालेंगे पंथ निरपेक्ष सेक्युलर कंट्री, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं मेरे मित्र अगले प्रैक्टिसर की तरफ। प्रैक्टिस सेट नंबर 4 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। किस देश ने इंग्लैंड के लिए महिला T20 एशिया कप 2022 का खिताब जीता, तो आप बताएंगे अपना प्यारा भारत। संख्या संगठन का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म नहीं है, द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटानों की संख्या, द्रव्यमान संख्या माइनस न्यूट्रॉन और प्रोटानों की संख्या का योग, तो आप बताएंगे बिल्कुल सही जवाब। एक और दोनों बातें क्या हैं, सत्य हैं, दोनों बातें सत्य हैं। मिस इंडिया वर्ल्ड हाउस 2022 पेमेंट किसने जीता है, तो खुशी पटेल ने जीता है। खनिज पदार्थ स्रोत का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, बिटवीन ए पपीता और लौह पालक के लिए, तो मेरे मित्र दोनों चीज़ें क्या हैं, बिल्कुल सही है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनकर किसने इतिहास रच दिया, तो कमला हैरिस ने रच दिया। इन ह्यूमंस टू नेक इज ज्वाइंट बाई द हेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स, तो सही जवाब हो जाएगा वाई पाइवोटल जॉइंट, इसको बोलते हैं या पिवोटल जॉइंट भी कहते हैं। विच आर द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस आर RBI टू टूल, तो मिनिस्ट्री इंस्ट्रूमेंट्स इज करेक्ट, सही जवाब हो जाएगा क्वालिटेटिव हो जाएगा मोरल सेशन। 1793 में जब बंगाल के इस्तेमाल बंदोबस्त लागू किया गया तब उसका गवर्नर जनरल तो चार्ल्स कार्नवालिस था। पश्चिमी विद्यालय में बौद्ध शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र गुप्पा राज्य संघ क्षेत्र में मिलता है, तो बताएंगे हिमाचल प्रदेश में गुप्पा मिलता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ मेरे मित्र। किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को भारत का बिस्मार तो वल्लभ भाई पटेल जी को कहा जाता है। एरिड सोइल्स आर कैरेक्टराइस्टिकली डेवलप्ड इन वेस्टर्न राजस्थान, यहाँ पे क्या होगा वेस्टर्न राजस्थान में, सही जवाब हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद कैसे संबंधित है, तो बताएंगे अनुच्छेद 2 नए राज्यों का भारत या उसकी स्थापना। दो हज़ार जनगणना के अनुसार 2001 से लेकर 21 तक भारत की जनगणना भारत की जनसंख्या का वार्षिक वृद्धि दर क्या था, तो सही जवाब हो जाएगा मेरे मित्र 1.64%। निम्न व्हाट इज द नल फुल फॉर्म ऑफ NCRB, तो सही जवाब हो जाएगा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। उदय शंकर वॉज एन इंडियन डांसर इज बेस्ट नोन फॉर क्रिएटिंग अ फ्यूशन स्टाइल ऑफ डांस। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है तो 29 जुलाई को मनाया जाता है, याद रखेंगे।
निम्नलिखित में से किस वर्षों के दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया, तो 6 से लेकर 10 तक, 1206 से लेकर 1210 तक। आगे लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ प्लेयर इन अ टीम स्पोर्ट, 11 बास्केटबॉल में दे रहा है और वॉलीबॉल में भी 11, दोनों बातें क्या हैं, गलत हैं, ठीक है, दोनों बातें गलत हैं। किस स्टार नेटवर्क ने एन नोड को होस्ट नोड से जोड़ने के लिए इनकी लाइनों की आवश्यकता होती है, तो N-1। पृथ्वी की त्रिज्या तो बताएंगे मेरे मित्र, 6371 किलोमीटर पृथ्वी की त्रिज्या है। आगे लिखा है कि विच शॉर्टकट कीज इज यूज टू मेक द कंटेंट ऑन सेल अंडरलाइंड इन MS 365, सही जवाब हो जाएगा Ctrl+4। दीज रिजर्व आर केप्ट पार्टली एज वेल एज कैश एंड पार्टी इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। और आगे लिखा है कैश रिजर्व रेशियो एंड ब्लॉक्स एंड डिपोजिट विद कमर्शियल बैंक कीप विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये दोनों बातें आपकी सत्य हो जाएंगी। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, तो राफेल नडाल ने जीता। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत आता है, तो बताएंगे पंचायत आता है। निम्नलिखित में कौन सी एक स्थानिक प्रजाति है, तो निकोबरी आपका कबूतर सही जवाब हो जाएगा। बात करेंगे शिफ्ट नंबर 4 के बारे में, किस देश ने क्रिकेट के लिए महिला T20 एशिया कप 2022 का खिताब जीता, तो भारत ने जीता। संख्या संगठन का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, पहला लिखा है परमाणु संख्या माइनस प्रोटानों की संख्या, दूसरा लिखा है द्रव्यमान संख्या माइनस न्यूट्रॉन और प्रोटानों की संख्या का योग। तो मेरे मित्र ये फार्मूला होता है और ये दोनों बातें सत्य हैं, इस प्रकार आपका सही हो जाएगा 1 और 2 दोनों। आगे बढ़ते हैं, इंडिया मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 पेजेंट किसने जीता, तो खुशी पटेल ने जीता। खनिज पदार्थ स्रोत का निम्नलिखित से कौन युग्म सही है, विटामिन ए लिखा है पपीता, बिल्कुल सही बात है, और लौह लिखा है मतलब जो आपका आयरन लिखा है पालक, ये बात भी बिल्कुल सत्य है। तो इस प्रकार दोनों बातें सत्य होती हैं। आगे बढ़ते हैं, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनकर किसने इतिहास रच दिया, तो कमला हैरिस जो भारतीय मूल की थी। इन ह्यूमंस द नेक इज ज्वाइंट बाई द हेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग ज्वाइंट, तो जो गर्दन जुड़ी होती है बॉडी से उसे हम पाइवट ज्वाइंट बोलते हैं, यही पूछा है आपका। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ RBI टूल मोनेस्टरी इंस्ट्रूमेंट्स इज करेक्ट, तो वो आपका सही जवाब हो जाएगा क्वालिटेटिव मोरल सेशन, ठीक है। आगे लिखा है मेरे मित्र, 1793 में जब बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त चालू किया गया, तब गवर्नर जनरल कौन था, तो चार्ल्स कार्नवालिस था। पश्चिमी हिमालय में बौद्ध शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र गोम्पा किस राज्य में स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आगे लिखा है किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कहा जाता है। एरिड सोइल्स आज कैरेक्टरिस्टिकली डेवलप्ड इन विच एक्सिबिट कैरेक्टरिस्टिक एंड टोपोग्राफी, तो सही जवाब हो जाएगा वेस्टर्न राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान में ऐसा होता है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है, तो नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना। 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 तक भारत की जनगणना में वृद्धि क्या थी, तो 1.64% की वृद्धि हुई थी। आगे लिखा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NCRB, तो सही जवाब हो जाएगा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उदय शंकर वॉज एन इंडियन डांसर बेस्ट नोन फॉर क्रिएटिंग अ फ्यूजन स्टाइल ऑफ डांस के लिए जाने जाते हैं, कौन, उदय शंकर जी। आगे लिखा है मेरे मित्र, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है, तो आपको पता होगा 29 जुलाई को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस वर्षों के दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत पर शासन किया, तो 1206 से लेकर 1210 तक। आगे लिखा है कौन सी बात असत्य है, बास्केटबॉल और वॉलीबॉल में 11 प्लेयर दे रहा है, जो बिल्कुल गलत है, वॉलीबॉल में आपका 7 प्लेयर होते हैं मेरे मित्र, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, किसी स्टार नेटवर्क में एन नोड को होस्ट नोड से जोड़ने के लिए कितनी लाइनों की आवश्यकता पड़ती है, तो बताएंगे मेरे मित्र N-1 लाइन की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, तो बताएंगे 6371 किलोमीटर पृथ्वी की त्रिज्या मानी गई है, ठीक है। आगे लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट कीज इज यूज टू मेक द कंटेंट ऑफ अ सेल अंडरलाइन करने के लिए, MS Excel 365 अंडरलाइन करने के लिए हम Ctrl+4 का यूज करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा है कि कौन सी बात है, यहाँ बैंक रिजर्व के बारे में पूछा है। दीज रिजर्व आर केप्ट पार्टली एज कैश एंड पार्टी इन द फॉर्म ऑफ द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, ये सही है मेरे मित्र। आगे पूछा है कैश रिजर्व रेशियो आर डिपॉजिट विच कमर्शियल बैंक्स कीप
विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये दोनों बातें आपकी सत्य हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के एकल पुरुष एकल का खिताब राफेल नडाल ने जीता था। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान के चार के अंतर्गत आता है? तो बताएंगे मेरे मित्र, पंचायत आता है। क्या आता है? पंचायत आता है। कौन सी एक स्थानीय प्रजाति है? तो निकोबारी कबूतर एक स्थानीय प्रजाति है मेरे मित्र। अगला क्वेश्चन है, और इस प्रकार इस सेट नंबर को हमने पूरा किया। अब बढ़ते हैं अगले सेट पे। सेट नंबर चार आपके स्क्रीन पे आ चुका है। किसी मोमबत्ती की ज्वाला के पूर्ण दहन के बाद क्षेत्र का रंग कैसा होता है? तो आपने देखा होगा नीला जलता है, तो नीला होता है, ठीक है। यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है मेरे मित्र? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूआरएल। जैसे यूआरएल जब आप यूट्यूब, जब आप गूगल वगैरह पे जब पहले आप कुछ कोई चीज़ सर्च करते हैं तो ये लिख के आता है यूआरएल, और फिर यूआरएल के बाद आता है एचटीटी, ऐसे आता है एचटीटीपी। तो ये मेरे मित्र यही पूछा है, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स आपका लोकेटर सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस तारामंडल को शिकारी भी कहा जाता है? तो ओरायल को शिकारी कहते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक बहिर्जनित बल है, मतलब बाहर से कौन बल लगता है? तो बताएंगे पवन, हवा का बल बाहर से लगता है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण हरियाणा में कुल कितने पदक जीते? तो हरियाणा ने कुल 137 पदक जीते थे। आगे लिखा है, मांग के नियम के अनुसार किसी वस्तु के लिए उपभोक्ता की मांग वस्तु की कीमत से प्रतिलोमता संबंध होनी चाहिए। आगे लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची की संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो बताएंगे आप मादक, जो है ना मेरे, मादक पदार्थों का बात उसमें नहीं हुई है। आगे लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में प्रजनन का अलैंगिक रूप है? नहीं, अलैंगिक रूप नहीं है पूछा है, तो परागण आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे लिखा है मेरे मित्र, निम्नलिखित में से कौन सी टीम इंडियन प्रीमियर लीग के 15वें संस्करण के प्लेऑफ में नहीं पहुंच पाई थी? तो मेरे मित्र गुजरात भी पहुंची थी और गुजरात ने जीता भी था। इसके बाद मेरे मित्र राजस्थान भी पहुंची थी और राजस्थान रॉयल चैलेंजर पहुंची थी, लेकिन मुंबई क्वालिफाई भी नहीं कर पाई थी। लेकिन इस बार मुंबई मेरे मित्र क्वालिफाई करके और फाइनल में भी, अरे सॉरी, इसमें आपके क्वार्टर फाइनल में हार गई थी। तो ये मेरे मित्र 15वां संस्करण पूछ रहा है। आगे बढ़ते हैं, पाटलिपुत्र की सामग्री उपन्यास के लिए ब्यास सम्मान किसे मिला? तो प्रोफेसर शरद पगारे को मिला है। आगे लिखा है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM का क्रियान्वयन करने वाली संस्था का नाम? तो बताएंगे NHA। निम्नलिखित में से पांड्यों की राजधानी क्या थी? तो मदुरै पांड्यों की राजधानी थे मेरे मित्र, याद रखेंगे। आगे लिखा है, मोहनी अट्टम भारत से संबंधित है जिसका पौराणिक दिव्य मोहनी लिया गया, कहाँ से है? तो केरल, मोहनी अट्टम केरल, याद रखेंगे। आगे चलते हैं, अहमदाबाद में पहली सूती कपड़ा की मिल कब शुरू हुई? तो 1861 में शुरू हुई। और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्वर्जेशन ऑफ नेचर के अनुसार कौन सी एक दुर्लभ प्रजाति है? तो वो एशियाई भैंस है जो अब विलुप्त के कगार पे है। आगे लिखा है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 2022 में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और इसके सहयोगियों पर मेरे मित्र कितने वर्षों के लिए प्रतिबंध लगा दिया? तो बताएंगे 5 सालों के लिए प्रतिबंध लगाया। एमएस वर्ल्ड 365 में कर्सर को एक शब्द से बाईं ओर ले जाने के लिए किस शॉर्ट कीज का यूज़ करते हैं? तो आप बताएंगे, देखिए बाईं ले जाना है तो लेफ्ट का यूज़ करेंगे, बस बात खत्म, ठीक है। आगे, जबलपुर किस नदी के किनारे? तो जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे मध्य प्रदेश में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, गैर पारंपरिक आजीविका ने में लड़कियों के कौशल किस प्रमुख योजना के शामिल किया गया? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत। आगे लिखा है, कौन सीमांत उपभोग प्रवृत्ति MPC की सही सीमा को इंगित करता है? तो MPC जो होता है मेरे मित्र वो 1-0 से तो बड़ा होता है लेकिन 1 से छोटा होता है, ठीक है। आगे, कथक भारत के किस भाग का? तो उत्तर भारत का, अपने प्यारे यूपी का कथक डांस है। आगे लिखा है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निर्हरता के बारे में उपबंधों का उल्लेख किया गया? तो अनुसूची 10 में बताया गया है, दल बदल जो आपका रूल कहलाता है। प्रशांत महासागर के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है? लिखा, यह विश्व का सबसे बड़ा है, तो बात सही है। पृथ्वी का सबसे भाग जो मरियाना गर्थ है इसी में पाई जाती है, भी सही है। प्रशांत लिखा है, महासागर का आकार पूर्णतः अंडाकार है, नहीं, बात ही गलत है, ठीक है। और पूछा है, एशिया ऑस्ट्रेलिया उत्तर और दक्षिण अमेरिका इसी में घिरे हुए, ये बात भी सत्य है। बढ़ते हैं मेरे मित्र और अगले प्रश्न की तरफ। FIBA महिला बास्केटबॉल विश्वकप 2022 का खिताब किसने जीता? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने जीता 2022 में जो हुआ था। अप्रैल 2022 में पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? तो बताएंगे शहबाज शरीफ के रूप में चुना गया मेरे मित्र। अब चलते हैं हम आपके शिफ्ट नंबर 5 की तरफ। शिफ्ट नंबर 5 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। प्रसिद्ध भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु ने जुलाई 22 में ओपन खिताब जीता, कहाँ का? तो सिंगापुर का जीता था, ठीक है। ये सेट नंबर 5 चल रहा है, आप याद रखेंगे, ठीक है मेरे मित्र, आगे बढ़ते हैं। भारत के योजना आयोग को नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित कब किया गया? तो आपको पता होगा मेरे मित्र 2015 में 1 मार्च के दिन इसे प्रतिस्थापित कर दिया गया और अगस्त 2014 में मेरे मित्र योजना आयोग को ख़त्म कर दिया गया था, ठीक है। ये बना कब था ये योजना आयोग मेरे मित्र? तो कोई पूछेगा तो बताइएगा 1950 में, यहाँ पे थोड़ी
1900 मेरे मित्र 50 में योजना आयोग बना तो था, लेकिन मेरे मित्र जो आपकी इसे बदल के नीति आयोग बना दिया गया। निम्नलिखित में से कौन एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, तो आप बताएंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। भारत में ताड़, नारियल, केवड़ा, एंगार के किस वन में सामान्यतः पाए जाने वाले वृक्ष हैं, तो बताएंगे मैग्रोव वन में ये पाए जाते हैं जिसपे कांटे होते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का वास्तुकार था, तो बताएंगे APG अब्दुल कलाम जी। आगे लिखा है चिकनगुनिया मच्छर के कारण होने का एक संक्रमण है, तो किस, तो एंडीज मच्छर के कारण ये होता है, ठीक है। एनाफिलीज मच्छर कारण मलेरिया होता है, ये बात आप याद रखेंगे, भूल जाते हैं, तो मलेरिया किसके कारण, मलेरिया, मलेरिया आपका होगा मेरे मित्र एनाफिलीज मच्छर कारण, और एंडीज के कारण होगा चिकनगुनिया। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द तो कॉरमॉस है, कॉरमॉस मतलब ही ब्रह्मांड। आगे दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद को खत्म करने के लिए नोबल शांति का पुरस्कार किसे मिला था, तो अपने नेल्सन मंडेला जी को मिला था, जिसे वहाँ का गांधी कहा जाता है, ठीक है। भारतीय संसद में प्रत्यक्ष कर सहित विधेयक डायरेक्ट टैक्स कोड बिल का पेश कब हुआ, कब पेश किया गया, तो 2010 में पेश किया गया मेरे मित्र। आगे बढ़ते हैं, कौन सा दर्रा कुल्लू घाटी को भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौर और स्पीति घाटियों से जोड़ता है, तो रोहतांग दर्रा जोड़ता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे मेरे मित्र आपको छोटा सा ट्रिक बताता हूँ, पीर का बाबू जम्मू में, पीर का बाबू जम्मू में, ये जम्मू के दर्रे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान देंगे। पीर पांजाल दर्रा, आपका रोहतांग दर्रा और काराकोरम दर्रा, बनिहाल दर्रा और बुर्जिल दर्रा, ठीक है। अच्छा, नीलिमा बता देता हूँ मित्र, उत्तराखंड के दर्रे, नीलिमा या लीनिमा कैसे रखें, तो नीति दर्रा, माना दर्रा, लिपुरेख दर्रा, ये आपके कहां के, तो ये आपके आपके हिमाचल प्रदेश के, सॉरी उत्तराखंड के दर्रे हैं। अच्छा, हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो याद रखिएगा हिमाचल में बड़ी छिपकली रहती है, कौन, बड़ी छिपकली, तो बड़ा लाचा दर्रा मेरे मित्र, बड़ा लाचा दर्रा, और छिपकली मतलब सीप किला दर्रा, छिपकली मतलब सीप किला या सीप किला या जैसे भी आप समझिए, सीप किला दर्रा, ये आपका हिमाचल दर्रे हैं। बढ़ते हैं आगे, मासिक भत्ता वितरण में पेरोल ऑटोमेशन जो लिखा है का शुभारंभ 2022 में किस मंत्रालय के द्वारा, तो ये मेरे मित्र पद्मा, याद रखें पद्मा, पद्मा का जो आपका हुआ वो रक्षा मंत्रालय के द्वारा इसका शुभारंभ हुआ था। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा शिखर झारखंड का सबसे ऊंचा है, तो झारखंड का जो सबसे ऊंचा शिखर है पारसनाथ की पहाड़ी में स्थित है। आगे, सितंबर 2023 में भारत के अटॉर्नी जनरल जिसे महान्यायवादी के रूप में जानते हैं उसे, तो आर के वेंकट को चुना गया। रमण अपने वाहन से दृश्य दर्पण का प्रयोग करना चाहता है, उसे किस प्रकार का दर्पण चुनना होगा, तो बताएंगे उत्तल दर्पण चुनना होगा। नीति एक इनपुट का उपयोग करना चाहती है जो उपभोक्ता की उंगली की चाल और नीचे की ओर पड़ने वाले दबाव को भाप कर काम करती है, इसे किस प्रकार उपयोग करना होगा, तो टच पैड से, ठीक है। 2022 में 36वें भारतीय राष्ट्रीय खेलों में योगासन में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला खिलाड़ी तो पूजा पटेल बनी, कौन, पूजा पटेल, भारत की एकमात्र महिला। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से किस झील को श्रीनगर के आभूषण के रूप में जाना जाता है, तो मेरे मित्र वो है आपका डल झील, आपका कहाँ पे, श्रीनगर की झीलें हैं। तो मेरे मित्र किस देश ने फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी की थी, तो सही जवाब हो जाएगा भारत ने की थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगा खा पैलेस महाराष्ट्र के पुणे शहर में स्थित है। श्री मणिप्रसाद का संबंध किस प्रकार के संगीत शैली से है, तो हिंदुस्तानी गायक संगीत से है। भारत में दहेज प्रतिबंध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, तो 1961 में पारित किया गया। भारत की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान। मौर्य साम्राज्य का काल में कुछ समय पूर्व लगभग कितने वर्ष पहले चीन के सम्राटों ने विशाल दीवार का निर्माण शुरू किया, तो बताएंगे 2400 साल पहले। निम्नलिखित में से किसे 2022 में प्रमुख भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर पुरस्कार, तो विल स्मिथ को दिया गया। और 2022 की स्थिति के अनुसार भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, नाम मात्र GDP द्वारा मापा गया, तो आप बताएंगे पाँचवीं है, कौन सी है, पाँचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रैक्टिस सेट, पाँचवें प्रैक्टिस सेट की तरफ। अब हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 5 के, या फिर प्रैक्टिस सेट तो हम कह नहीं सकते, बार बार प्रैक्टिस सेट ही बोला जा रहा है, लेकिन इसे हम कहेंगे शिफ्ट नंबर 5 के क्वेश्चंस, जो कि आपके शिफ्ट नंबर 5 मेरे मित्र, जो कि CHSL के द्वारा CHSL 2022 में आपके पूछे गए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भारत में आयुध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, तो आप बताएंगे ये किया गया आपका कब, तो बताएंगे 1959 में किया गया। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान कौन शहर अस्तित्व में आया, तो बताएंगे हड़प्पा आपके अस्तित्व में आया। आगे लिखा है, एक प्राचीन मार्शल आर्ट है जिसकी उत्पत्ति प्रायद्वीपी भारत में योद्धाओं के मित्र सैन्य प्रशिक्षण के एक भाग में हुई थी, तो कलारीपट्टू आप याद रखेंगे। डेटा ट्रांसमिशन के निम्न में से किस मोड में डेटा का प्रवाह दोनों दिशाओं में होता है, लेकिन एक समय में केवल एक ही दिशा में डेटा का प्रवाह हो सकता है, तो बताएंगे हॉफ डू लेक्स,
डुप्लेक्स। रिजर्व रेपो रेट के संबंध में कौन सा कथन सही है? जब बैंक अपना अधिशेष धन आरबीआई में जमा करता है तो आरबीआई उस बैंक को कुछ ब्याज देता है, इस ब्याज को रिजर्व रेपो रेट के नाम से जानते हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन है? तो बताएंगे तिब्बत का पठार। विच आर द फॉलोइंग म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स आर सॉलिड इंस्ट्रूमेंट? तो ये हो जाएगा आपका घाना वद्या। क्या है? घाना वद्या आपका, ये आपका हो जाएगा सही जवाब। डैश ने जापानी फार्मूला फर्स्ट ग्रैंड प्रिक्स जीता, 2022 जीता, तो बताएंगे मैक्स वर्स्टापेन ने जीता था, वर्स्टापेन ने। डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो अब बताएंगे टेनिस से संबंधित है। खालिस्तान इज द की सर्किट बोर्ड होल्डिंग टू इसेंशियल प्रोसेसिंग पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर? तो सही जवाब आपका हो जाएगा मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्या एक सर्किट है जो कि कंप्यूटर को चलाती है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 50 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विश्व बैंक ने भारत के गुजरात राज्य के लिए सिस्टम रिफोर्स एंडवेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेड हेल्थ अचीवमेंट के लिए मई 2022 में $350 मिलियन की अनुदान सहायता की, तो आपका गुजरात सही जवाब हो जाएगा। नीलिमा कालबेलिया नृत्य करती है, तो कालबेलिया पूछा है तो राजस्थान आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध उपन्यास दुर्गेश नंदन किसने लिखा? तो बंकिम चंद जी ने लिखा है। ठीक है, एक गेंद में 3000 इकाई का संवेग है, यदि गेंद का वेग दोगुना कर दिया जाए तो गेंद का नया संवेग तो डबल हो जाएगा आपका, दोगुना उसको करेंगे तो दोगुना संवेग भी हो जाएगा, 6000 इकाई हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रीजनल नेम फॉर ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया? तो मालाबार तट आपका नहीं नाम होगा, ठीक है, ईस्ट कोस्ट नहीं है, यह आपका वेस्ट कोस्ट है, पश्चिमी तट है मालाबार तट। आगे लिखा है, निम्न में कौन सा एक जीवाणु जनित बैक्टीरियल रोग है? तो आप बताएंगे कुष्ठ रोग आपका बैक्टीरियल रोग है। अक्टूबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र बहुआयामी निर्धनता सूचनांक के अनुसार विश्व में सबसे ज्यादा निर्धन लोग कहाँ रहते हैं? तो भारत में, बताइए, यही आपके सपनों का भारत है वाह सरकार। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। किसी किरण का परावर्तित किरण से अभिलंब पृष्ठ पर मापा गया कोण क्या है? तो आप बताएंगे परावर्तन कोण। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भारत सरकार द्वारा 2018 में सबसे कमजोर वर्गों को सुविधा प्रदान करने के लिए शुरू किया गया महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है? तो बताएंगे स्वास्थ्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे अजीज कुमार एक वाइन डिलिस्टर शराब बनाने और बेचने वाला को ऊंचे प्रशासनिक पद पर बैठाया था? तो मोहम्मद तुगलक ने बैठाया था। सितंबर 2022 में लॉन्च किए गए जलदूत एप्लीकेशन का उपयोग ग्राम्य रोजगार सहायक द्वारा कुएं का जल स्तर मापने के लिए किया जाता है। और 23वां क्वेश्चन है, अम्बाला में सुंदरवन तक का मैदान लगभग 1800 किलोमीटर तक फैला हुआ है, इसकी ढाल में गिरावट मुश्किल से 350 मीटर की है। आगे लिखा है, भारत का सबसे ऊंचा शिखर निम्नलिखित में से कौन है? तो बताएंगे कंचनजंगा। ठीक है, और इसके बाद अक्टूबर 2022 में चंद्रयान 2 द्वारा पहली बार चंद्रमा पर किस पदार्थ की बहुआयत में उपस्थिति का पता चला? तो सोडियम का पता चला है चंद्रमा पे। और हम बढ़ते हैं यहाँ प्रैक्टिस सेट नंबर 6 की तरफ, जो कि आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। तो चलिए, प्रैक्टिस सेट नंबर 6 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। लिखा है, हरनाज कौर संधू एक भारतीय मॉडल और सौंदर्य प्रतियोगिता टाइटल धारक हैं, जिन्हें मिस यूनिवर्स 2021 में का ताज पहनाया गया था। किसका ताज पहनी थी इन्होंने? तो मेरे मित्र याद रखिएगा कि जो हरनाज कौर हैं, इन्हें 2021 में मिस यूनिवर्स का ताज पहनाया गया। निम्नलिखित में से कौन से मुद्दे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा रद्द किए गए? तो अस्पृश्यता के रद्द कर दिए गए हैं, ठीक है, जो 17 में थे। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार एक महान बौद्ध संत थे जो जे चुखाया के जन्म का प्रतीक क्या है? तो बताएंगे गलदान नाम चोट, ठीक है, ये संत का नाम है। विलम्बडन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो एलेना रिबाकीना ने जीता। आगे लिखा है, किसने 1998 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग होने के बाद तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की और अपनी
अध्यक्ष बन गई, तो सही बात, सही आंसर हो जाएगा ममता बनर्जी जी पश्चिम बंगाल से। कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है, तो सही जवाब हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर की उत्तर से दक्षिण की ओर घटती जा रही है। ये बात बिल्कुल गलत है, अब घटेगी थोड़ी जो है वो रहेगी, तो लिखा है घटती जा रही है। सैम अपनी प्रेजेंटेशन ईमेल के माध्यम से कई लोगों के साथ साझा करना चाहता है, इसके लिए वह MS PowerPoint 365 की किस विशेषता का उपयोग करेगा, तो आप बताएंगे शेयर का उपयोग करेगा। निम्नलिखित में से कौन सी टीम एशिया कप फाइनल 2022 में हार गई थी, तो आप बताएंगे पाकिस्तान हार गई थी, और भारत इसके पहले मतलब कि भारत एशिया कप में खुद हार गया और फाइनल में पहुंची पाकिस्तान, तो पाकिस्तान जीत गई थी, अरे सॉरी पाकिस्तान भी फाइनल में हार गई थी। ठीक है आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा ठोस पदार्थ सीधे गैस में बदल परिवर्तित हो जाता है, तो उर्ध्वपातन, जैसे कपूर का जलना हो गया, आयोडीन का जलना हो गया, नौसादर का जलना हो गया। आगे लिखा है भारत में किस प्रकार के वन में शुष्क वृक्ष शुष्क ग्रीष्मकाल में लगभग 6 से 8 सप्ताह तक अपनी पत्तियां गिराते हैं, तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। आगे लिखा है कौन सा मालव पठार की महत्वपूर्ण नदी नहीं है, तो महानदी आपका जवाब हो जाएगा। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक शाखा है जो कंप्यूटर को मानव भाषा में मदद करती है, किसमें, तो मेरे मित्र समझने, व्याख्या करने और हेर फेर करने में, तीनों बातें आपकी सत्य हो जाएंगी। निम्नलिखित में से कौन पादप जगत का उपसमूह नहीं है, तो बताएंगे हेमिकार्डेटा। अगला क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था में सामाजिक समाजवादी समाज में संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, लिखा है यह सरकार ही यह निर्णय लेती है कि किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। बिल्कुल सही बात, समाजवाद में माल का वितरण लोगों की आवश्यकता के आधार पर किया जाना चाहिए, दोनों बातें आपकी सत्य हो जाएंगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की स्थापना किस समिति अधिनियम के प्रावधानों के तहत की गई, सही जवाब भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007। भारतीय मानक ब्यूरो किस केंद्रीय मंत्रालय के तत्वाधान में कार्य करने वाला एक वैधानिक निकाय है, सही जवाब हो जाएगा उपभोक्ता मामला विभाग, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग। अनंत की माँ उसे रात में पेड़ों के नीचे नहीं सोने देती, क्योंकि रात में जो पेड़ होते हैं CO2 छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 जून को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किसने द प्रेगनेंसी बाइबल लिखा, तो रीना करीना कपूर ने लिखा प्रेगनेंसी बाइबल पुस्तक। भारत दालों का सबसे बड़ा और दालों का उत्पादक भी भारत बहुत ज़्यादा है, और दालों का उपभोक्ता भी भारत में सबसे ज़्यादा है, मतलब दाल सबसे ज़्यादा पैदा भी होती है और सबसे ज़्यादा खत्म भी होता है, खपत भी होती है भारत में। ठीक है, विदेशों में उतने लोग दाल नहीं खाना पसंद करते हैं। आगे लिखा है मेरे मित्र, दिल्ली के प्रसिद्ध लौह स्तंभ का निर्माण किस वंश के शासक ने कराया था, तो बताएंगे गुप्त वंश के शासक ने कराया था। आगे बढ़ते हैं, भारत के संविधान में किस देश के संविधान से कोई विशेषता नहीं ली गई है, तो बताएंगे चीन से नहीं ली गई है, ब्रिटेन से ली गई, अमेरिका से ली गई, फ्रांस से ली गई है, लेकिन चीन से कुछ नहीं लिया गया है। सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है, तो बताएंगे MP में, मध्य प्रदेश में है। आगे बढ़ते हैं मेरे मित्र, निम्नलिखित में से कौन सी बातें युग्म सही है, तो पहला लिखा है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी T20 का फॉर्मेट है, ये बात तो बिल्कुल सही है, और विजय हजार ट्रॉफी जो है मेरे मित्र ये 50 ओवर का मैच होता है विजय हजार ट्रॉफी, तो इस प्रकार दोनों बातें सत्य हो जाएंगी। और लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, इस ईस्ट इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ, तो बताएंगे 1784 में ईस्ट इंडिया एक्ट भारत आया। अब बढ़ते हैं मेरे मित्र अगले प्रैक्टिस सेट की तरफ, अगले शिफ्ट की तरफ, शिफ्ट नंबर 6 की तरफ। तो अगला टॉपिक आपके सामने शिफ्ट नंबर 6 आ चुका है, सितंबर 2022 में किसके द्वारा, तो भैया सबसे पहले यहाँ पे लिखा है तो लिख देंगे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के द्वारा क्या किया गया, तो मिसाइल का, ब्रह्मोस मिसाइल का क्या किया गया मेरे मित्र, ठीक नहीं ब्रह्मोस नहीं है मेरे मित्र, VSHORDAS मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। ठीक है आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल MS Word 365 के फ्रंट डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, तो बताएंगे Ctrl+D के लिए, Ctrl+D। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने जलदूत ऐप लॉन्च किया, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय। ये किस लिए हुआ जलदूत, तो ये आपका कुआं का पानी मापने के लिए हुआ था। आगे किस प्रख्यात खिलाड़ी को 2014 में भारत रत्न मिला, तो भैया सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न 2014 में मिला। आगे कुल उपयोगिता में वह परिवर्तन है जो वस्तु के एक अतिरिक्त इकाई के उपयोग में होती है, तो सीमांत उपयोगिता MU आप याद रखेंगे। आगे लिखा है दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा, तो मेरे मित्र बीगा बेगम द्वारा बनवाया गया हुमायूं का मकबरा, बीगा बेगम के द्वारा। सेनाई एक सरकंडा
नलिका युक्त वाद्य यंत्र है, इसमें नलिका के ऊपर कितने छेद होते हैं, तो 7 छेद होते हैं। बताइए अब यहाँ से भी क्वेश्चन, शहनाई में 7 छेद होते हैं, याद रखें। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक से है, तो आप बताएंगे 351, अनुच्छेद 351। असमानता दूर करने के मामले के प्रतिबद्धता सूचनांक 2022 के अनुसार समग्र असमानता को कम करने में भारत की रैंक क्या है, तो 123। भारत का कौन सा राज्य संघ राज्य क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में स्थित है, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। और अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे कि निम्नलिखित में से किसे हॉकी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ पुरुष गोलकीपर ऑफ द ईयर 2021-22 का चुनाव मिला, तो PR श्रीजेश को मिला। अगला क्वेश्चन है मेरे मित्र, निम्नलिखित में से पशु जगत का संघ कौन सा युग्म गलत है, तो बताएंगे लीवर फ्लूक जो नीमेटोडा दिया है, एक तरफ पशु दिए गए हैं, एक तरफ आपका संघ दिया गया, तो यही आपका गलत है। बाकी साइकॉन पेरीफोरा में आता है, स्टारफिश आपका इकाइनोड मेटा में आता है, झींगे आपके आर्थ्रोपोडा में आते हैं, ठीक है। और मोलस्का में बताइए, अगर कुछ क्वेश्चन पूछ दिया मोलस्का में क्या आता है, तो मोलस्का में आपका घोघा आता है। क्या आता है मेरे मित्र? घोघा आपका संघ मोलस्का में आता है, इसे भी आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे पूछा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तब हुई थी जब दिसंबर 1885 में देश के प्रतिनिधि बंबई में मिले थे, कितने प्रतिनिधि, तो 72 प्रतिनिधि मिले थे। आगे बढ़ते हैं, वर्ष 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ हुआ, तो बताएंगे बर्मिंघम में हुआ था। सितंबर 2021 तक कौन सा भारत में एक राष्ट्रीय राजनीति दल नहीं है, राष्ट्रीय राजनीति दल पूछ रहा है, तो इंडियन नेशनल लोक दल या आपका राजनीतिक दल नहीं है। आगे लिखा है मेरे मित्र, 16वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि लिखा है जिसे खोज बेरोजगारी के रूप में भी जाना जाता है, तब होता है जब कर्मचारी अपनी वर्तमान नौकरी खो देता है और दूसरी खोजने की प्रक्रिया में होता है, उसे प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी मेरे मित्र कहते हैं, इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा है निम्नलिखित में से झीलों में से किस झील को भारत के एकमात्र तैरते द्वीपों की झील के रूप में जाना जाता है, तो लोकटक इसका नाम है। क्या नाम है? लोकटक, जो कि मणिपुर में, कहाँ पर मेरे मित्र पूछ देगा कहाँ पर, तो बताएंगे मणिपुर में। चिल्का पूछ दिया बोलिए, तो चिल्का चील लेकर उड़ गई, तो उड़ीसा याद रखेंगे, उड़ीसा में चिल्का है मेरे मित्र। पुलिकट कहाँ पर मेरे मित्र? कट गया, तो क्या कट गया? अच्छा कोलेरू, एक बार याद रखें कोलेरू आपका कहाँ है, कोलेरू हो गया, और हुसैन सागर ये आपका कहाँ पे है, तो ये आपका आंध्र प्रदेश में, कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। और पुलिकट कहाँ पे है, तो इसका आप मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, आप इसको बताएंगे, ठीक है, बॉक्स में। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है मेरे मित्र? तो मेरे मित्र इसका जो परमाणु द्रव्यमान है वो है 23। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर या आपका एप्लीकेशन नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मेरे मित्र, फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में निम्नलिखित में से किसे प्रमुख भूमिका पुरुष लोकप्रिय सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला, तो बताएंगे आप रणबीर सिंह को मिला। किसे मिला मेरे मित्र? रणबीर सिंह को मिला। आगे लिखा है आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है, यह प्रशांत महासागर के छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है जिसे हम बेरिंग जल संधि के नाम से जानते हैं, ठीक है। आगे बढ़े हैं, भारत में उपोष्ण वनस्पति क्षेत्र में औसत वार्षिक औसत तापमान कितना है, तो 17 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक है। आगे लिखा है कलिंग तटवर्ती का प्राचीन नाम क्या है, तो बताएंगे उड़ीसा है, उड़ीसा। और आगे लिखा है मेरे मित्र किस टीम ने रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब जीता, तो बताएंगे आप मध्य प्रदेश ने जीता। आगे लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो लिखा है हमारे शरीर जो 7 से 7.8 pH के बीच कार्य करता है, ये बात सही है, बिल्कुल सही पूछा है ना, तो बिल्कुल यही बात आपकी सत्य है। तो मेरे मित्र आपका 6 आपके शिफ्ट के क्वेश्चन हो चुके हैं, अब हम बढ़ेंगे 7वें सेट की तरफ। चलिए आपका शिफ्ट नंबर 7 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। शीतल अपने व्यवसाय के लिए वित्तीय विवरण बनाना चाहती है, उसके लिए उसे निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर का उपयोग करना चाहिए, तो सही जवाब हो जाएगा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का, ठीक है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का उसे यूज करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की प्रत्येक परिक्रमा कितने मिनट में लगाती हैं, तो बताएंगे 90 से 93 मिनट में लग जाता है एक परिक्रमा, ठीक है। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार महात्मा गांधी या जो नरेगा है के तहत मजदूरी कितनी है पर डे की, जो 1 अप्रैल 2020 से लगी हुई है, तो 202 रुपये इन्हें मिलता है पर डे का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 8 मार्च को। 1857 में प्लासी में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो बताएंगे रॉबर्ट क्लाइव ने, और यह युद्ध आपका 1757 में हुआ था, याद रखेंगे।
जब रेत के कण बहुत महीन और हल्के होते हैं तो हवा इसे बहुत दूर तक ले जा सकती है। ऐसे रेत बड़े क्षेत्र में जम जाती है तो इसे क्या कहा जाता है? इसे लोएम कहते हैं। क्या कहते हैं? लोएम कहते हैं मेरे मित्र, याद रखेंगे। आगे लिखा है मेरे मित्र, अक्टूबर 2022 में नरेंद्र मोदी द्वारा किस गलियारे का उद्घाटन किया गया? तो आप बताएंगे महाकाल लोक गलियारा का उद्घाटन मोदी ने किया था। आगे लिखा है भारत की राष्ट्रीय वायु खेल नीति वर्ष किसमें जारी की गई? तो आप बताएंगे 2022 में जारी की गई। आगे लिखा है भारत सरकार द्वारा जारी ट्रेजरी बिलों की अवधि का निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही है? तो बताएंगे 91 दिन, 182 दिन और फिर तब जाके 364 दिन। 91 मतलब पहले एक आता है, फिर दो आता है, फिर चार आता है, ऐसे भी आप आ सकते हैं। शुरू में एक, पीछे पहले देखिए से पीछे क्या आएगा मेरे मित्र, पीछे आपका आएगा पहले एक आएगा, फिर आपका दो आएगा और यहाँ पे चार आएगा। इसे आप याद रखेंगे ताकि भूलेंगे नहीं चीज़ों को। आगे बढ़ते हैं मेरे मित्र, हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से? तो पता है आपको, ये आपके बांसुरी वादक हैं। हरिप्रसाद चौरसिया एक बहुत बड़ा नाम है हरिप्रसाद चौरसिया के रूप में। कौन सा शब्द खेल युग्म सही है? तो हम बताएंगे ईगल, हॉकी। ईगल जो होता है हॉकी में आता है और पेनाल्टी किक क्या है वॉलीबॉल में होता है। देखिए ये पेनाल्टी किक जो होता है ये तो किक में लगता है जब आप फुटबॉल खेलेंगे तब, लेकिन यहाँ पे वॉलीबॉल दे रहा है तो ये बात तो बिल्कुल गलत हो गई। पहली बात तो बिल्कुल 100% गलत हो गई। और रही बात ईगल हॉकी में, ये भी आपका गलत है, ये मुक्केबाजी में होता है। इस प्रकार ये दोनों बातें ना तो एक ना तो दो आपका ऑप्शन नंबर एक आपका जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस दाब पेटी को हार्स अक्षांश के रूप में जाना जाता है? तो उत्कोष्ण उच्च दाब को। द मिनिस्ट्री ऑफ मोस्ट हैप्पीनेस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो आप बताएंगे अरुण धतीय राय के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई। नवंबर 2022 तक भारत का पहला नागरिक कौन है? तो बताएंगे द्रौपदी मुर्मू। नवंबर 2022 में बदल गई थी ना इसलिए। FTP का पूर्ण रूप क्या है? तो आप बताएंगे फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे लिखा है मेरे मित्र, सितंबर 2022 में बेंगलुरु में बेंगलुरु स्पेस एक्सपो में इसरो और डैश लिखा है ऑस्ट्रेलिया के बीच ये हुआ था। ऑस्ट्रेलिया के बीच में क्या हुआ था मेरे मित्र, अंतरिक्ष एजेंसी ने तकनीक पर ध्यान केंद्रित करने वाले दोनों देशों के स्टार्टअप के बीच आधा दर्जन समझौता हस्ताक्षरों पर क्या हुआ सुविधा प्रदान की थी। आगे लिखा है निम्नलिखित में से किसमें पायरूवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा में बदल जाता है? तो आप बताएंगे मानव पेशी कोशिकाएं। कौन सा मराठा वंश का एक प्रसिद्ध शासक है? तो आप बताएंगे छत्रपति शिवाजी महाराज जी। आगे लिखा है WHO के अनुसार यदि किसी व्यक्ति का BMI 18.5 से कम है तो उसे किस वर्ग के रूप में रखा जाएगा? तो सामान्य से कम वजन में उसे रखा जाएगा। आगे लिखा है पूर्वी घाट का सबसे बड़ा शिखर कौन है? तो महेंद्र गिरी है पूर्वी घाट का सबसे बड़ा शिखर। आगे लिखा है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची में निम्नलिखित में से क्या उल्लेख है? तो बताएंगे दाव और द्युत आपका उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा त्यौहार तेलुगु नव के रूप में मनाया जाता है? तो बताएंगे उगादी है। क्या है? उगादी है। और कौन सा महाद्वीप विश्व का आधे से अधिक टीन का उत्पादन करता है? तो मेरे मित्र वो हो जाएगा आपका एशिया। क्या हो जाएगा? एशिया आपका हो जाएगा, याद रखेंगे। खेलो इंडिया युवा गेम में चौथे संस्करण में मेजबानी भारत के किस राज्य में हुई? तो आप बताएंगे हरियाणा में हुई थी। कहाँ हुई थी? हरियाणा में हुई थी मेरे मित्र। और आगे लिखा है स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले पहले राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाली। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले सेट की तरफ और अगला सेट आपके स्क्रीन पे आने ही वाला है। बढ़ आ चुके हैं मेरे मित्र अगले सेट पे और अगले सेट का प्रश्न आपके सामने है और स्क्रीन पे आपको लिखा दिखाई दे रहा होगा ये कौन सा सेट है, क्योंकि जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी फिलहाल भूल चुका हूँ ये सेट कौन सा है, लेकिन आपके स्क्रीन पे यहाँ पे आपको दिखाई दे देगा जब मैं वीडियो को एडिट करूँगा तो यहाँ पे लिख दूंगा कि सेट नंबर कौन सा है। ठीक है, चलते हैं। लिखा है अक्टूबर 2022 में किस देश ने चंद्र मिशन में चंद्रमा की सतह पर सोडियम के व्यापक वितरण का मानचित्रण किया है? तो बताया अभी हमने भारत किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेरे मित्र। एल नीनो के तट से लगे गर्म जलधारा के विकास को दिया गया नाम है? तो पेरू। क्या नाम है इसका? पेरू इसका नाम है। आगे लिखा है मेरे मित्र, निम्नलिखित में से कौन हमारे सौर मंडल का भीतरी ग्रह नहीं है? तो बृहस्पति आपका भीतरी ग्रह नहीं है। जैसा कि आपको पता है कि आपका यहाँ पे सन होता है, सन के बाद आपका यहाँ पे बुध होता है, फिर आपका शुक्र होता है, फिर आपकी पृथ्वी होती है, फिर आपका मंगल होता है, फिर आपका बृहस्पति होता है और फिर आपका शनि होता है, फिर आपका अरुण होता है और फिर आपका वरुण होता है। 2, 4, 6, 8 ग्रह हो गए, जिसमें से मेरे मित्र भीतरी ग्रह क्या होते हैं तो एक बार समझने की आप कोशिश करेंगे थोड़ी जगह कि मैं इस वीडियो को मेरे मित्र मोबाइल से बनाता हूँ। तो ये आपका सन था, जैसा कि आप समझ सकते हैं ये आपका सन है। तो यहाँ पे 4-4 में आप डिवाइड कर लीजिए, ऐसे 4-4 में डिवाइड करिए क्या मिलेगा, ये जो होते हैं ये आंतरिक ग्रह होते हैं और ये जो होते हैं बाहरी ग्रह होते हैं। ठीक है, तो पूछा क्या है, भीतरी ग्रह कौन है? देखिए बुध शुक्र और मंगल, बुध शुक्र और मंगल ये तो तीनों अंदर है, बाहर कौन है? बृहस्पति। इस प्रकार आपका बृहस्पति क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करूंगा आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। बढ़ता हूं अगले प्रश्न की तरफ मेरे मित्र।
एप्पल सेकेंड पीढ़ी के कंप्यूटर का एक उदाहरण है। तो एप्पल सेकेंड पूछ रहा किस पीढ़ी का है, तो एप्पल जो आपका चतुर्थ पीढ़ी का मेरे मित्र कंप्यूटर का उदाहरण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है मेरे मित्र अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि बिक्री के XXI चरण में चुनावी बॉन्ड की निम्नलिखित में से किस संस्था से केवल खरीदी जा सकती है, तो आप बताएंगे SBI से खरीदी जा सकती है। US ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता, तो आप बताएंगे US ओपन 2022 है तो बताएंगे ईगा स्वियाटेक ने। ठीक है, आगे आगे लिखा है 500 साल पुराना नृत्य कौन है जो असम में, तो भैया असम देखते ही पकड़ लीजिए तुरंत, सतरिया कुछ सोचना ही नहीं है, बता चुके हैं असम में सतरिया आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे लिखा है मेरे मित्र खिलाड़ी खेल का युग कौन सही है, पहला लिखा है लवलीना बोरगोहेन, ये मुक्केबाजी से है, बिल्कुल सही बात है। निखत जरीन कुश्ती से दे रहा है, ये आपका गलत दिया है। इस प्रकार पहला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं। अगला लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा पूरी तरह से हाइड्रा और सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन चुका है, तो बताएंगे इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायत में संबंधित उपबंधों का उल्लेख है, तो आप बताएंगे भाग नंबर 4 में, सॉरी एक मिनट गलती होगी, क्षमा चाहूँगा मेरे मित्र, भाग नंबर 4 नहीं भाग नंबर 9 में। ठीक है, IX आपका 9 होता है ना, मैंने याद ख्याल नहीं किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेरे मित्र। अगला क्वेश्चन आपके सामने मृदा लिखा है अभिलक्षण का निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही है, लिखा है बलुई सूक्ष्म कणों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होता है, ये तो बात बिल्कुल मेरे मित्र गलत दे रहा है। और आगे लिखा है मृदमय स्थूल कणों का अनुपात अधिक होता है, तो ये दोनों बातें गलत है मेरे मित्र, ऑप्शन हो जाएगा न तो एक न तो दो। मौलिक मैलिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो मैलिक आपको पता है सेब में पाया जाता है। ठीक है, अच्छा सिरका में, तो आप बताएंगे एसिडिक पाया जाता है, क्या पाया जाता है एसिडिक पाया जाता है। और चींटी के डंक में आप बताएंगे फार्मिक पाया जाता है, कौन पाया जाता है मेरे मित्र फार्मिक पाया जाता है। इमली में, इमली में बताएंगे मेरे मित्र आप टार्टिक पाया जाता है, टार्टरिक पाया जाता है किसमें, इमली में पाया जाता है। ठीक है, चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन ने भारतीय संविधान में शिक्षा के अधिकार को जोड़ा, तो 86वें संविधान संशोधन 1919 बताएंगे आप कितना था, तो मेरे मित्र 1900 आपको ये 1900 मुझे याद नहीं आ रहा, 76 संविधान था, 1976 था, क्या था आप बताइए एक बार, आप कमेंट्स करके बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये आपका जो भारतीय जो शिक्षा का अधिकार आपका जुड़ा, तो 86वें संविधान के द्वारा जुड़ा था। ठीक है, चलिए आगे लिखा है मेरे मित्रों निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार गैसों के मिश्रण का दाब अयोगी गैसों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है, तो ये डाल्टन का नियम कहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दक्कन के पठार से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो पश्चिम में इसके चौड़े आधार पर सतपुरा की श्रृंखला है, ये बात गलत है। मैसूर में टाइगर के नाम से, तो आपको पता है टीपू सुल्तान को टाइगर कहा जाता है। आगे लिखा है रुपए के लेन देन करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्वीकृति प्राप्त करने वाली पहली बैंक बनाई गई, तो वो थी आपकी यूको बैंक। अगला क्वेश्चन है मेरे मित्र ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो कौणम मल्लेश्वरी पहली भारतीय महिला थी। HTTP का पूर्ण रूप क्या है, तो बताएंगे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उगादि के अवसर पर मनाने जाने वाला तेलुगु उत्सव है, तो तेलुगु नव वर्ष पे मेरे मित्र मनाया जाता है, क्या उगादि मनाया जाता है। आगे लिखा है लखनऊ समझौता के संबंध में कौन सी बातें सही हैं, पहला लिखा है इस यह समझौता 1976 में इस पे हस्ताक्षर किया गया, बिल्कुल सही बात है। यह कांग्रेसी के माध्यम मार्गी और आमूल परिवर्तनवादों गुटों के बीच समझौता हुआ, नहीं मेरे मित्र ऐसा कुछ नहीं था, इसमें मजूमदार जी आपके क्या थे, मजूमदार आपके इसमें समझौता इसमें आपके अध्यक्ष थे, तो ये बात आपका केवल पहला सही है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण का आयोजन, तो बताइएगा हरियाणा में हुआ था। ठीक है, आगे लिखा है मेरे मित्र किस भारतीय शहर को दक्कन की रानी के नाम से, तो पुणे को दक्कन की रानी के नाम से जाना जाता है। यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना, तो हेनरी लुई विलियन डे रोजियो ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार से समस्त मांग फलन उपयोग फलन से संबंधित है, पहला लिखा है उनमें ढलान सी एक समान है, और दूसरा लिखा है समस्त मांग फलन उपयोग फलन के समानांतर है, तो ये दोनों बातें आपकी सही है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर आगे की तरफ, तो मेरे मित्र चलिए मेरे मित्र आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है वाद्य शास्त्रों से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने वाले नाट्य शास्त्र को भरत भूमि ने संकलित किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, भरत मुनि थे ना, भरत मुनि ने। आगे प्रोकैरियोटिक कोशिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है, लिखा है झिल्ली युक्त कोशिका अंगक उपस्थित होते हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, 2G सागा अनफोल्ड किताब किसके द्वारा लिखी गई, तो अरिमुदु राजा के द्वारा लिखी गई। आगे लिखा है इंद्रावती नदी गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है, ये आपका सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयोजित संयुक्त राष्ट्र विश्व भू स्थानीय कांग्रेस का उद्घाटन किया, कहाँ पे किया, तो बताएंगे हैदराबाद में किया।
भारत में निम्नलिखित में से किस मौसम को परिवर्तनीय मौसम के नाम से जाना जाता है? तो बताएंगे मानसून की वापसी। यदि मांग की कीमत लोच एक से कम हो तो वस्तु की मांग को क्या कहा जाता है? तो कहेंगे बेलोचदार कहा जाता है। मेरे मित्र आगे बढ़ते हैं, सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची में भूमि और भवनों पर कर से संबंधित उपबंध नहीं है। सातवीं जो अनुसूची है मेरे मित्र उसमें क्या क्या है? तो उसमें आर्थिक और सामाजिक योजना है, वन के बारे में, औद्योगिक और श्रम विवाद के बारे में दिया है, लेकिन भूमि और भवनों पर कर के बारे में नहीं दिया है। सत्यार्थ कैलाश सत्यार्थी को जो नोबल पुरस्कार मिला किस क्षेत्र में मिला? तो बताएंगे शांति के क्षेत्र में इन्हें नोबल पुरस्कार मिला था। मेरे मित्र आगे लिखा है रिशु जो एक लड़की का नाम है, की दबाकर कंप्यूटर में डेटा इनपुट करना चाहती है, उसे किस इनपुट डिवाइस का प्रयोग करना चाहिए? तो बताएंगे कीबोर्ड का यूज करना चाहिए। ठीक है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। भारत के किस राज्य क्षेत्र में के नाम पर एक समुद्र का नाम है? तो बताएंगे आप अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, आगे लिखा है फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 में शुरुआती मैच में मोरक्को और किसके बीच में खेला गया, मतलब उद्घाटन मैच के बारे में, तो मोरक्को और ब्राजील के बीच में मुकाबला खेला गया। औद्योगिक नीति 1956 के संबंध में दो बातें दी गई हैं, लिखा है कि यह प्रस्ताव द्वितीय पंचवर्षीय योजना का आधार बना, तो मेरे भी तो 56 लिखा है, 56 से द्वितीय पंचवर्षीय योजना चल रही थी, तो बिल्कुल सही बात है। और इस नीति का उपयोग पिछड़े क्षेत्रों के उद्यम को बढ़ावा देने के लिए किया गया, तो मेरे मित्र ये बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए यहाँ पे औद्योगिक नीति प्रस्ताव खुद ही लिखा है, जब औद्योगिक लिखा है तो भैया उद्यम को बढ़ावा देंगे ही, तो दोनों बातें सत्य हो जाएंगी। कोयले के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? लिखा है धातु शोधन कोयला उच्च श्रेणी में लिग्नाइट कोयला है, इसका वात्या भट्टी में लोहे के प्रगलन में विशेष महत्व है, यही बात आपका गलत है, और तीनों सही हैं। मई 2022 में रेलटेल ने किस पर आधारित पीएम वाणी लॉन्च किया? तो बताएंगे 100 रेलवे स्टेशनों पर इसकी वाईफाई की सुविधा देकर पीएम वाणी लॉन्च किया गया। मनुष्यों में स्टार्च जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन किस भाग में शुरू होता है? तो बताएंगे मुंह गुहिका में होता है। आगे लिखा है अप्लेसेस टू ग्राउंड वाटर इज स्टोर्ड बिटवीन लेयर ऑफ हार्ड रॉक बिलो द वाटर टेबल, तो सही जवाब हो जाएगा एन एक्वीफर। आगे लिखा है बिहार के पटना में मस्जिद पत्थर की मस्जिद किसने बनवाई? तो मेरे मित्र वो बनवाई परवेज शाह ने बनवाई थी पत्थर की मस्जिद। पंजाब में निरंकार भगवान की पूजा करने पर किसने जोर दिया? तो बाबा दयाल दास ने दिया। खेड़ा अभियान में गुजरात में पाटीदार किसानों ने अंग्रेजों में किस मांग के विरुद्ध अहिंसक अभियान चलाया? तो उच्च भूमि का उच्च राजस्व पर उन्होंने अहिंसक विद्रोह किया था। खेल का युग्म सही नहीं है पूछा है, गैलिंग जो बैटिंग जो है क्रिकेट में बिल्कुल सही बात है, एक मिनट यहाँ पे युग्म सही नहीं है पूछा है, और गोल दो दिया नेटबॉल में, तो मेरे मित्र ये बैटिंग तो क्रिकेट में सही होता ही है, लेकिन यहाँ पे गलत क्यों दे रहा है ये समझ में नहीं आ रही है बात, तो आप इसको बताएंगे कि बैटिंग क्रिकेट तो सही है, गोल नेटबॉल ये हो सकता है भाई, ये नहीं हो सकता है, क्योंकि नेटबॉल में गोल कहीं होता है, फुटबॉल में गोल होता है। ठीक है, कौन सा शहर 2032 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा? तो बताएंगे ब्रिस्बेन। आप बताएंगे क्या बताएंगे? ब्रिस्बेन। आगे लिखा है सुरेश एन पटेल को अगस्त 2022 में किस संस्था के अध्यक्ष के रूप में? तो केंद्रीय सतर्कता आयोग का अध्यक्ष बनाया गया सुरेश एन पटेल को। एमएस एक्सेल 365 में यदि संभव हो तो अंतिम कमांड या एक्शन को दोहराने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट कीज का उपयोग किया जाता है? तो कंट्रोल प्लस वाई आपका सही जवाब। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा की संरचना से संबंधित निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 80 निर्देश देता है। इस प्रकार इस प्रैक्टिस सेट को हमने कवर कर लिया, अब हम बात करेंगे अगले प्रैक्टिस सेट के बारे में। अगला शिफ्ट है आपके स्क्रीन पे, 1929 में किसकी अध्यक्षता में लाहौर के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिकता रूप से मान लिया गया? तो वो थे आपके अध्यक्ष थे उसमें जवाहरलाल नेहरू जी। अगला लिखा है निम्नलिखित में से कौन आप निजी आय के संबंध में सही है? तो आप बताएंगे कि निजी आय का जो मतलब होता है वह होता है किसी क्षेत्र को उपगत होने वाले घरेलू उत्पाद से प्राप्त कारक अथवा कारक आय प्लस उसमें क्या जुड़ा जाता है राष्ट्रीय ऋण ब्याज जुड़ा जाता है और साथ में विदेशों से प्राप्त निवल कारण आय भी जो कारक आय भी जोड़ी जाती है और फिर मेरे मित्र प्लस सरकार से चालू अंतरण और माइनस शेष विश्व से अन्य निवल अंतरण करके घटाया जाता है। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे ये चार चीज़ों में होता है, इसे एक बार ध्यान से आप देख लेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस हर वर्ष मनाया जाता है तो 5 जून को मनाया जाता है। पुरुषों में एच आई एफ आई एच हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी किस देश में है? तो भारत में है। भारतीय संविधान के भाग 7 को लोप किया गया है, यह किससे संबंधित है? तो लिखेंगे पहली अनुसूची के भाग ख में आने वाले राज्यों के बारे में। पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार की विशेषता के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला लिखा है बाजार में बड़ी मात्रा में क्रेता और विक्रेता होते हैं, बिल्कुल सही बात है, बाजार में या क्रेता और खरीदने वाले और विक्रेता मतलब बेचने वाले तो रहेंगे और जानकारी पूर्ण होती है, ये बात भी सही है, तो दोनों बातें आपकी सत्य हो जाएंगी।
एमएस एक्सेल 365 में एक ही सेल में एक नई लाइन शुरू करने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो आप बताएंगे अल्टर प्लस एंटर और फिर ब्रैकेट में मतलब अल्टर और प्लस एंटर दोनों को एक साथ प्लस करके लगाने से। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप कर्नाटक से संबंधित नहीं है? तो आप बताएंगे रऊफ, ये कहाँ से? तो ये आपका है जम्मू एंड कश्मीर से। 2018 में भारत दुनिया में मूंगफली का मेरे मित्र दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक था। आगे है, पहले ही खाली स्थान लिखा है और नितिन गडकरी ने अक्टूबर 2022 में लखनऊ में भारतीय सड़क कांग्रेस के 81वें वार्षिक का उद्घाटन किया था। तो आप बताएंगे योगी आदित्यनाथ जो यूपी के सीएम हैं और आपके नितिन गडकरी जी ने इसका उद्घाटन किया था। अखाम लक्ष्मी देवी को उनके योगदान के लिए 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। तो किसके लिए मिला? मणिपुरी डांस करती थी, कौन? अखाम लक्ष्मी देवी। प्रो कबड्डी सीजन 8 की विजेता टीम कौन है? दबंग दिल्ली आपकी विजेता टीम है। कार्निया के पीछे एक गहरे रंग की पेशी संरचना होती है जिसे हम परितारिका के रूप में जानते हैं, जिसे हम आइरिस भी कहते हैं। आगे लिखा, ऊर्जा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? लिखा है वेग वी से गतिमान, द्रव्यमान एम की एक वस्तु, एम वी अपॉन टू की गति ऊर्जा होती है। ये बात गलत है और बाकी तीनों बातें सत्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन नगर कच्छ के रण से खादीर बेट पर स्थित था और इसे तीन भागों में बांटा गया था? तो धौलावीरा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। समताप मंडल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है मेरे मित्र? तो लिखा है यह 50 मीटर की ऊंचाई तक फैला है, बिल्कुल सही बात। यह परत बादलों से लगभग मुक्त होती है, यह मध्य मंडल के ठीक ऊपर, ये बात बिल्कुल गलत है क्योंकि हमने एक दिन हमने आपको बताया था कि कैसे आप याद रखेंगे। तो मेरे मित्र मैं कोशिश करता हूँ एक बार बताने की, एक बार थोड़ा सा आप जानते हैं कि आपके पास कितनी लेयर है मेरे मित्र? तो आपके पास कुल मिला के कितनी लेयर हैं? 5 लेयर हैं। तो ऐसे बनाएंगे यूं, 1 2 3 4 ऐसे कर देंगे, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले क्या आता है मेरे मित्र? सबसे पहले आप याद रखेंगे बी, आपको आता होगा। तो सबसे पहले लिखें बी ए, तो यहाँ लिखेंगे बी, यहाँ लिखें ए, और यहाँ लिखें एम, यहाँ लिखें एस, यहाँ लिखें सी, इतना लिख दें सबसे पहले। इसके बाद आपको नाम बता देता हूँ मैं ध्यान से। तो मेरे मित्र बी का मतलब होता है बहिर्मंडल। क्या होता है? बहिर्मंडल, ठीक है। ए का मतलब होता है आयन मंडल और एम का मतलब होता है मध्य मंडल, एस का मतलब होता है समताप मंडल और सी का मतलब होता है क्षोभ मंडल। तो ऐसे आप सारे मंडल को याद कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आज चीज़ आपको समझ में आई होंगी। आगे बढ़ते हैं। एलन मस्क जिन्हें स्टारमस फेस्टिवल में साइंस कम्युनिकेशन के लिए स्टीफन हॉकिंस मेडल से सम्मानित किया गया था, वे किसके सीईओ हैं? तो बताएंगे आप, ये टेस्ला के सीईओ हैं। 11वीं राष्ट्रीय बीज कांग्रेस ग्वालियर में आयोजित हुआ, कहाँ पे? ग्वालियर में। दिए गए कथनों से व्यक्ति को पहचाने, लिखा है लोकप्रिय रूप में किंग ऑफ पॉप के नाम से पहचाने जाने वाले जो सबसे ज़्यादा बिकने वाले अमेरिकी गायक, गीतकार और नर्तक हैं, सही जवाब हो जाएगा माइकल जैक्सन। अक्टूबर 2022 तक निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पतन है? तो जवाहरलाल नेहरू आपका बिल्कुल सही जवाब। मृदा के संबंध में कौन सी बातें असत्य या सत्य? देखें, वन मृदा वे नदी घाटी के किनारों में दोमट और सिल्टदार होती हैं, ये बात बिल्कुल सही है। और काली मृदा सामान्यतः फास्फोरस की मात्रा कम होती है, सही बात है ये भी। तो दोनों आपके ऑप्शन सही हो जाएंगे। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो मेरे मित्र 5वीं आपके अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के संबंधित उपबंध दिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन एक मैग्नेटिक डिस्क है? तो बताएंगे विचेस्टर आपका एक मैग्नेटिक डिस्क है। आगे लिखा है निम्नलिखित में कौन सा परमाणु की संख्या का सही निरूपण है? तो बताएंगे दिया गया द्रव्यमान अपान मोलर संख्या, मोलर द्रव्यमान और इनटू अवोगाड्रो संख्या, ये आपका परमाणु संख्या निकालने का आसान सा एक फार्मूला है। आगे लिखा है खेल खिलाड़ी का सही युग्म बताएं, अंशु मलिक लिखा है बॉक्सिंग, तो ये बात तो होगा सत्य है। एक मिनट, अंशु मलिक बॉक्सिंग नहीं है, एडोल्फ पॉल जो लिखा है ये ट्रिपल जंप को खेल होता है, ट्रिपल जंप, उससे मेरे मित्र केवल दूसरा सही है, पहला वाला आपका गलत है। अब हम बढ़ते हैं अगले सेट की तरफ जो आपके स्क्रीन पे आने वाला है। अगला सेट आपके स्क्रीन पे आ चुका है मित्र, देखेंगे ध्यान से। मंगल ग्रह अपने अक्ष पर एक चक्कर लगभग कितने समय में? तो एक दिन में पूरा कर लेता है। ग्राहम का नियम बताता है कि तापमान और
दाब की समान परिस्थितियों में गैसों के प्रसार की जो आपकी दर होती है उनके घनत्व के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यह आपका ग्राहम का नियम कहता है। आगे लिखा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में निर्दिष्ट करता है, तो आप बताएंगे अनुच्छेद 343। निम्नलिखित में से कौन से गति के नियम तीसरे नियम का एक अनुप्रयोग नहीं है, तो बताएंगे क्रिकेट के खेल में कैच लपकने के लिए क्षेत्ररक्षक गेंद के साथ अपने हाथों को पीछे की ओर लाता है, यह आपका मेरे मित्र यह आपका तीसरा नियम नहीं है, ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया का यह नियम नहीं है। निम्नलिखित में से किस गायक को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो बताएंगे आशा भोसले जी को। भारत चीन गंगा की को कितने सेक्टरों में बांटा गया है, तो आप बताएंगे 3 सेक्टरों में बांटा गया है। भारत में सरोवर सिल्वर फर जो है मेरे मित्रों, हपुसा जूनियर्स, देवदान पाइन और भोज वृक्ष जो बर्ज के नाम से प्रसिद्ध है, किस वन में सामान्यता पेड़ हैं, तो बताएंगे पर्वतीय वन में ये सामान्यता पाए जाते हैं। 1908 में लॉर्ड चार्ल्स डी मेटकॉफ ने ग्रामीण महाराज राणा रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर कर लिए, कब, तो याद रखेंगे 1809 में। आगे लिखा है यूएस ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, तो कार्लोस एल्कारेज। भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पात्रता नहीं है, तो आप लिखा है पहला लिखा है उसका राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने की अर्हता होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है, उसका भारत का नागरिक होना जरूरी है, सही बात है। फिर वे केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन अथवा किसी स्थानीय या सार्वजनिक प्राधिकरण के अधीन हो कोई लाभ का पद धारण नहीं कर पाएंगे और उनकी आयु 40 साल होनी चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है मेरे मित्र कि 40 साल उम्र हो जाए कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ये तीनों बड़ी बातें फॉलो करनी पड़ेंगी। कंप्यूटर को किस पीढ़ी के प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में मशीन कोड का प्रयोग किया, तो बताएंगे कि ये जो क्वेश्चन है मेरे मित्र इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 प्रथम श्रेणी में। कंप्यूटर की 4 श्रेणियां थी, आप ध्यान से कंप्यूटर जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। भारतीय कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी सेकंड का परीक्षण करने में असफलतापूर्वक किया गया, तो ये कहाँ हुआ मेरे मित्र, तो ये आपका हुआ चांदीपुर उड़ीसा में, कहाँ हुआ था, चांदीपुर उड़ीसा में। आगे लिखा है कि भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की पहली बैठक की मेजबानी किस देश ने की, तो बताएंगे भारत ने की थी, किसने की थी, भारत ने की थी। आगे लिखा है पुस्तक योर बेस्ट डे इस टूडे द्वारा लिखी, तो किसने लिखा है, तो लिखा है अनुपम खेर जी ने, किसने लिखा है मेरे मित्र, अनुपम खेर जी ने लिखा है। आगे बढ़ते हैं निम्नलिखित में तो कौन सा भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, तो आप बताएंगे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। इनमें से कौन सी किताब रस्किन बॉन्ड ने लिखी है, तो इट्स अ वंडरफुल लाइफ, यह आपका रस्किन बॉन्ड की पुस्तकें हैं। कंप्यूटर की निम्नलिखित पीढ़ियों से किसमें वैक्यूम का इस्तेमाल होता था, तो जो वैक्यूम ट्यूब आती थी मेरे मित्र ये पहली पीढ़ी में इसका यूज होता था। मांग क्रम के संबंध में कौन सा कथन सही है, लिखा है यह मांग फलन का एक ग्राफिक चित्रण है, यह उपभोक्ता द्वारा प्रत्येक मूल्य पर मांगी गई वस्तु को प्रकट करता है, तो केवल एक। आगे बढ़ते हैं मेरे मित्र, आपका क्वेश्चन हो चुका है 1 और 2 सही जवाब हो जाएंगे। इसके बाद बढ़ते हैं निम्नलिखित विटामिन को नियासिन के नाम से किसको जानते हैं, तो नियासिन विटामिन B3 को कहते हैं। कोर्ट पर एक टीम ने खिलाड़ी खेल का निर्माण निम्नलिखित में तो कौन सा युग्म सही है, 5 में आपका है बास्केटबॉल और 9 में हैंडबॉल, तो कोई एक कोर्ट पर एक टीम खिलाड़ी खेल का निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही है, अच्छा तो 9 होंगे तो मेरे मित्र बास्केटबॉल, तो ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि बास्केटबॉल में 7 खिलाड़ी और सॉरी हैंडबॉल में 7 और बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी, तो पहला सही है दूसरा बिल्कुल गलत है, पहला सही है। निम्नलिखित में से किसे ठुमरी की रानी माना जाता है, तो ठुमरी की रानी मेरे मित्र गिरजा देवी को माना जाता है। गोपिका वर्मा की एक शास्त्रीय नर्तकी है, गोपिका वर्मा जो है कि एक शास्त्रीय नर्तकी है, वो है ओ मोहिनी अट्टम की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पूर्वांचल पहाड़ियों का हिस्सा नहीं है, तो बताएंगे मेरे मित्र कोई भी पूर्वांचल पहाड़ियों का हिस्सा नहीं है। प्राचीन भारत के किस कवि ने मेघदूत की रचना की, तो बताएंगे कालिदास जी ने, किसने की, कालिदास जी ने की थी। साइना नेहवाल ने किस वर्ष एकल महिला बैडमिंटन प्रतियोगिता में ओलंपिक कांस्य पदक जीता था, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे मित्र आपका 2012 में, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे हम अगले शिफ्ट की तरफ, अगला शिफ्ट है आपकी स्क्रीन पे। बढ़ते हैं मित्रों अगले शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए हैं, तो ये प्रश्न है आपके स्क्रीन पे। अरुणाचल प्रदेश में नेचिफू सुरंग जिसे सीमा सड़क संगठन बीआरओ द्वारा निर्मित और मई 2022 में पूरा किया गया, इसका उत्खनन कार्य वर्तक परियोजना के अंतर्गत आता है, किस परियोजना के अंतर्गत, तो आप बताएंगे वर्तक। स्वच्छ टायक
कैथान प्रतियोगिता 2022 भारत के किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई? तो बताएंगे आवास और शहरी मंत्रालय। मधुबनी चित्रकला शैली की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? तो वह बताएंगे बिहार, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सबसे शक्तिशाली चोल शासक माने जाने वाले राज जो प्रथम थे वो कब राजा बने? तो आप बने वो 985 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सी मणिपुर राज्य की एक भारतीय युद्ध कला है? तो आप बताएंगे थांगटा। वहीं कलारूपट्टी की बात करें तो आपका हो जाएगा केरल। और आगे बढ़ते हैं मेरे मित्र, एक पूर्ण रूप से संयोजित नेटवर्क में 6 नोड को जोड़ने के लिए कितने लाइनों की आवश्यकता होती है? तो 15 लाइनों की ज़रूरत पड़ती है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियावन एंजाइम वसा को तोड़ने में मदद करता है? तो आप बताएंगे वसा को तोड़ने में लाइपेज मदद करता है। निम्नलिखित में से किस तिथि को उत्तरी अयनांत होता है? तो मेरे मित्र 21 जून को होता है। आगे लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्निक आर अ स्टेप टू कन्वर्ट्स नॉर्मल वाटर टू पोर्टेबल वाटर। पूछ रहा है कि एक नॉर्मल वाटर को पोर्टेबल मतलब पीने लायक वाटर में कौन कन्वर्ट नहीं करता है? तो मेरे मित्र बॉयलिंग मतलब उबाल के होता है, और क्लोरीनेशन जो होता है ये क्लोरीन की एक दवा होती है वो डाल के भी पानी को पोर्टेबल बनाया जाता है, पीने लायक बनाया जाता है, और फिल्ट्रेशन के द्वारा भी होता है लेकिन ब्रोमिनेशन के द्वारा पानी को पोर्टेबल नहीं बनाया जाता है। आगे लिखा है नामीबिया से चीतों को कूनो नेशनल पार्क में लाया गया, तो कूनो कहाँ स्थित है? तो आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। आगे लिखा है 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? तो बताएंगे शक्तिकांत दास। निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी है? तो भारत और बांग्लादेश की सीमा सबसे लंबी है। आगे लिखा है निम्नलिखित में नदी और सहायक नदी का कौन सा युग्म सही है? तो मेरे मित्र ताप्ती मंजरा द्वितीया ये गलत है बिल्कुल। वहीं आगे दिया कृष्णा और कृष्णा का जो दे रहा सहायक नदी घाट प्रभा ये बिल्कुल सही है, तो केवल 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। अक्टूबर 2023 में राष्ट्रीय खेलों के 37वें संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? तो गोवा करेगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन थी? तो आपकी कल्पना चावला जी थी। निम्नलिखित में से कौन भारत के में शिवालिक पर्वत श्रेणी श्रृंखला के सभी दूनों में से सबसे बड़ा है? तो आप बताएंगे देहरादून, आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, शिला को यहाँ देखिए, एक ज़माने में उसके कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता था। शिला किस पीढ़ी मतलब एक ट्रांजिस्टर जो किस पीढ़ी से संबंध रखता है? तो आप बता देंगे दूसरी पीढ़ी से ट्रांजिस्टर संबंध रखता है। आगे लिखा है द कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया हैव टू मेंटेन अ मिनिमम परसेंटेज ऑफ कैश गोल्ड एंड अदर सिक्योरिटीज बिफोर लेंडिंग लोन टू इट्स कस्टमर इट इज़ कॉल्ड। कह रहा है कि जब मतलब कोई भी बैंक आपको क्या देता है, जब आपको कोई कुछ मतलब आपको जब टैक्स देता है तो क्या करता है कि वो आप लोन देता है या टैक्स देता है तो वो टैक्स तो लेता है सॉरी लोन देता है तो वो आपके सोने चांदी या अदर सिक्योरिटी के रूप में आपसे कुछ जमा करता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं मेरे मित्रों स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, भारतीय संसद के पास भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के माध्यम से व्यापार वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन अधिरोपित करने की शक्ति है? तो बताएंगे अनुच्छेद 302 में। आगे लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी पदक जो कि युग्म 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के प्रदर्शन के संबंध से सही बात है? तो लिखा है कि बजरंग पुनिया स्वर्ण में पदक लाए थे, बिल्कुल सही है, और साक्षी मलिक भी जो भी थी आपकी मेरे मित्र स्वर्ण लाई थी, तो दोनों बातें आपकी सत्य हो जाएंगी। निम्नलिखित में से कौन सा संघ एलेनिडा का उदाहरण है? तो केचुआ आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक सम्राट जलाल उल्दीन मोहम्मद अकबर के दरबार में कौन गायक नवरत्नों में से एक था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा तानसेन, आपका सही जवाब। मौर्य साम्राज्य की नींव किसके द्वारा रखी गई? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा रखी गई। उस्ताद बिस्मिल्ला खां एक भारतीय संगीतज्ञ जिन्हें शहनाई को लोकप्रिय बनाने के लिए का श्रेय दिया जाता है, उन्हें 2001 में मेरे मित्र क्या मिला? तो आप बताएंगे भारत रत्न उन्हें मिला था। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है? तो बताएंगे अनुच्छेद 74 के तहत। और अब बढ़ते हैं मेरे मित्र अगले प्रैक्टिस सेट के जो कि आपके स्क्रीन पे आ रहा है। चलिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है अगला मेरे मित्र अगला सेट आ चुका है जिसे हम ध्यान से देखेंगे। लिखा है दलित वर्गों को प्रांतीय और केंद्रीय विधायी परिषदों ने आरक्षित सीटें कम मिली? और आगे लिखा है हालांकि उनके लिए मतदान समान निर्वाचन क्षेत्रों में ही होना था। तो आप बिल्कुल इसका जो सही जवाब हो जाएगा मेरे मित्र हो जाएगा सितंबर 1932 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस टीम ने टाटा आईपीएल 2022 जीता? तो आपको पता होगा गुजरात टाइटन ने जीता। पहली बार ये टीम आई थी और उसके कप्तान कौन थे? तो मेरे मित्र हार्दिक इसका कप्तान था, हार्दिक पांड्या आप याद रखेंगे।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा, निम्नलिखित में से किस कक्षा में उपग्रह भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं? तो बताएंगे भू स्थिर कक्षा। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को पैसिफिक एस एरिया ट्रेवल राइटर्स एसोसिएशन द्वारा संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2023 प्राप्त हुआ? तो आप बताएंगे पश्चिम बंगाल। पूरा आपको याद रखने की नहीं जरूरत है, बस आप पटवा याद रखें, पटवा PATWA का जो संबंध है मेरे मित्र, ये आपका पी से पश्चिम बंगाल याद रखेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 किससे संबंध रखता है? तो बताएंगे धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। आप पूजा पाठ, आप भंडारा करा सकते हैं, चाहे जो इच्छा करें आप, मतलब धार्मिक कार्य आप करा सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 आपको देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोदी संचरित संकुल नाम से एक शैक्षिक परिसर के पहले चरण का उद्घाटन अक्टूबर 2022 में कहाँ पर किया? तो बताएंगे अहमदाबाद में किया। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का महान्यायवादी आपका सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। कोलार गोल्ड फील्ड्स भारत के किस राज्य में स्थित है मेरे मित्र? तो कर्नाटक में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन नृत्य शैली असम से संबंधित है? तो बताएंगे असम बिहू, बिहू असम की बहू, ऐसे याद रखेंगे। निम्न में कौन एक आउटपुट डिवाइस यंत्र है? तो बताएंगे प्रोजेक्टर जो है मेरे मित्र, वो आपका एक आउटपुट डिवाइस यंत्र है। हिमालय की कंचनजंगा शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो बताएंगे 8598 मीटर है हिमालय की जो कंचनजंगा शिखर है उसकी। दीपिका रेड्डी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो बताएंगे कुचिपुड़ी से संबंध है। तो ऐसे याद रखें कि रेडी 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 क्या नहीं रेडी भैया, अभी पूड़ी जो है ना वो कच्ची है, रेडी नहीं है, तो ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, कौन सा भारतीय शहर अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 का मेजबान है? मतलब कि जो ये है आपका जो ये है अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023, ये कहाँ पे हुआ? तो बताएंगे अहमदाबाद में होगा। आगे लिखा है कौन सा कथन सही है बताना है। प्रबल जो अम्ल होते हैं मेरे मित्र, और दुर्बल छाड़ के जो लवण अम्ली होते हैं जिनका पीएच मान 7 से कम होता है, तो ये बात बिल्कुल मेरे मित्र सही है, जिनका पीएच मान 7 से कम होता है वो अम्ली ही होते हैं। ठीक है, आगे, जब विद्युत द्वारा सोडियम क्लोराइड जिसे लवण जल कहते हैं के जली विलयन से होकर गुजारते हैं तो अपघटित होकर सोडियम ऑक्साइड बनाता है? नहीं मेरे दोस्त, देखिए सोडियम क्लोराइड होता है NaCl, ठीक है, NaCl आपका सोडियम क्लोराइड होता है। ठीक है, तो ये बात आपका गलत है। ठीक है, इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर केवल एक सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेंड एंड डेवलपमेंट की 2022 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की आर्थिक विकास दर के वर्ष 2021 में 8.2% से वर्ष 2022 में तक घटने का अनुमान है। तो मतलब कहां से कहां तक? तो बताएंगे 8.2 से लेके और 5.7 तक घटने का अनुमान है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं सिंगापुर फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स जो 2022 का खिताब किसने जीता? तो आप बताएंगे सर्जियो पे रेज ने जीता था। तो आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में किसने भारत में अक्टूबर 2022 में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयों का लोकार्पण किया? तो बताएंगे भारत के प्रधानमंत्री आपका नरेंद्र मोदी ने किया। किसने? नरेंद्र मोदी ने किया। आगे बढ़ते हैं, अक्टूबर 2022 में किस देश को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो बताएंगे पाकिस्तान को चुना गया। सॉरी एक मिनट, गलती हो गई, सॉरी हमने बोल दिया पाकिस्तान लेकिन हमने टिक लगाया हिंदुस्तान पे, तो याद रखेंगे मेरे मित्र ये गलती बोल दिया हमने, क्षमा चाहूंगा। भारत इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, भारत टिक हमने भारत पे किया लेकिन मुंह से निकल गया पाकिस्तान। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक रोमन कैथोलिक मिशनरी था या थी जिन्होंने अपने अधिकांश जीवन में बंगाल में काम किया? तो वो मदर टेरेसा थी जो कि बहुत सारे बच्चों के लिए और अनाथों के लिए उन्होंने सेवाएं प्रदान की। आगे लिखा है, निम्नलिखित में से किन दो तिथियों के को विषु पड़ता है? विषु पड़ता है जो वो पड़ता है 21 मार्च और 31 सितंबर के दिन। आगे लिखा है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? तो भारत 40वें स्थान पे, किस पे है? 40th स्थान पे मेरे मित्र, 40वें स्थान पे। आगे बढ़ते हैं, भारत की हरित क्रांति किस प्रकार के बीजों का एक अहम भूमिका निभाई थी? तो उच्च उपज वाली किस्मों ने अहम भूमिका मेरे मित्र निभाई थी। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं ध्यान से, प्रीत अपनी एप्लीकेशन के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटल प्रोग्रामिंग भाषा का इस्तेमाल करना चाहती है, उसे कौन सी भाषा चुननी चाहिए? ठीक है, तो अब बताएंगे जावा। कौन सी? जावा। दुनिया में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो अब बताएंगे ऑस्ट्रेलिया दुनिया में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। मई 2022 में किस राज्य ने संतोष ट्रॉफी जीती? तो संतोष ट्रॉफी मेरे मित्र केरल ने जीती। किसने जीती? केरल ने जीती। आगे बढ़ते हैं मेरे मित्र, और इसी के साथ ये भी प्रैक्टिस सेट मेरे मित्र खत्म हुआ। अब हम बढ़ेंगे अगले सेट की तरफ। चलिए अगला सेट आपकी स्क्रीन पे आ चुका है मेरे मित्र, ध्यान देंगे।
जून 2022 में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण के नए महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया, तो बताएंगे दिनकर गुप्ता को चुना गया। अच्छा आपको तरीके बताता हूँ, कोई भी चीज़ याद करना है तो आप ऐसे ना याद करें, पूरा रटिए मत, बस मेन चीज़ पढ़िए 2022 में क्या है, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, बस ये दिनकर गुप्ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जाकिर हुसैन का संबंध, तो मेरे भी तो जाकिर हुसैन का जो संबंध है वो तबला से है। ठीक है, जाकिर हुसैन आपका तबला, हुस्न में बल होता है, इतना ही होता है, वैसे याद रखेंगे हुस्न में भैया बल होता है। अगले क्या, कौन सा एक असंपर्क बल नहीं है, असंपर्क बल कौन नहीं है, तो मेरे मित्र तो संपर्क बल, असंपर्क बल नहीं मतलब कौन सा बल है भैया, जिसमें असंपर्क नहीं होगा तो संपर्क होगा, तो भैया संपर्क मतलब घर्षण, जहां पर रगड़ हो जाए उसी को हम घर्षण बोलते हैं। आगे लिखा है इंग्लिश में फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। ठीक है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में किस भारतीय खिलाड़ी ने सर्वाधिक पदक जीता, तो भैया नाम है उनका शरत कमल ने जीता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश ICC 2027 ODI विश्व कप के सब मेजबानों में से एक नहीं है, तो मेरे मित्र देखिए जो 2027 में आपका वर्ल्ड कप होगा, अभी तो 24 होने वाला है, इसके बाद 27 होगा 4 साल बाद, तो वो जिम्बाब्वे में होगा, दक्षिण अफ्रीका में और नामीबिया, ये तीनों देश मिले हुए हैं, लेकिन इसमें केन्या का कोई स्थान नहीं है। आगे लियो टॉलस्टॉय को उसके उनको उनके किसके लिए जाना जाता है, तो उपन्यासों के लिए जाना जाता है, ये लियो टॉलस्टॉय एक लेखक थे। आगे लिखा है निम्नलिखित में से किस सेल में उन पौधों जानवरों और अन्य सूक्ष्म जीवों के जीवाश्म भी हो सकते हैं जो कभी उन पर रहते हैं, तो आप बताएंगे अवसादी सेल। महिलाओं के लिए वन स्टॉप सेंटर योजना निम्नलिखित में से किसके द्वारा वित्त पोषित है, तो बताएंगे निर्भया फंड के द्वारा। आगे लिखा है 2022 तक की स्थिति के अनुसार दुनिया की सबसे ऊंची मोटर चलाने योग्य सड़क मेरे मित्र भारत के किस दर्रे से होकर गुजरती है, तो आप बताएंगे उमलिंगला से ये गुजरती है। आगे लिखा है मेरे मित्र कौन सा तमिलनाडु का सबसे ऊंचा शिखर है, तो डोडा बेट्टा है। कौन है, डोडा बेट्टा तमिलनाडु का सबसे ऊंचा आपका शिखर है। भारत में इलेक्टोरल बॉन्ड जारी किए जाने की तिथि कितने दिनों के लिए वैध होती है, तो बताएंगे 15 दिनों के लिए वैध होती है। आगे लिखा है भारत गणराज्य के किस नागरिक को 2014 के नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया, तो बताएंगे कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार का शांति पुरस्कार दिया गया। अगले क्या, श्री बिस्मिल्ला खा संगीत वाद्यंत्र के प्रसिद्ध तो सेनाई बिस्मिल्ला खा सेनाई आपको पहले ही बता चुके हैं। आगे चलते हैं, कौन सा सूर्य ग्रहण का एक प्रकार नहीं है, तो बताएंगे देखिए सूर्य ग्रहण कम भी होता है तो उसे आंशिक बोलते हैं, पूरा भी होता है तो उसे हम पूर्ण बोलते हैं, वलयाकार भी होता है लेकिन मेरे मित्र खंड छाया युक्त नहीं होता है, मतलब ऐसे सूर्य ग्रहण अलग अलग थोड़े होता है, नहीं मेरे मित्र कभी कभी आंशिक होता है मतलब थोड़ा कटता है, कभी कभी पूरा ही कट जाता है। ठीक है, और कभी कभी तो मेरे मित्र ऐसे सन है तो ये किनारों से कट जाता है, तभी गोलाकार वलयाकार होता है, लेकिन ये जो आपका खंड दिया है वो नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले क्या है, कौन सा MS Word 365 में से एक मान्य प्रारूप फाइल नहीं है, पूछा है नहीं है, पूछा है ना, तो वो हो जाएगा CDP आपका नहीं है मेरे मित्र, डॉक्स एक्स है, डॉक डॉट डॉक है और मेरे तो डॉक डॉक एक्स भी है। ठीक है, देखिए डॉट है, डॉक है, डॉक है, मतलब ये डो डी ओ डी वाले हैं। ठीक है, लेकिन ये आपका नहीं है। आगे जून 2022 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, तो नितिन गुप्ता को चुना गया है। आगे बढ़ते हैं, पहला मुगल शासक बाबर ने फरगना का राज्य उत्तराधिकार प्राप्त किया जब वो कितने साल का था, जब वो 12 साल का था मेरे मित्र। देखिए तो ये 12 साल के उम्र में, मात्र 12 साल की उम्र में सोचिए अकबर बाबर जो है वो राजा बन गया। ठीक है, फरगना का, और देखिए पूछा है कब, तो 1494 याद रखेंगे। ठीक है, आगे लिखा है एडमिनिस्ट्रेशन बिकम द मॉडल फॉलोड बाय द ग्रेट एम्परर अकबर व्हेन ही कंसोलिडेटेड द मुगल एम्परर, इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे मित्र आपका शेरशाह सूरी। क्या हो जाएगा जवाब मेरे मित्र, शेरशाह सूरी आपका। चलिए पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ मेरे मित्र। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन दूसरी पीढ़ी की सिस्टम है, तो ये आपका सही जवाब है हनीवेल 400। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, किस भारतीय खिलाड़ी ने 2021 में आयोजित टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारोत्तोलन या वेट लिफ्टिंग में पहला रजत पदक जीता, तो बताएंगे मीराबाई चानू ने जीता था। आगे लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात बनाती है, तो नर्मदा आपका बनाती है। आगे लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा बायोफ्राइटा का एक सामान्य प्रकार है, तो बताएंगे मर्चेंटिया आपका एक प्रकार है। और इसके बाद मेरे मित्र यहाँ पर लिखा है इन द गिवन एक्सप्रेशन ऑफ GDP अकॉर्डिंग टू एक्सपेंडिटर मेथड विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द एग्रीगेट इम्पोर्ट एक्सपेंडर इन क्योर्ड बाय द इकोनॉमी, तो यहाँ पे जो मेरे मित्र दिया है यहाँ पे आप ध्यान देंगे इस क्वेश्चन को, लिखा है C+I+G+X-M, तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो M हो जाएगा। ठीक है, ये पूछा है किसको दर्शाता है, ठीक है तो आप बताएंगे M को, इम्पोर्ट किसको दर्शाता है तो बताएंगे एम को। ठीक है, यहाँ पे इम्पोर्ट पूछा है ना तो आप बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं मेरे मित्र, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में कहा गया है कि विधानमंडल में विश्रांति काल के दौरान अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल के पास शक्ति है, तो वो होगा अनुच्छेद 213।
आगे लिखा, निम्नलिखित में से किस बॉलीवुड अभिनेत्री ने अनफिनिश्ड मेमोयर लिखी है? तो प्रियंका चोपड़ा ने लिखी है। अब बढ़ते हैं अगले सेट की तरफ, अगले शिफ्ट के प्रश्नों की तरफ। चलिए मेरे मित्र आगे हम आ चुके हैं और आपका अगला सेट है आपके स्क्रीन पे। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस को मनाया जाता है। तो जो मेरे मित्र परत संरक्षण होता है वो 16 दिसंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है, विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ राइट टू फ्रीडम इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो सही जवाब हो जाएगा, ऑफेंसेस फॉर आर्म्ड असेंबली। सितंबर 2022 में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित विशेष विमानन ईंधन का नाम क्या है? तो बताएंगे ए वी गैस जो है ये 100 LL। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे, ये आपका करंट्स का क्वेश्चन है। आर्टिकल रिलेटेड टू कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी हैज़ बीन ओमिटेड नाउ फ्रॉम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज द नंबर ऑफ दिस आर्टिकल? तो उस आर्टिकल का नाम है 31, आर्टिकल 31। आगे लिखा है, निम्नलिखित में कौन सा किला हैदराबाद के कुतुब शाही राजवंश की प्रमुख राजधानी थी? तो गोलकुंडा का जो किला है यह आपका कुतुब शाहियों का क्या था, आपकी राजधानी थी। आगे लिखा है, निम्नलिखित में से शॉर्टकट की MS वर्ड 365 में दस्तावेज या चैन टेक्स्ट में वर्तनी और व्याकरण की जांच करने के लिए एडिटर टास्क पेन प्रदर्शित करता है? तो आपका हो जाएगा F7। 2022 की स्थिति के अनुसार भारत में कितने राज्य हैं? तो बताएंगे 28 राज्य हैं। पहले 28 थे, फिर 29 हुआ और फिर 29 से 28 हो गया, आप इसे याद रखेंगे। लवली चौबे जो हैं वह किस खेल से जुड़ी भारतीय खिलाड़ी हैं? तो बताएंगे लॉन बॉल से आपकी जुड़ी खिलाड़ी हैं। आगे लिखा है, 12 अगस्त को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के दीवान के रूप में तैनात किया, तो कब? तो 1765 में किया था। आगे बढ़ते हैं, एक नाटक में हीमा ने कहा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मतलब कुल मिलाकर यह नारा किसका है? तो बताएंगे बाल गंगाधर तिलक जी का यह नारा है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है मेरे मित्र? तो बताएंगे एल्यूमिनियम। किसमें? एल्यूमिनियम में। विबल्डन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो 22 का पूछा, याद रखेंगे नोवाक जोकोविच। ठीक है, 22 सर, बहुत ध्यान से देखना है, 22 का आइए। आगे लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू व्यू पेजेज एंड नेविगेट द वर्ल्ड वाइड पेज www को कौन करता है? तो बताएंगे वेब ब्राउजर करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन डुरंड कप 2022 का उपविजेता बताएंगे मुंबई सिटी FC। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, विच एनिमल मेमोरियल वॉज इनॉगरेटेड इस सितंबर 2022 एट काजीरंगा नेशनल पार्क इन असम? तो बताएंगे राइनो जो थे मेरे मित्रों, राइनोसर्स लिखा है यहाँ पे, तो मतलब यहाँ पे यही आपके काजीरंगा जो नेशनल पार्क से पूछ रहा है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम पश्चिमी घाट से होता है? तो मांडवी का आपका पश्चिमी घाट से उद्गम होता है। संत कबीर दास का जन्म 15वीं शताब्दी के आसपास कहाँ हुआ? तो बताएंगे काशी में हुआ था। आगे लिखा है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? तो शुक्र को माना जाता है मेरे मित्र। कलसुबाई शिखर किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो कलसुबाई जो शिखर है यह महाराष्ट्र में स्थित है। आगे लिखा है, गोदान मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित एक उपन्यास है जो कब प्रकाशित हुआ? तो बताएंगे 1936 में गोदान जो था वो प्रकाशित हुआ। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना पर किस पर केंद्रित थी? तो त्वरित औद्योगिकरण पर यह आपकी केंद्रित थी। आगे लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित COVID-19 वैक्सीन है? तो बताएंगे कोवैक्सीन। सबसे पहले कोवैक्सीन तो आई थी, इसी को पूछा है। आगे लिखा है मेरे मित्र कि 12 जुलाई 1982 को RBI के कृषि ऋण संबंधी कार्यों और उस समय के कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम के पुनर्वित्त संबंधी कार्यों को स्थानांतरित करके अस्तित्व में आया था। कौन आया था? तो वो होगा आपका राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिसे हम NABARD के रूप में जानते हैं। आगे क्या है, कौन सा क्षार चूने के पानी में पाया जाता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका पाया जाता है। और इस सेट का अंतिम क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2022 के सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? तो बताएंगे सरदार उधम सिंह ने जीता। ठीक है, आगे बढ़ चलिए आगे लिखा है, निर्धनता रेखा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है? भारत में आमतौर पर हर दस साल के बाद इसका अनुमान लगाया जाता है, तो कौन सही नहीं है? तो मेरे मित्र लिखा है हर
10 साल के बाद इसका अनुमान लगाया जाता है। आगे लिखा है भारत में सभी सामाजिक समूहों और आर्थिक श्रेणियों के लिए निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का अनुमान समान नहीं है। तो मेरे मित्र सही बात कौन नहीं है, तो पहली बात बिल्कुल आपकी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि अनुमान नहीं लगाया जाता है मेरे मित्र, याद रखें हर 10 साल के बाद अनुमान थोड़े लगाया जाता है, वो तो आपका क्या होता है, वो तो आपकी काउंटिंग होती है। तो काउंटिंग और अनुमान में गलती ही दिखा है। आगे लिखा है मेरे मित्र भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम में ने लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचन के लिए मतदान की आयु 21 से घटा के 18 वर्ष कर दी? तो वो था आपका 61वां संविधान संशोधन। आगे लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी एक लुप्त प्रजाति है? तो वो है गुलाबी सिरवाली बत्तख। अब दिखाई नहीं देती गुलाबी सिरवाली बत्तख, ठीक है आगे बढ़ते हैं। बारदोली आंदोलन कब शुरू हुआ? तो बताएंगे 1928 में शुरू हुआ। अगले क्या, किसका क्वथनांक सबसे अधिक होता है? तो CaO का क्वथनांक सबसे अधिक होता है। जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के रंग में डुबोया जाता है तो उसका रंग किस रंग में बदल जाता है? तो याद रखेंगे जब कॉपर सल्फेट के मेरे मित्र नीले रंग में, किसमें मेरे मित्र नीले रंग में आपको जब दबाएंगे, किसमें नीले में जब आप डुबाएंगे तो वो नीला मेरे मित्र आपका क्या बन जाता है? तो आप बताएंगे हरा बन जाता है। क्या बन जाता है? हरा बन जाता है। आगे लिखा है किस खनिज विटामिन की कमी से गर्दन की ग्रंथियां सूजी हुई दिखाई देती हैं? तो बताएंगे आयोडीन की कमी से, जिसे हम घेघा रूप भी जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्तकर्ता में से एक है? तो बताएंगे शशि कपूर जी को दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था। द कलेक्शन ऑफ द ऑल बंडल्स दैट द कंज्यूमर कैन बाय विद हर इनकम एट द प्रेवेलिंग मार्केट प्राइसेस इज कॉल्ड द बजट सेट कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे मित्र? वो आपका बजट सेट कहलाता है, इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है यह एक उच्च और उपोष्णकटिबंधीय फसल है। यह फसल 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान और 75 से 100 सेंटीमीटर के बीच वार्षिक वर्षा वाली उष्ण और आर्द्र जलवायु में अच्छे से उगती है। ऊपर दी गई जानकारी किसकी बात कर रही है? तो आप बताएंगे गन्ना। किसकी बात कर रही है? वो कर रही है मेरे मित्र गन्ना के बारे में बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं। MS वर्ड 365 में फाइल को प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट की का तो मेरे मित्र देखिए Ctrl+P का जब आप यूज करेंगे तो कॉपी आपकी प्रिंट हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी, ठीक है याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं मेरे मित्र। निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2022 में भारत का नया मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया? तो आप बताएंगे वी अनंत नागेश्वरन को किया गया। आगे लिखा है किस खेल खिलाड़ी का युग्म सही है? तो विकी ओस्तवाल आपका क्रिकेट खेलते हैं, आप अगर क्रिकेट देखते होंगे तो मेरे मित्र ये बात आपको पता होगी। और अंशु मलिक को दिया कुश्ती खेलते हैं, तो दोनों बातें क्या है आपकी सत्य हैं, ठीक है आगे बढ़ते हैं। डूरंट कप 2022 में किस टीम ने जीता? तो डूरंट कप आपका बेंगलुरु FC ने जीता, ठीक है आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है कौन सा भारत का पहला निगमीकृत बंदरगाह है? तो आप बताएंगे एन्नौर आपका सही जवाब हो जाएगा। विच एमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सेकेंडरी मेमोरी इज इनकरेक्ट? लिखा है इट इज वोलाटाइल मेमोरी, यह वोलाटाइल मेमोरी होती है, ये बात बिल्कुल गलत है, ठीक है यह जो होती है मेरे में तो इन वोलाटाइल मेमोरी होती है। आगे लिखा है सान्या में आयोजित प्रतिष्ठित मिस वर्ल्ड पेजेंट के 68वें संस्करण में विजेता के रूप में मेक्सिको की वैनेसा पोंस डी लियोन को किसने ताज पहनाया? तो आपका सही जवाब हो जाएगा मानसी झिल्लर ने उनको ताज पहनाया। तत्ववाद क्या है? तो तत्ववाद जो है मेरे मित्र वो तारवाद है, ठीक है याद रखेंगे। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक 2022 किस देश में आयोजित की गई? तो बताएंगे इंडोनेशिया में आयोजित की गई, ठीक है और G20 मेरे मित्र याद रखेंगे। आगे लिखा मेरे मित्र सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी एलिजाबेथ प्रथम ने एक चार्टर्ड अर्थात इजाजतनामा हासिल कर लिया जिससे कंपनी को पूरब में व्यापार करने का एक अधिकार दे दिया गया। तो ये बात है मेरे मित्र सन कब की? सन 1600 ईस्वी की। कौन निम्नलिखित में से कौन 400 T20 मैच खेलने वाला पहला भारतीय क्रिकेट बना है? तो वो है मेरे मित्र आपके कौन रोहित शर्मा जी, आपके 400 T20 क्रिकेट मैच वो खेल चुके हैं, ठीक है आगे बढ़ते हैं। अगले क्या, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में नगर पालिकाओं से संबंधित उपबंधों को जोड़ा था? तो बताएंगे 74वां संविधान संशोधन 1992 में। निम्नलिखित में से किस मृदा संरक्षण विधि विभिन्न फसलों को बारी बारी से कतारों में उगाया जाता है और मृदा को वर्षा में अपरदन से बचाने के लिए अलग अलग समय पर बोया जाता है? तो वो होगा अंतर फसल। संघाई सहयोग संगठन के नेताओं ने सन 2023-22 के लिए समूह की पहली पर्यटक और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में वाराणसी शहर का समर्थन किया। विश्व धरोहर स्थल जो कि कोणार्क सूर्य मंदिर भारत में कहाँ स्थित है? तो आप बताएंगे उड़ीसा में स्थित है। तो मेरे मित्र इस प्रकार ये भी आपका शिफ्ट का प्रश्न, हमने 25 प्रश्नों को कवर कर लिया है। अब बढ़ते हैं अगले सेट की तरफ।
अगला सेट है आपकी स्क्रीन पे। पृथ्वी को कई टाइम जोन में विभाजित किया गया, हर एक टाइम जोन कितने डिग्री तय करता है? तो जो टाइम जोन होता है मेरे मित्र वो आपका 15 डिग्री आपका तय करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेरे मित्र। अगला क्वेश्चन है, दुनिया भर में हिरोशिमा दिवस किस महीने में मनाया जाता है? तो बताएंगे हिरोशिमा दिवस आपका अगस्त महीने में मनाया जाता है। ठीक है, तो मेरे मित्र आगे लिखा है, एमएस एक्सेल 365 में एक सेल के अंदर विषय वस्तु को इटैलिक करने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो सही जवाब आपका हो जाएगा मेरे मित्र, वो हो जाएगा CTRL3, कंट्रोल 3 का यूज़ किया जाता है। सोवा वायरस जो था जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया, एक क्या था? तो बताएंगे मालवेयर था। क्या था? मालवेयर था। आगे लिखा है, मौद्रिक नीति लिखित साधन जिसे बैंक दर कहा जाता है किसके रूप के अनुरूप है? तो बताएंगे सीमांत अस्थाई सुविधा दर के अनुरूप है। आगे लिखा है, कौन सा कथन सही है? 2011 में भारत में मृत्यु दर 7.2 प्रति 1000 है। और आगे लिखा है, 2012 में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 72.6 आपकी 6 वर्ष है। तो मेरे मित्र आपको पता है, बच्चा बच्चा जानता है, दुनिया जानती है कि जब अब जीवन प्रत्याशा जो है वो लगभग अब 60 साल आ चुकी है, जो कि यहां पे जो दिया है 72.6, ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, और पहला बिल्कुल आपकी बात सत्य है, तो केवल एक आपका जवाब हो जाएगा। अगले लिखा है, भरतनाट्यम दक्षिण भारत में एक शास्त्रीय नृत्य है, किसका है? तो तमिलनाडु का एक शास्त्रीय नृत्य है। भारत के पड़ोसी देश भूटान की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो वो है जोंगखा। कौन है? जोंगखा है। अगली क्या है, राजा जयपाल और महमूद गजनवी के बीच पेशावर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो पेशावर का युद्ध मेरे मित्र 1001 ईस्वी में लड़ा गया। खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक चरण में विद्यमान जैव पदार्थ की मात्रा के औसत मान के रूप में किसको के रूप में कितने प्रतिशत को लिया जा सकता है और यह उपभोक्ताओं के अगले स्तर तक पहुँचता है? तो सही जवाब हो जाएगा मेरे मित्र आपका 10%। क्या हो जाएगा? 10%। आगे बढ़ते हैं, इसरो ने मेरे मित्र संचार उपग्रह GSAT-24 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया, तो वो कौन था? वो था आपका फ्रेंच गुयाना में कौरो। कौन था? कौरो। आगे बढ़ते हैं, 2021 में आयोजित टोक्यो ओलंपिक 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा खेल नहीं खेला गया? तो वो है मलखंब खेल आपका टोक्यो ओलंपिक में नहीं खेला गया। आगे लिखा है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अक्टूबर 2022 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया, कहाँ पर किया? तो बिहार में किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का केंद्र शासित प्रदेशों पर विस्तार से संबंधित है? तो बताएंगे 7वां संशोधन है। आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द रेस्पिरेशन के द्वारा दे रहा है। यहाँ पे लिखा है, रेगुलर ट्रेडिशनल ब्रीदिंग एक्सरसाइज कैन इंक्रीज द कैपेसिटी लंग्स टू टेक इन मोर एयर। बिल्कुल सत्य बात है, जब आप रोज क्या करेंगे, आप मेरे मित्रों आप एक्सरसाइज रेगुलर करेंगे। क्या ले रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि जब आप रेगुलर ट्रेडिशनल ब्रीदिंग एक्सरसाइज जब करेंगे तो इंक्रीज हो जाएगी। क्या मेरे मित्र इंक्रीज होगी? कैपेसिटी इंक्रीज होगी। किसकी? लंग्स की, जो कि मोर एयर लेगा। बिल्कुल सत्य बात है। ठीक है, अगर क्या, ड्यूरिंग इनहेलेशन रिप्स मूव अप एंड आउटवर्ड्स द ये लिखा है डायफ्राम मूव्स डाउन। ठीक है, ये बात भी सत्य है, जब आप सांस खींचते हैं तो वो ऊपर जाता है और जब छोड़ते हैं तो मेरे मित्र वो आपका नीचे जाता है डायफ्राम। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। पंडित राम नारायण एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार हैं जो सारंगी बजाते हैं। क्या बजाते हैं? सारंगी बजाते हैं। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बताया? वो है 86वां संविधान संशोधन 2002 का। आगे बढ़ते हैं मेरे मित्र, मांग वक्र और पूर्ति वक्र दोनों एक साथ विस्थापन निम्नलिखित में से किस तरीके से हो सकता है? तो पहला लिखा है, पूर्ति वक्र दाई बाई ओर शिफ्ट होता है और मांग दाई ओर शिफ्ट होता है। तो ये बात आपकी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, पूर्ति और मांग दोनों वक्र बाई ओर शिफ्ट होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है मेरे मित्र। और आगे लिखा है, पूर्ति वक्र दाई ओर शिफ्ट होता है और मांग वक्र बाई ओर शिफ्ट होता है। तो तीनों बातें मेरे मित्र तीनों तरीके हो सकते हैं। ठीक है, आगे 2000 में द्रोणाचार्य पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला भारोत्तोलन कोच थी कौन है? जो मतलब कि वेट लिफ्टरों को देती है, वो है हंसा शर्मा। ठीक है, जिन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है। जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो बताएंगे नाइट्रोजन आपका डाई ऑक्साइड सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने किताब उल हिंद नामक पुस्तक लिखी? तो बताएंगे अलबरूनी ने लिखी। कौन सा देश 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा? तो बताएंगे फ्रांस करेगा। धूपगढ़ शिखर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का सर्वोच्च बिंदु है? तो बताएंगे मध्य प्रदेश सही जवाब हो जाएगा। व्हाट आर द हार्डवेयर डिवाइसेस दैट रिट्राइव्स डाटा फ्रॉम अ कंप्यूटर सिस्टम एंड फर्दर ट्रांसलेट्स
द रिसीव डाटा इनटू फॉर्म अंडरस्टैंडेबल टू ह्यूमन, तो सही जवाब हो जाएगा आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने वर्ष 2022 में 36वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की थी, तो सही जवाब हो जाएगा आपका गुजरात। क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सेट की तरफ मेरे मित्र। अगला प्रश्न है लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ एसेस 2003 से 20 जो लिखा है, पुस्तक के लेखक कौन है, तो वो है सलमान रुश्दी। कौन है? सलमान रुश्दी है मेरे मित्र। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के प्रदर्शन में कौन सी बातें सही हैं? पहला लिखा है संकेत सरगर आपके कांस्य जीते थे, तो ये बात बिल्कुल गलत है। आगे लिखा है मीराबाई चानू ने स्वर्ण जीता था। अभी हमने आपको बताया कि कॉमनवेल्थ गेम में मीराबाई चानू ने स्वर्ण जीता, तो केवल दो आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे मित्र, लिखा है कि फोर्सेस वाटर थ्रू अ सेमी फर्मिएबल मेम्ब्रेन्स एंड रिमूव्स कंटामिनेट्स, तो सही जवाब हो जाएगा रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या हो जाएगा? रिवर्स ऑस्मोसिस आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ड्राफ्ट ड्रग मेडिकल डिवाइसेस एंड कॉस्मेटिक बिल 2022 किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा जारी किया गया, तो बताएंगे। देखिए हमें मेडिकल लिखा है तो बस समझ जाइए परिवार और स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा। असम के सबसे विशिष्ट प्रकार के लोकगीत हैं, असम के सबसे विशिष्ट प्रकार के लोकगीत कौन है, तो बिहू। बिहू जो है मेरे मित्र यह असम का लोकगीत है, हमने आपको पहले ही बताया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में विशेष विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ, तो 1954 में मेरे मित्र हुआ। कब हुआ? यह 1954 में आपका पारित हुआ। आगे लिखा है पेशी ऊतक तीन प्रकार की होती हैं, कौन से एक नहीं है, तो बताएंगे। देखिए चिकनी हृदय और कंकाल ये पेशी ऊतक हैं, लेकिन सेस्मोइड आपका पेशी ऊतक नहीं है। आगे लिखा है प्रांतीय स्वायत्तता शुरू करने के लिए भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा अधिनियम लाया गया, तो ये लाया गया 1935 का भारत शासन अधिनियम। आगे लिखा है यह किसी व्यक्ति द्वारा ऋण का भुगतान न कर पाने में असमर्थ होने की कानूनी घोषणा करता है, तो वो हो जाएगा मेरे मित्र दिवालियापन। जिसे दिवालियापन उसे घोषित किया जाता है जो अपना ऋण नहीं चुकाता है, भाग जाता है, भगोड़ा भी आप कह सकते हैं, उसी को मेरे मित्र दिवालिया कहा जाता है। अगले क्या है अर्थव्यवस्था में सरकारी प्रतिभूतियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला लिखा है यह केंद्र सरकार या राज्य सरकारों द्वारा जारी एक व्यापार योग्य लिखित साधन है, तो ये बात आपकी सही है। और आगे लिखा है उन्हें जोखिम मुक्त गिल्ट एज लिखित साधन कहा जाता है, तो दोनों बात आपकी सत्य है मेरे मित्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत की लौह महिला के रूप में जाना जाता है, तो इंदिरा गांधी, आयरन लेडी ऑफ इंडिया, जिन्हें इंदिरा गांधी को हम लोग जानते हैं। आगे बढ़ते हैं मेरे मित्र। भारत में अलकनंदा नदी का भागीरथी नदी से संगम कहाँ होता है, तो आप बताएंगे देवप्रयाग में होता है। भारत के उत्तर पश्चिमी राज्यों में मानसून की वापसी सितंबर की शुरुआत में हो जाती है, तो आपका सही जवाब उत्तर पश्चिमी होगा। आगे चलते हैं मेरे मित्र। राज्य के उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश नियुक्त की जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो बताएंगे आप लीला सेठ थी। कौन थी? लीला सेठ थी। आगे लिखा है याद रखेंगे, ये मेरे मित्र उच्च न्यायालय की पूछा है। ठीक है, उच्च न्यायालय का पूछा है। अगर मान लीजिए आपका पूछता सर्वोच्च न्यायालय, आपका पूछ देगा क्वेश्चन सर्वोच्च न्यायालय में महिला कौन थी, तो मेरे मित्र सर्वोच्च न्यायालय जो है उसकी महिला आपका सामने प्रैक्टिस दिया है एम फातिमा बीबी, आप याद रखेंगे। आगे लिखा है भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से कितना आगे है, तो बताएंगे साढ़े पाँच घंटे। कितने? 5 घंटे 30 मिनट आगे है। आगे लिखा है नील कैरेक्टर प्रिंटर का इस्तेमाल करना चाहती है, उसे किसे चुनना चाहिए, तो आप बताएंगे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ठीक है, आगे लिखा है मेरे मित्र कि कौन सा गोवा का मानसून कीचड़ उत्सव है, तो बताएंगे चीकल कालो। इसका नाम है क्या? नाम है चीकल कालो। राहुल बेरी बेरी से पीड़ित है, उसे किसकी कमी है, तो विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होता है। मानसून 2022 में यूक्रेन ने भारतीय नागरिकों को लाने के लिए किए गए निकासी अभियान को क्या कहा गया, तो बताएंगे ऑपरेशन गंगा कहा गया। क्या कहा गया मेरे मित्र? ऑपरेशन गंगा कहा गया। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सी नदी आपकी मगध से होकर बहती है, तो बताएंगे गंगा और सोन आपके मगध से होकर बहते हैं। आगे लिखा है खालिस्तान इंटरनेट इज द फिजिकल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर ऑल ओवर द वर्ल्ड। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई क्वालिटी बिफोर द लॉ, तो आपका सही जवाब हो जाएगा आर्टिकल 14 का सही जवाब हो जाएगा। कपास को उगने के लिए कितनी तापमान हल्की बारिश या सिंचाई पाले से मुक्त दिन
और तेज धूप की आवश्यकता होती है तो बताएंगे उच्च कपास के लिए आपकी उच्च होनी चाहिए, तापमान उच्च होना चाहिए और 210 मेरे मित्र 210 जो आपका दिया है दिन आपको चाहिए कम से कम धूप तेजी के साथ। आगे लिखा है निम्नलिखित में से शब्द खेल का कौन सा सही नहीं है पूछा है, पेनल्टी किक हैंडबॉल में होता है तो ये बात तो बिल्कुल गलत है, फुटबॉल में होता है और ग्रीको रोमन या मुक्केबाजी दे रहा है ये भी बात आपकी गलत है, तो दोनों बातें आपकी गलत हैं। ठीक है कौन सही है पूछा है ना, तो सही एक मिनट पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो न तो एक सही है और न तो दो सही है। ठीक है आगे लिखा मेरे मित्र किसने सिडनी में 2000 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीता, तो बताएंगे कर्णम मल्लेश्वरी ने जीता। आगे बढ़ते हैं, अब बढ़ते हैं अगले मेरे मित्र, अगला सेट है आपकी स्क्रीन पे मेरे मित्र ध्यान देंगे। हवा महल किस शहर में स्थित है, तो बताएंगे जयपुर में स्थित है, बच्चा जानता है। निम्नलिखित में से हिमालय विशेषता का कौन सा युग्म सही है, पहला लिखा है कुमायूं जो हिमालय है सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित है, बिल्कुल सत्य बात है, नेपाल हिमालय तिस्ता और दिहांग नदियों के बीच स्थित है, ये गलत है। ठीक है तो केवल एक आपका सही जवाब हो जाएगा। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को ध्यान में रखते हुए सुमेलित करना है, रोलिंग आवर्ती योजना छठी पंचवर्षीय योजना के पहले पेश किया गया, तो ये बात मेरे मित्र बिल्कुल सही है। और आगे लिखा है महाल नोबिस योजना जो थी ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी, ये बात बिल्कुल सही है, तो आपका जवाब हो जाएगा आपका एक और दो दोनों सही बातें हो जाएंगी। ठीक है आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा है कि पादप कोशिकाएं जंतु कोशिकाओं से भिन्न होती है क्योंकि उसमें कोशिका झिल्ली के चारों ओर एक अतिरिक्त परत लगी होती है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कोशिका मेरे मित्र कोशिका भित्ति कहते हैं, क्या कहते हैं कोशिका भित्ति कहते हैं। आगे लिखा है रासायनिक प्रक्रिया है कौन सी, उपापचय एक ऐसी रासायनिक प्रक्रिया मेरे मित्र जिसमें एक प्राणी की कोशिकाओं की जीवित अवस्था को नियंत्रित करने में विभिन्न प्रकार की रासायनिक प्रक्रियाएँ शामिल होती हैं। आगे लिखा है निम्नलिखित में से कौन अक्टूबर 2022 की स्थिति के अनुसार केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्री हैं, तो बताएंगे अर्जुन मुंडा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता को निर्दिष्ट करता है, तो बताएंगे अनुच्छेद 14। मोहिनीअट्टम नृत्य शैली को इसका नाम हिंदू भगवान से मिला है, तो बताएंगे विष्णु से मिला है। भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय किस शहर में स्थित है, तो बताएंगे मेरे मित्र वो स्थित है आपका हैदराबाद में। आगे लिखा है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लखनऊ समझौता पर हस्ताक्षर कब किया, तो 1916 में किया, कब किया 1916 में किया। आगे लिखा है हवा के गर्म होने के संबंध में कौन सा सही है, तो बताएंगे यह फैलती है और अधिक स्थान घेरती है, सही बात है। गर्म होने पर यह भारी हो जाती है, नहीं भैया गर्म होने पर यह और हल्की हो जाती है, तो ये बात आपकी केवल पहली सही है दूसरी गलत है। अगले क्या प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है, तो बताएंगे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के लिए। अगले क्या सिंगल यूज प्लास्टिक जिसकी बहुत कम उपयोगिता है भारत में 1 जुलाई 2022 को क्या किया गया, तो इसे प्रतिबंधित कर दिया गया, कब 1 जुलाई 2022 को। आगे लिखा है कौन सा चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर का एक उदाहरण नहीं है लिखा है, तो मेरे मित्र आपका सही जवाब हो जाएगा ICL 2900। ठीक है आगे बढ़ते हैं, तटीय और शुष्क क्षेत्रों में किस मृदा संरक्षण विधि से मिट्टी की आवरण की रक्षा के लिए हवा की चाल को रोकने हेतु पेड़ों की पत्तियाँ लगाई जाती हैं, तो वो होगा रक्षक मेखलाएँ। वह कौन सा आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर के साउंड कार्ड से सिग्नल्स को ऑडियो में बदल देता है, तो वो है आपका स्पीकर। आगे बढ़ते हैं, हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित किसने लिखी, तो हर्षचरित जो लिखी थी मेरे मित्र वो बाण भट्ट ने लिखी थी। आगे लिखा है आद्र शीतोष्ण जो है कटिबंधी प्रकार के वन मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं, कितने मीटर की ऊंचाई पाए जाते हैं, तो बताएंगे यह 1000 से लेकर 2000 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। आगे लिखा है सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 योजना का क्रियान्वयन कौन सा केंद्रीय मंत्रालय करता है, तो आपका सही जवाब महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। 75वें बाफ्टा पुरस्कार समारोह में प्रमुख भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता, तो वो जीता आपका जोआना स्कैनलॉन ने जीता था। ठीक है आगे बढ़ते हैं, और कौन सा शब्द खेल युग्म सही है, देखिए क्वेश्चन कैसे दे रहा है, आपको स्टैटिक जीके बहुत ही ज़्यादा पढ़नी चाहिए क्योंकि यहाँ पे देखिए दो दो कुछ, अगर आपको एक आता है तब भी आप दूसरा गलत कर लेंगे ना, इसलिए स्टैटिक जीके पे ज़्यादा ध्यान दें। आगे लिखा है ऑफसाइड फुटबॉल में होता है, बिल्कुल सही बात है, और आगे लिखा है पार, ये पार जो गोल्फ में होता है, तो ये बात दोनों सत्य हैं क्योंकि एक और दो दोनों आप आंसर में दिया है। आगे बढ़ते हैं, 2020 टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कितने रजत जीते, तो आप बताएंगे दो रजत जीते थे 2020 के ओलंपिक में। आगे लिखा है ताप्ती नदी द्रोणी राज्य में फैली हुई है, तो आप बताएंगे
आगे द्रोणी को ही मेरे मित्र आपका महाराष्ट्र राज्य में फैली हुई है। आगे लिखा है महात्मा गांधी जो मेरे मित्र लिखा है जी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम एक रोजगार योजना है जिसे 2005 में उन सभी परिवारों को जिनके वयस्क सदस्य अकुशल श्रम प्रधान कार्य का विकास चुनते हैं, आगे लिखा है उन्हें न्यूनतम कितने दिन के भुगतान सुधा कार्य की गारंटी देकर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है, तो सही जवाब हो जाएगा 100 दिन के भुगतान सुधा कार्य की गारंटी देगा। आगे लिखा है निम्नलिखित में से किस टीम ने SAFF दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ महिला चैंपियनशिप 2022 जीती, तब बताएंगे बांग्लादेश आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे लिखा है मेरे मित्र, और इस प्रकार यह भी प्रैक्टिस सेट आपका खत्म होता हुआ, बढ़ते हैं अगले सेट की तरफ मेरे मित्र। अगले क्या निम्नलिखित में से खेल खिलाड़ी, देखिए फिर से दिया खेल खिलाड़ी, स्टैटिक जीके मेरे मित्र आपको थोड़ा बता देता हूँ, स्टैटिक जीके जो मेरे मित्र ना वो स्टैटिक जीके का जो वेटेज है बहुत ज़्यादा है, कम से कम दस ज़्यादा 15 क्वेश्चन, तो अगर स्टैटिक जीके आपको तैयार है तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। देखिए दिया है मनप्रीत सिंह मुक्केबाजी करते हैं, बिल्कुल गलत है, एक मिनट, मुक्केबाजी दिया है कौन सा खेल युग्म सही है पूछा है ना, तो लिखा है मनप्रीत सिंह मेरे मित्र मुक्केबाजी करता है, ये तो मुझे पता नहीं है, आप बताएंगे मनप्रीत सिंह, हमको लगा है ये हॉकी खेलते हैं लेकिन यहाँ पे दिया मुक्केबाजी करते हैं, और नीरज चोपड़ा जो दिया है मेरे मित्र ये भाला फेंकते हैं, ये बात तो सही है, तो दूसरा सही है, पहला हमें पता नहीं है, आप इसका आप भी जरा एक बार देख लीजिएगा। आगे लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक प्रमुख लव अयस्क पेटी नहीं है, तो बताएंगे हरियाणा राजस्थान पेटी या कोई पेटी नहीं है। आगे लिखा है मेरे मित्र ध्यान देंगे 1992 में सिनेमा में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए आस्कर पाने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो वो डॉक्टर सत्यजीत रे थे। आगे लिखा है कौन सा खिलाड़ी 2022 में भाला फेंक के लिए डायमंड लीग फाइनल का खिताब जीतने वाला भारतीय बना, तो नीरज चोपड़ा आपका द गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। आगे लिखा है 19वीं सदी में अवध के अंतिम नवाब वाजिद शाह अली शाह के संरक्षण के तहत कथक का स्वर्णिम युग देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं मेरे मित्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2022 में दुनिया के पहले CNG टर्मिनल की आधारशिला रखी, तो कहाँ रखी, तो आप बताएंगे गुजरात में रखी। आगे लिखा है मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो वो होता है 7.4। आगे लिखा है कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है, क्या पूछा है, नहीं कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा उड़ीसा से यह नहीं गुजरती है। आगे बढ़ते हैं कौन सा संयोजी ऊतक का एक प्रकार है, तो आप बताएंगे रक्त अस्थिबंधन, तो ये मेरे मित्र ये आपका सही जवाब हो जाएगा, तीनों आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं निम्नलिखित में से कौन सा वलित पर्वत का एक उदाहरण या एक प्रकार नहीं है, तो बताएंगे राइन घाटी है आपका पर्वत का उदाहरण नहीं है। आगे लिखा है मेरे मित्र निम्नलिखित में से कौन सी झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है, तो बताएंगे पुलिकट, कौन है, पुलिकट है। आगे बढ़ते हैं निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक वर्ष के दौरान एक फर्म की माल सूची में परिवर्तन सही करने का सही तरीका है, तो आप बताएंगे एक वर्ष के दौरान एक फर्म की माल सूची में परिवर्तन मेरे मित्र मूल्यवर्धित प्लस फर्म द्वारा प्रयुक्त मध्यवर्ती वस्तुएँ पर एवं एक वर्ष के दौरान फर्म की बिक्री, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मेरे मित्र, आगे लिखा है बुद्ध ने पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की, वहाँ उन्हें ज्ञान का प्राप्ति हुआ, तो ये कहाँ जगह था, तो ये आपका स्थान था बोध गया। आगे बढ़ते हैं भारतीय संविधान के राज्य की नीति के निदेशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो बताएंगे राज्य की नीति निदेशक तत्व ये आपका लिया गया है आयरलैंड से। आगे बढ़ते हैं विश्व शरणार्थी दिवस हर साल मनाया जाता है कब, तो बता सकते हैं आप 20 जून को, ठीक है। आगे लिखा है मेरे मित्र कि ईरानी ट्रॉफी 2022 किस टीम ने जीती, तो बताएंगे शेष भारत ने, ठीक है। ईरानी ट्रॉफी 2022 का किस टीम ने जीती, तो मेरे मित्र बताएंगे शेष भारत ने जीता। आगे लिखा है भारतीय संविधान के 71वें संशोधन में कोंकणी मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को मेरे मित्र अनुसूची 7 में शामिल किया गया है। आगे लिखा है यह एक वस्तु की सीमांत उपयोगिता के संबंध में कौन सा कथन सही है। आगे लिखा है एक वस्तु की उपयोगिता में वह परिवर्तन है जो वस्तु को एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से होता है, और एक लिखा है यह वस्तु के उपयोग में वृद्धि के साथ गिर जाता है, तो मेरे मित्र ये बात तो बिल्कुल गलत है, और ये दोनों भले ही सही हैं। आगे बढ़ते हैं विंडोज 10 में खुले हुए एप्स के बीच अदल बदल करने के लिए निम्न शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है, तो आप बताएंगे आपका Alt+Tab, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कौन निम्नलिखित में से किस नर्तक का संबंध ओडिशा नृत्य से है, तो बताएंगे सुजाता मोहपात्रा से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगली क्या है कि सन 1813 में 1800 से 1823 तक गवर्नर जनरल के काल में सर्वोच्चता की एक नई क्या मेरे मित्र नीति शुरू की गई थी। अगली क्या है अब कंपनी ने दावा किया कि उसका अधिकार सर्वोपरि
या सर्वोच्च था, इसलिए उनकी शक्ति भारतीय राज्यों की तुलना में अधिक थी। ठीक है, ये किसने कहा था बताया, लॉर्ड डलहौजी ने बताया। आगे क्या है, परम सुपर कंप्यूटर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है, तो बताएंगे आप ये पांचवी पीढ़ी का कंप्यूटर है परम। आगे लिखा है, निम्नलिखित में से क्या वायुमल की एक आक्रमणिक कार्बनिक अशुद्धि है, तो बताएंगे मानव फल। क्या नाम है, मानव फल नहीं सॉरी मानव मल के बारे में बात हो रही है। आगे क्या है, निम्नलिखित में से किस देश ने वर्ष 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का निर्णय लिया है, तो बताएंगे रूस। क्या सही जवाब हो जाएगा मेरे मित्र, आपका सही जवाब हो जाएगा रूस। फ्लाइट लेफ्टिनेंट ने वर्ष मई 2019 में फाइटर जेट पर लड़ाकू विमान मिशन पर जाने वाली पहली महिला बनकर इतिहास रच दिया, तो आपका सही जवाब हो जाएगा भावना कंठू। आगे क्या है, अगला सेट है मेरे मित्र आपका, अगला शिफ्ट के अगले क्वेश्चन हैं। 31 अक्टूबर 2022 तक भारत में कितने गैर प्रमुख छोटे पत्तन हैं, तो वो हैं आपके लगभग 200 के आसपास। ठीक है, अगली क्या है, रवि की फसल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो लिखा है रवि फसलों को शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है। सही बात है, यहाँ ध्यान दें कौन बात सही नहीं है। लिखा है दक्षिण पूर्वी राज्य गेहूँ और अन्य सभी फसलों के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है, तो ये बात बिल्कुल सत्य है। अगली क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द कॉन्करंट लिस्ट ऑफ 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो सही जवाब हो जाएगा फैक्ट्रीज। क्या हो जाएगा, फैक्ट्रीज हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं आगे, राजा परवा जिसे मिथुन संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो यह अब कितने दिन मनाया जाने वाला तीन दिन चलने वाला नागरिकत्व का त्यौहार है, तो ये त्यौहार तीन दिन तक चलता है। अगली क्या है, भारतीय विमान नियामक और विकास प्राधिकरण का संगठन किस वर्ष किया गया था, तो बताएंगे 1999 में किया गया था। ठीक है, 1999 में। आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा है बिरजू महाराज कथक के जाने माने एक क्या थे, आपके नर्तक थे। आगे लिखा है खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण में महाराष्ट्र ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं, तो बताएंगे 45। महाराष्ट्र ने कितने जीते हैं, 45 जीते हैं। आगे लिखा है ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने के संबंध में कौन सा युग्म सही है, तो सवार घुड़सवार जाता है मस्कट पैदल सेना के सैनिकों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भारी बंदूक, तो मेरे मित्र यहाँ पर दिया एक और दो दोनों बातें क्या हैं, सत्य हैं। 281 एंड बियॉन्ड किस प्रतिष्ठित क्रिकेटर की आत्मकथा है, तो यह वीवीएस लक्ष्मण जी की यह आत्मकथा है। आगे लिखा है कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के संबंध में कौन से अलग को चुनिए, तो बताएंगे आउटपुट यूनिट। भारतीय क्रिकेट की 2021 आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल किस देश में मेरे मित्र किस देश से हारी थी, तो बताएंगे न्यूजीलैंड से हारे थे हम लोग। ठीक है, अगले क्या है, यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम है जिसे 1947 में ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान के दो नए स्वतंत्र उपनिवेशों में विभाजित किया था, तो सही जवाब आपका हो जाएगा मेरे मित्र भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। आगे लिखा है जड़त्व के संबंध में कौन सा कथन सही है, लिखा है किसी भी वस्तु का जड़त्व उसका वह प्राकृतिक गुण हो जो उसकी विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, और आगे लिखा है किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है, तो कौन सी बात सत्य है, तो बताएंगे एक और दो, ये दोनों बातें आपकी मेरे मित्र सही है। ठीक है, आगे लिखा है 1 नवंबर 2022 तक सेविक के बाजार आंकड़ों की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन होंगे, तो बताएंगे MS साहू जी होंगे। आगे लिखा है निम्नलिखित में से किसके समस्थानिक का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है, तो बताएंगे सही जवाब आपका हो जाएगा कोबाल्ट। ठीक है, कोबाल्ट। आगे बढ़ते हैं, भारत में नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ, तो वो 1955 में नागरिकता अधिनियम पारित हुआ। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो बताएंगे वूलर। कौन है वूलर, आपकी सबसे मीठे पानी की मेरे मित्र मीठे पानी की झील है। आगे लिखा है किसे पैरेट्स ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, तो वो सही जवाब हो जाएगा पैरेट ऑफ इंडिया, तो हो जाएगा अमीर खुसरो। भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू विमान वाहन कहाँ पे है, तो हम बताएंगे मेरे मित्र विमान वाहक जो है वो है अभिलाषा बराक हैं। आगे लिखा है नेक्सा इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड्स 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता था, तो बताएंगे कृति सेनन ने जीता था। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीत लिया, तो वो आपका सही जवाब हो जाएगा एसले बार्टी ने।
आगे बढ़ते हैं मेरे मित्र, रोग केवल कम अवधि तक रहते हैं, कौन सा ऐसा रोग है? तो वो है मेरे मित्र तीव्र रोग केवल कम अवधि तक रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी तटीय मैदान का हिस्सा नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा कोरोमंडल तट। आगे लिखा है समष्टि अर्थशास्त्र निम्नलिखित में से किस अध्ययन से संबंधित है? आगे लिखा है संसाधनों का पूर्ण रूप से उपयोग न होने के कारण, ये बात तो सही नहीं है। और आगे लिखा है कुल निर्यात कुल निर्गत में निर्धारण, ये बात भी बिल्कुल सत्य नहीं है। ठीक है, किस अध्ययन से संबंधित है? तो एक और दो आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे लिखा है LTE तकनीक का उपयोग निम्नलिखित में से किस वायरलेस प्रौद्योगिकी को CT में किया जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा मेरे मित्र आपका 46, क्या हो जाएगा? आर्टिकल नंबर 4G लिखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बढ़ते हैं अगले सेट की तरफ मेरे मित्र, ध्यान से देखेंगे आप लोग। अगला सेट है वो कौन सा सफल भारतीय उद्योगपति था या है जिसने रिलायंस इंडस्ट्रीज की स्थापना की? तो मेरे मित्र वो थे आपके धीरूभाई अंबानी जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा है यूक्रेन ने भारत में आयोजित 44वें शतरंज ओलंपियाड 2022 में महिला स्वर्ण स्पर्धा में महिला स्वर्ण पदक जीता। आगे लिखा है राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम 2022 में कौन सा खेल नहीं खेला गया? तो तीरंदाजी नहीं खेला गया। आगे लिखा है मेरे मित्र खालिस्तान नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन किसके द्वारा विकसित वेब ब्राउजर था मेरे मित्र? तो बताएंगे मोजेक के द्वारा। ठीक है, आगे लिखा है किस संस्थान ने 50 प्रतिष्ठित भारतीय धरोहरों वस्त्रों की सूची जारी की है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा यूनेस्को। कौन? यूनेस्को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर किस संगठन द्वारा तैयार हुआ है मेरे मित्र? तो आप बताएंगे ये तैयार हुआ है आपका HALK द्वारा। आगे लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर तमिलनाडु में स्थित है? तो बताएंगे सौर मंदिर आपका तमिलनाडु में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस 2022 का विषय क्या है? तो हम बताएंगे हमारे ग्रह में निवेश करें, यही इसकी थीम थी 2022 का। आगे लिखा है मेरे मित्र भारत के उत्तरी छोर से दक्षिण छोर तक दूरी कितनी है? तो 3214 किलोमीटर है। ठीक है, आगे लिखा है कि जुगाली करने वाले पशु जैसे मवेशियों में जुगाली करने की आदत है? तो बताएंगे रूमेश। किसकी? रूमेश। आगे लिखा है मेरे मित्र मांग का नियम कहता है कि किसके बीच एक विपरीत संबंध है? तो बताएंगे किसी वस्तु की मांग और उसकी कीमत के बीच विपरीत संबंध होता है। आगे बढ़ते हैं मेरे मित्र भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के उच्चतम न्यायालय के आरंभिक अधिकारिता की व्याख्या की गई है? तो सही जवाब हो जाएगा मेरे मित्र 131 सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सोनल मान सिंह किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो ये हैं भरतनाट्यम और ओडिसी से। आगे लिखा है कि लेंस के संबंध में कौन सा सही है कथन सही है? लिखा है उत्तल लेंस की क्षमता को धनात्मक संख्या के रूप में दर्शाया जाता है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। और उत्तल लेंस की क्षमता को ऋणात्मक संख्या के रूप में दर्शाया जाता है, ये दोनों बातें बिल्कुल करेक्ट है मेरे मित्र। आगे बढ़ते हैं महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलनों को अचानक बंद कर दिया जब किसकी भीड़ ने एक पुलिस थाने को आग लगा दी? तो वो है फरवरी 1922 का महीना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं निम्नलिखित में से किसने अकबर के शासनकाल का इतिहास लिखा था जिसका शीर्षक अकबर नामा है? तो अकबर नामा अबुल फजल, रट लो एकदम भैया, अब्दुल नामा अबुल फजल आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं देश एक्स के लिए उपभोग फलन पर विचार करें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। सी केवल दी रखिए और ए का सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मूल्य ज्ञात करें। तो सही हो जाएगा मेरे मित्र, सही जवाब होगा A 100 हो जाएगा। और जो आगे लिखा है आपका MPC ये 0.8 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है 26/11 में मुंबई आतंकवादी हमलों के समय उनकी वीरता के लिए अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया? तो बताएंगे हेमंत मरकरे को। किसने? हेमंत मरकरे को। आगे लिखा है मेरे मित्र ध्यान देंगे नासिक को भारत की वाइन राजधानी के रूप में जाना जाता है। वाइन सारा बनती है ना नासिक में ज़्यादातर। आगे बढ़ते हैं एक स्थलीय परितंत्र में हमारे पौधे हमारे पत्तियों पर फलने वाली सुकुमार की ऊर्जा के लगभग मेरे मित्र प्रतिशत को सोख लेता है और इसे खाद्य ऊर्जा में बदल देता है। तो सही जवाब हो जाएगा पहले में मेरे मित्र ये सही बात है। ठीक है, आगे क्या है भारतीय संविधान के नवानीसे संशोधन अधिनियम 2003 में किसके बीच उपयोग किस निम्नलिखित में से किस बीच आयोग की स्थापना हुई? तो सही जवाब हो जाएगा मेरे मित्र आपका वो होगा आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं
2001 की जनगणना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो बताएंगे, 7 वर्ष और उससे अधिक आयु वाले व्यक्ति जो किसी भी राज्य के हों समझकर उसे साक्षर माना जाता है। तो मेरे मित्र इसमें क्या गलत दिया है, देखिए ध्यान से, 7 वर्ष और उससे अधिक आयु का व्यक्ति, तो मेरे मित्र पहला ही गलत है, 7 वर्ष नहीं होना चाहिए, 7 वर्ष, अच्छा सॉरी काउंटिंग करें ना, जनसंख्या क्वेश्चन है, तो ये बात आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ, फ्रेंच ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो वो जवाब हो जाएगा आपका ईगा स्वीया टेक ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा है कि मध्य उच्च भूमि नर्मदा नदी के दक्षिण में है और दक्कन का पठार नर्मदा नदी के उत्तर में है, तो कौन सी बातें इसमें सही हैं? तो मेरे भी तो दोनों बातें अभी फिलहाल गलत हैं और ऑप्शन भी लगा है न तो एक और न तो दो। एमएस वर्ड 365 में नई फाइल को जोड़ने के लिए निम्न में किसका शॉर्टकट कीज का उपयोग किया जाता है? तो बताएंगे कंट्रोल एन का, किसका है? कंट्रोल एन का। और इस प्रकार यह विषय खत्म होता हुआ हम बढ़ते हैं अगले सेट की तरफ, मेरे मित्र अगला शिफ्ट का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, लिखा है भारतीय नौसेना ने अक्टूबर 2022 में किस नौसेना के साथ जहाज़ों के बारे में जानकारी आदान प्रदान के लिए वाइट शिपिंग इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज के अनुसार हस्ताक्षर किए? तो आपका जो जवाब होगा वो हो जाएगा मेरे मित्र न्यूजीलैंड ने, किसने? न्यूजीलैंड ने। 2022 की स्थिति के अनुसार कौन सा महाराष्ट्र का आधिकारिक खेल है? तो बताएंगे दही हांडी आधिकारिक खेल है। आगे लिखा है केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने अक्टूबर 2022 में किसकी? तो मेरे मित्र हिमाचल प्रदेश में एक स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन किया गया। आगे बढ़ते हैं मेरे मित्र, निम्नलिखित में से किस लेखक ने द लिविंग माउंटेन लिखी? तो सही जवाब होगा अमिताभ घोष ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसका उत्तरी भाग सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? तो वो हो जाएगा पश्चिमी घाट, क्या हो जाएगा? पश्चिमी घाट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं मेरे मित्र, आगे लिखा है एक बैंक जिसकी प्रदत्त पूंजी और उससे अधिक और वह RBI अधिनियम 1934 RBI एक्ट 1934 में मुर्गी सूचीबद्ध किए गए अनुसार अनुसूचित बैंक श्रेणी के लिए अर्हता प्राप्त करना है? तो सही जवाब हो जाएगा 5 लाख, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हाइड्रा जंतु जगत के निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो बताएंगे सिलेंट्रेटा का ये उदाहरण है, किसका है? सिलेंट्रेटा का, मिनीमेटोडा का, पोरीफेरा का और प्लेंटी हेल्मिंथीस का, ठीक है। तो सही जवाब सिलेंट्रेटा का हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टीपू सुल्तान के शासन के दौरान निम्नलिखित में से किसकी राजधानी कौन सी थी? तो बताएंगे श्रीरंगपट्टनम की एक राजधानी थी। आगे बढ़ते हैं, नृत्य भारत में अधिकांश उन नृत्यों की तुलना में अंतर्मुखी और संयमित दर्शकों के सीधे आंखें नहीं होती हैं? तो सही जवाब हो जाएगा आपका मणिपुरी, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, एक्सरसाइज पिच ब्लैक 22 नामक एक बहुपक्षीय रक्षा अभ्यास की मेजबानी करेगा? तो वो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, कौन हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, शाही स्नान नाम का विशेष पारंपरिक स्नान निम्नलिखित में से किस त्यौहार का एक प्रमुख है? तो अब बताएंगे कुंभ मेला का, किसका है? कुंभ मेला। आगे बढ़ते हैं, अंतरिक्ष से प्रवेश कराने पर उल्का पिंड वायुमंडल की किस परत में जल जाते हैं? तो सही जवाब हो जाएगा मध्य मंडल, क्या हो जाएगा? मध्य मंडल। निम्नलिखित में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन है? तो बताएं कि विटामिन डी आपका घुलनशील विटामिन है। आगे लिखा है कि हिमालय की पंक्तियों के प्रवाह के भाग और विशेषता का उल्लेख दिया गया है, उत्तरी भाग जो दिया गया है ये विदर्भ से है और निचला भाग जो दिया है ये गोखुर झील से है। तो केवल दो बातें, केवल ऑप्शन नंबर दो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसने सिंगापुर ओपन 2022 सुपर 500 ट्रॉफी जीती? तो बताएंगे पीवी सिंधु। आगे लिखा है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो बताएंगे हम्पी थी, क्या थी? हम्पी थी। अगला क्वेश्चन है RPG का विस्तृत रूप से रूप क्या है? तो बताएंगे रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेशन, ध्यान से देखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, निम्नलिखित में से नदियों और सहायक नदियों का कौन सा युग्म गलत है? तो पहला लिखा है सिंधु झेलम, ये सही बात है, गोदावरी का मंजीना है, यमुना का टोंस है, लेकिन चंबल की राप्ती नदी नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस बैंक ने अक्टूबर 2022 में भारत के 6 राज्यों में ग्राम सेवा कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो सही जवाब हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक।
भारतीय संविधान के भाग 5 अध्याय 2 में निम्नलिखित में से कौन से उपबंध शामिल नहीं हैं, तो बताएंगे कौन से उपबंध शामिल नहीं हैं। तो संसद के विश्रांति काल के दौरान अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सपाट अस्थि है, तो बताएंगे वो है पसलियां। कौन है? पसलियां। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 371 को निम्नलिखित में से किस राज्य के संबंध में विशेष उपबंध से संबंधित है, तो बताएंगे नागालैंड। आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं और इस प्रकार ये सेट आपका कंप्लीट होता हुआ, तो अब बढ़ेंगे हम अपने अगला सेट आपकी स्क्रीन पे कि सूर्य की पृथ्वी से दूरी लगभग कितना प्रकाश मिनट है, तो बताएंगे 8। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन एक राज्य के रूप में सिक्किम के गठन से संबंधित है, तो बताएंगे 36वां संविधान संशोधन। गरबा नृत्य किस राज्य का नृत्य है, तो बताएंगे गुजरात का। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा घर्षण का सही क्रम है, पहला स्थानिक है, फिर सर्पी, फिर लोटनी। की आपका बिल्कुल सत्य जवाब। निम्नलिखित में से कौन एक एनीमेलिया के संबंधित प्लेटी हेलमिनथेस वर्गीकरण के अंतर्गत आता है, तो सही जवाब आपका हो जाएगा मेरे मित्र फीता कृमि। ठीक है, आगे है। निम्नलिखित में से कौन सी भूकंप तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, तो बताएंगे पी तरंगे। कौन है? पी तरंगे। आगे क्या है कि ग्रीष्मकालीन 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो बताएंगे वो करेगा लॉस एलिजिस एंजलिस। कौन है? लॉस एंजलिस। आगे लिखा है भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के प्रमुख उद्देश्य क्या थे, तो पहले समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता एवं समानता, ये आपके उद्देश्य बातें थी। आगे बढ़ते हैं। सितंबर 2022 में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS के रूप में किसको नियुक्त किया गया, तो जनरल लेफ्टिनेंट अनिल चौहान को किया गया है। ठीक है, अनिल चौहान। आगे बढ़ते हैं। लिविंग रूट ब्रिज के राज्य में पाई जाने वाली एक प्रतिष्ठित संरचना है, तो आप बताएंगे मेघालय। ठीक है, आगे लिखा विश्व पर्यावरण दिवस 2022 का 2022 का विषय क्या है, विश्व पर्यावरण दिवस 2022 का विषय पृथ्वी एक केवल एक पृथ्वी। आगे बढ़ते हैं। परिवारों की वैयक्तिक आय की गणना निम्नलिखित में से किस तरीके से की जा सकती है, तो बताएंगे राष्ट्रीय आय। तो इसका जो मेरे मित्र सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सबसे पहले राष्ट्रीय आय आएगी, फिर अवितरित लाभ होगा, फिर निवल ब्याज का भुगतान है, और फिर निगम कर सरकार और फर्मों से अंतरित भुगतान। आगे लिखा है बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो आप बताएंगे वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के ने स्वर्ण पदक जीता, तो बताएंगे निशानेबाजी में जीता। ठीक है, C++ किस प्रकार की कंप्यूटर लैंग्वेज का एक उदाहरण है, तो बताएंगे ये है आपका लैंग्वेज ओरिएंटेड लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। आगे लिखा है मार्केट बेस्ड इकोनॉमिक डिस्पैच का तंत्र किस मंत्रालय से संबंधित है, तो वो है विद्युत मंत्रालय से संबंधित। आगे बढ़ते हैं। गंगा दशहरा हर साल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में के दिन होता है, तो ये लिखा है मेरे अरे किस दिन होता है, तो ये सही जवाब हो जाएगा आपका 10वें दिन होता है। आगे लिखा है एलिफेंट इन द वर्म्स किताब का लेखक कौन है, तो आप बताएंगे कि वो है कल्फी कोलचिन। कौन है? कल्फी कोलचिन। आगे लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सरकार के अंतर्गत नहीं आता है, तो सही जवाब हो जाएगा खानों और तेलों से संबंधित और सुरक्षा, साइबर क्राइम, साइबर। आगे बढ़ते हैं मेरे मित्र। निम्नलिखित में से कौन सी झील हैदराबाद और सिकंदराबाद के जुड़वा शहरों को जोड़ती हैं, तो सही जवाब हो जाएगा हुसैन सागर। कौन हो जाएगा? हुसैन सागर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है, पहला लिखा है मक्के के लिए मध्यम तापमान और वर्षा और अधिक रूप धूप की आवश्यकता होती है। आगे लिखा है पटसन जलोद मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होकर और उसके लिए उच्च तापमान, भारी वर्षा और आद्र जलवायु की आवश्यकता होती है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर मेरे मित्र 1 और 3। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह एक मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। आगे लिखा है नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को क्या कहते हैं, तो बताएंगे विसर्प कहते हैं। क्या कहते हैं? विसर्प। आगे लिखा है कि सन 1891 में अंग्रेजों द्वारा अवध पर एक सहायक संतरी प्रणाली
आगे क्या संधि प्रणाली थोपी गई है, तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा ना। बढ़ते हैं, विंडोज़ 10 में विंडोज़ स्क्रीन शॉट को लॉक करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है, तो बताएंगे वो है विंडो लोगो की, जिसे हम प्लस वन विंडो लोगो के प्लस एल जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। और आगे लिखा है क्रिकेट के लिए पुरुष एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता, तो वो जीता श्रीलंका ने। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला सेट है स्क्रीन पे, कौन सी किताब अमिताभ घोष ने लिखी है, तो सही जवाब हो जाएगा जंगल नामा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 ट किससे संबंधित है, तो बताएंगे पंचायत के लिए निर्वाचन से संबंधित है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं हम अगले प्रश्न के बारे में। आगे लिखा है मेरे मित्र, ध्यान देंगे, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, तो बताएंगे अग्नि 5। कौन है अग्नि 5। आगे लिखा है प्रिंटर की स्पीड अक्षर चिन्ह प्रति सेकंड में मापी गई है, तो बताएंगे डॉट मैट्रिक्स कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। आगे लिखा है भारत की मिसाइल मैन के रूप में किसे जाना जाता है, तो बताएंगे APJ अब्दुल कलाम जी को मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सारनाथ में स्थित स्तंभ का घटक नहीं है, तो वो हो जाएगा मेरे मित्र दक्षिण दिशा को दर्शाती हुई नक्काशीदार गाय। आगे लिखा है मेरे मित्र, किसे भारत में एक फसल के तौर पर वर्गीकृत नहीं किया गया, तो वो हो जाएगा निशा। ठीक है, निशा। आगे लिखा है निम्नलिखित में से किसे अक्टूबर 2022 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का नया अध्यक्ष चुना गया, तो वो हो जाएगा रोजर बिन्नी। कौन हो जाएगा? रोजर बिन्नी। आगे लिखा है नर्मदा नदी के ऊपर बना इंदिरा गांधी डैम निम्नलिखित में से किस राज्य के अंतर्गत में है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा मेरे मित्र आंध्र प्रदेश। आगे लिखा है निम्नलिखित में से किस कंपनी ने 2022 में भारतीय पेपर बाजार में एक आरंभिक जारी किया, आरंभिक क्या किया उसने, आरंभिक सार्वजनिक मेरे मित्र आपका प्रस्ताव जारी किया। आगे लिखा कि अडानी विल्मर है, अवेन्यू सुपरमार्ट्स है, तो ये मेरे मित्र इसकी यहाँ पे आपका पहला जवाब सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, अगस्त 2022 में भारतीय वायुसेना ने उदार शक्ति नामक एक द्विपक्षीय अभ्यास जिसकी मेजबानी किसके द्वारा की गई, तो बताएंगे इस इनकी जो मेरे मित्र आपकी मेजबानी है वो मलेशिया के द्वारा की गई। आगे लिखा है गंगा नदी के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो लिखा है पहला यमुना इसके दाहिने किनारे के समानांतर बहती है और इलाहाबाद में गंगा से मिल जाती है। आगे लिखा है मेरे मित्र विच पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉकिंग इन स्ट्रेंथ लाइंथ, तो हो जाएगा वो सेरिब्रम। क्या हो जाएगा? सेरिबेलम हो जाएगा मेरे मित्र। ठीक है, आगे लिखा है इनमें से कौन सी किताब शशि थरूर ने लिखी, तो बताएंगे Why I am Hindu, मैं हिंदू क्यों हूँ, ये लिखा किसने, ये लिखा शशि थरूर जी ने। आगे लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश फीफा विश्व कप 2022 के लिए क्वालिफाई नहीं हुआ, तो वो होगा मेरे मित्र इटली, आपका क्वालिफाई नहीं हुआ है। आगे बढ़ते हैं, भगवान जगन्नाथ के रथों का त्यौहार रथ यात्रा हर साल कब मनाया जाता है, तो बताएंगे पूरी उड़ीसा में मनाया जाता है। और आगे लिखा है मेरे मित्र कि ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय घास स्थल के मैदानों को किस रूप में जाना जाता है, तो बताएंगे कंपोस्ट के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेरे मित्र। आगे लिखा है 1 TB प्रति सेकंड और इधर लिखा है बाइट्स प्रति सेकंड, तो वो हो जाएगा 2 की पावर 40। क्या हो जाएगा? 2। अगला सेट आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, ध्वनि के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, तो आपका लिखा है ध्वनि निर्वात में संचारित हो सकती है, बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की जरूरत पड़ती है और निर्वात में कोई माध्यम तो होता ही नहीं। आगे लिखा है द टोटल प्रेशर ऑफ अ मिक्सचर ऑफ आइडियल गैसेज इज द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर। आगे लिखा है इज अ लो ऑफ द पार्शियल प्रेशर। कुल मिलाकर यहाँ पे जो ये रूल दिया है वो है डाल्टन्स। क्या है? ये डाल्टन्स का रूल दिया है मेरे मित्र, तो यहाँ से आप डाल्टन्स फिल करेंगे। आगे बढ़ते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और रैंडम एक्सेस मेमोरी मॉड्यूल जैसे महत्वपूर्ण सिस्टम घटक सीधे किससे जुड़े होते हैं, तो बताएंगे ये आपके सीधे सीधे मदरबोर्ड से जुड़े होते हैं कंप्यूटर में। आगे लिखा है मेरे मित्र, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद लोक नियोजन के विषय के अवसर की समता और मेरे मित्र ऐसे छोटा कर देखेंगे कि समता के अधिकार से संबंधित है, तो आप बताएंगे अनुच्छेद नंबर 16।
आगे लिखा है लैटराइट, मृदा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो लिखा है इसमें सामान्यतः ह्यूमस काफ़ी मात्रा में होता है, ये बात बिल्कुल गलत है क्योंकि लैटराइट मृदा में ह्यूमस पाया ही नहीं जाता। आगे बढ़ते हैं मेरे मित्र, आगे लिखा है भगवंत सिंह मान एक भारतीय राजनीतिक और पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री है, इसके पहले एक ये क्या थे? तो बताएंगे यह एक हास्य अभिनेता थे। कौन थे? हास्य अभिनेता थे। कौन? भगवंत मान सिंह। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील है? तो बताएंगे वो है आपकी कौन? तो कंवर झील है। कौन है? कंवर झील है। आगे लिखा है हु एमंग द फॉलोइंग इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस ऑफ इंडिया एज ऑफ अक्टूबर 2022? तो सही जवाब हो जाएगा किरण रिजिजू। द्रोणाचार्य पुरस्कार पहली बार 1985 में दिया गया और किसे दिया गया? तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा भालचंद्र भास्कर भागवत को दिया गया। थांग का पेंटिंग शैली में किसको दर्शाया गया है? तो आप बताएंगे इसमें मेरे मित्र बौद्धों को दर्शाया गया, या बौद्ध को दर्शाया गया, बुद्ध के, भगवान बुद्ध के बारे में। आगे लिखा है 2011 प्रश्न है 1940 में क्या हुआ था? देखेंगे ध्यान से, 1940 में मुस्लिम लीग ने देश के उत्तर पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए प्रस्ताव पेश किया था। कब? तो फिर से बताएंगे 1940 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट ऑफ इंडिया योजना जिसका उद्देश्य पूरे देश में उद्यमिता को बढ़ावा देने और विकसित करने वाले एवं पारिस्थितिकीय तंत्र को विकसित करना है, कब शुरू की गई? तो आप बता देंगे यह शुरू की गई 2016 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इष्ट के इष्ट में जनन की प्रक्रिया कैसे होती है? तो जो इष्ट में जनन जो होता है वो मुकुलन विधि से होता है। किस विधि से? मुकुलन विधि से। भारत में सितंबर 2022 में कितने नए चीफ ऑफ डिफेंस चुना जाएगा या चुना गया है? तो आप बताएंगे अनिल चौहान को। किसकी जगह? तो आप बताएंगे इन्हें चुना गया मेरे मित्र किनकी जगह? बिपिन रावत की जगह। किसकी जगह? बिपिन रावत की। जब आपकी घटना में उनकी जान चली गई तो उन्हीं की जगह पे आपके दूसरे जो आप चीफ जस्टिस हैं तो उनका नाम है अनिल चौहान। आगे लिखा है कौन निम्नलिखित में से किस देश ने 2022 क्रिकेट एशिया कप आयोजित किया गया था? तो एशिया कप का जो आयोजन था मेरे मित्र 2022 में वो संयुक्त राष्ट्र संयुक्त अरब अमीरात में था। विजेता कौन था? तो बताएंगे कौन? तो बताएंगे श्रीलंका विजेता था। ठीक है, याद रखेंगे। आगे लिखा है मेरे मित्र कि प्रत्येक कर के संदर्भ में कौन सा एक कथन सही है? पहला लिखा है व्यक्तियों और कॉरपोरेट प्रत्यक्ष कर के रूप में, प्रत्यक्ष कर, प्रत्येक नहीं लिखा, प्रत्यक्ष लिखा है, कॉरपोरेट संस्थाओं द्वारा अर्जित कर योग्य आय पर लगाया जाता है, ये बात बिल्कुल सत्य है। उपहार कर एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है, तो ये बात भी बिल्कुल सत्य है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ए और बी दोनों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा है सूरत को भारत की डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है। किसे? सूरत को भारत की डायमंड सिटी। आगे लिखा है विजय अजय ट्रॉफी 21-22 किस टीम ने जीती? तो बताएंगे हिमाचल प्रदेश ने जीती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा है भारत के उत्तरी मैदान किस मिट्टी के बने हैं? तो बताएंगे जलोढ़ मिट्टी के बने हैं। बांसुरी वाद्य यंत्र किस प्रकार के वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है? तो बताएंगे सुशीर वाद्य के श्रेणी में आता है, सुशीर वाद्य श्रेणी में आता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से खिलाड़ी खेल का फिर से युग आ गया, आप ध्यान देखेंगे बजरंग पुनिया बॉक्सिंग लिखा है। ठीक है, तो बजरंग पुनिया बॉक्सिंग बिल्कुल गलत है क्योंकि बजरंग पुनिया क्या करते हैं? ये कुश्ती से संबंध रखते हैं। किससे? कुश्ती से संबंध रखते हैं। और आगे लिखा है यश धुल क्रिकेट, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, तो केवल दो सही होगा। आगे लिखा है PSLW ऑर्बिटल पर मेंटल मॉड्यूल इज एसोसिएटेड विद विच ऑर्गेनाइजेशन? तो सही जवाब हो जाएगा इसरो। क्या हो जाएगा? इसरो। आगे लिखा है प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महल नोबिस कौन थे? तो बताएंगे भारतीय वैज्ञानिक और सांख्यिकीय विद थे। और आगे लिखा है चंपारण कृषि अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1918 में पारित किया गया। आगे चलते हैं मेरे मित्र, आगे लिखा है बिफोर द राइटिंग कोर्स इन हाई लेवल लैंग्वेज अ खालिस्तान है, कुल मिला के इसका सवाल जो आपका सही जवाब हो जाएगा, लिखा है ऑफ अ प्रोग्राम हेल्प इन रिप्रेजेंटिंग द बेसिस फंक्शनलिटी ऑफ इंटेंटेड प्रोग्राम। तो इसका जो जवाब हो जाएगा मेरे मित्र वो हो जाएगा सेवडो, ये हो जाएगा PSEUDOCOD। ठीक है, सेडो कोड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेडो कोड इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक मिनट की गलती, हाँ ठीक है, सेडो कोड इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और इस प्रकार हम अब बढ़ते हैं, चलिए अब बढ़ते हैं अगले सेट की तरफ मेरे मित्र, ये लास्ट सेकंड सेट होने वाला है। लिखा है निम्नलिखित में से कौन एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है? तो बताएंगे डीबेस। कौन है? डीबेस है। आगे लिखा है महासागरीय धाराओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो लिखा है जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जलधाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य के लिए श्रेष्ठ माना जाता है, मतलब जहाँ पर गर्म और ठंडी धाराएं मिलेंगी वहाँ पर मछली पालन अच्छा होगा। आगे लिखा है भारत के पड़ोसी देश भूटान की आधिकारिक भाषा क्या है? तो बताएंगे आधिकारिक भाषा है जोखमा। क्या है? जोखमा।
आगे लिखा है मेरे मित्र, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अनुमानित साक्षरता दर क्या है? तो अब बताएंगे 74 पॉइंट, मेरे मित्र क्या है, 74.04%। विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम के तहत भारत सरकार द्वारा सितंबर 2022 में मेरे मित्र लिखा है राजनीतिक संगठन पर प्रतिबंध लगाया गया था, तो सही जवाब हो जाएगा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। आगे लिखा है वर्ष 1930 में किस भारतीय को भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो सही जवाब हो जाएगा CV रमन। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर को वर्ल्ड ग्रीन सिटी पुरस्कार 2022 मिला है, तो सही जवाब हो जाएगा हैदराबाद। क्या हो जाएगा आपका, हैदराबाद आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा है आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार भारत का सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय सकल घरेलू उत्पाद जो GDP है का कितना परसेंट है, तो आप बताएंगे 1% है। कितना परसेंट है, 1% है। आगे बढ़ते हैं, किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने डार्ट मिशन परियोजना शुरू की, तो आप बताएंगे ये सही जवाब हो जाएगा अमेरिका ने की। आगे बढ़ते हैं मेरे मित्र, और आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो आप बताएंगे उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा है S-400 जो ट्रिम्फ है का रूसी रूपांतर, छोड़िए इसको, मिसाइल प्रणाली रूप में तैयार की गई मिसाइल सुरक्षा प्रणाली है, तो वो कौन है, तो वो ऐसी मिसाइल है जो सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। आगे लिखा है उत्तर ध्रुव वृत्त और उत्तरी वृत्त ध्रुव के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो आप बताएंगे उसे कहते हैं मेरे मित्र क्या, तो शीत कटिबंध कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक प्रकार का ऋण जो उधारकर्ताओं को प्रारंभिक चरणों में कम भुगतान करने की अनुमति देता है, और आगे क्या लिखा है, लेकिन परिपक्वता पर शेष राशि का एक मुश्त राशि के रूप में पुनर्भुगतान के रूप में जाना पड़ता है, उसे हम बैलून मार्ग मार्ट गेज कहते हैं। क्या कहते हैं, बैलून मार्ग मार्क्ड गेज। आगे लिखा है फतेहपुर सिकरी शहर किसने बनाया था या द्वारा बनवाया गया, तो बताएंगे अकबर के द्वारा बनवाया गया फतेहपुर सिकरी। पारंपरिक हिंदू धर्म में भारतीय साहित्य में कितने वेद हैं, तो बताएंगे 4 वेद हैं। कितने, वही ऋग्वेद, सामवेद, अथर्वेद और यजुर्वेद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे अक्टूबर 2022 में भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने किस भारतीय संस्थान में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा का उद्घाटन किया। आप पूरा मत पढ़िए, बस आप इतना पढ़िए परम कामरूप, तो परम कामरूप जो था वो IIT गुवाहाटी में इसका उद्घाटन किया गया। आगे लिखा है कौन सा रोग कवक के कारण होता है, तो आप बताएंगे दाद, खाज, खुजली। ठीक है, ये सब आपके कवक के कारण होते हैं। आगे लिखा है मेरे मित्र, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 क्षमादान आदि और कुछ मामलों में सजा को निलंबित परिहार या लघुकरण कराने की जो कि शक्ति से संबंधित है, तो बताएंगे राष्ट्रपति, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे लिखा है मेरे मित्र, सर टी बर्नर्स ली एक ब्रिटिश कंप्यूटर वैज्ञानिक ने क्रांतिकारी वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार कब किया, तो आप बताएंगे 1990 में किया। आगे लिखा है सन कब, 1927 में अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया जिससे महार जाति के लोगों में ने बड़ी संख्या में भाग लिया, तो वो कब किया, तो 1927 में अंबेडकर जी ने शुरू किया था। ये है, आगे लिखा है भारत में नील विद्रोह की शुरुआत एक कृषक आंदोलन की शुरुआत कब हुई, तो बताएंगे 1859 में इसकी शुरुआत हुई। आगे लिखा है निम्नलिखित में कौन ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले व्यक्ति हैं, तो आप बताएंगे मेरे मित्र महिला हो या पुरुष, तो वो हैं साइना नेहवाल। आगे लिखा है निम्नलिखित में से माप की कौन सी एक इकाई है जो ब्रह्मांड में विस्तार की दर व्याख्या करती है, तो वो है मेरे मित्र हबल नियतांक। कौन है, हबल नियतांक। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष 2022 में भारत के 76वां ग्रैंड चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं, तो वो प्रणव आनंद, तो याद रखेंगे। ठीक है, 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय एथलीटों ने कितने रजत पदक जीते हैं, तो वो जीते हैं मेरे मित्र 16। ठीक है, और अब हम बढ़ते हैं अपने अंतिम सेट की तरफ। चलिए मेरे मित्र आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय एथलीट ने 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीता था, तो आपका ऑप्शन है केवल एक, वो जीता अविनाश साबले ने जीता, रवि कुमार दहिया ने नहीं जीता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा है कौन सी प्रजाति संकटग्रस्त है, तो एशियाई जो हाथी है ना, ये संकटग्रस्त प्रजाति है, मतलब खत्म होने की कगार पे है। आगे लिखा है संविधान, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 किसके कार्यालय के संबंधित है, तो वो है भारत के महान्यायवादी से संबंधित है अनुच्छेद 76। अगला क्वेश्चन है, किसे फीचर फोटोग्राफी श्रेणी में 2022 के पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो अमित दवे को आपका
या पुलित्जर पुरस्कार दिया गया। तीसरे कक्ष या एम कोर्स में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो आप बताएंगे 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या है, तो मेरे मित्रों 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं, यह लिंगानुपात है भारत का। आगे लिखेंगे मेरे मित्र कि किसकी स्मृति में हैदराबाद में समता की प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्विटी का उद्घाटन किया गया, तो जो मेरे मित्र ये समता की प्रतिमा है यह आपका संत रामानुजाचार्य के लिए की याद में लगाया गया है। आगे बढ़ते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस पीढ़ी के कंप्यूटर के दौरान विकसित हुई थी या किया गया था, तो वो थी मेरे मित्र पीढ़ी नंबर 4, उसमें आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यूज किया जाता था। मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू है, तो कौन है, तो पूंजीवाद है मुक्त पहलू। आगे लिखा है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस शहर में एक बंदरगाह पाया गया, तो बंदरगाह पाया गया कहाँ पे, तो लोथल में बंदरगाह पाया गया। आगे लिखा है, तृप्ति की अनुभूति भूख से जुड़े एक केंद्र के कारण होती है जो किससे मेरे मित्र, जो अग्र मस्तिष्क जिसे फोर ब्रेन कहते हैं उससे क्या होती है, यह अलग हिस्से में होता है। आगे लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सी जलसंधि जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ती है, तो याद रखें सुंडा जलसंधि, कौन, सुंडा जलसंधि आपका जोड़ती है। आगे बढ़ते हैं मेरे मित्र, आगे लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है, तो कलकत्ता उच्च न्यायालय, सबसे पहले इसी की स्थापना भी हुई और सबसे पुराना यही है। आगे लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय के संबंध में सही बात लिखी है, पहला लिखा है मध्यवर्ती वस्तुओं को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है, बिल्कुल सत्य बात है, और आगे लिखा है राष्ट्रीय आय की गणना में अंतिम वस्तुओं को शामिल किया जाता है, ये बात भी बिल्कुल सत्य है। याद रखेंगे मध्यवर्ती वस्तुओं को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है, किसे, मध्यवर्ती वस्तुओं को, जो देखिए ध्यान से आप समझ नहीं पाएंगे तो फिर से समझा देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे क्या है, मध्यवर्ती वस्तु, जो मध्यवर्ती वस्तुएं होती हैं उसे राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता, ये बात सत्य है। किसको शामिल किया जाता है, तो शामिल किया जाता है राष्ट्रीय आय में अंतिम वस्तुओं को शामिल किया जाता है, ठीक है, मध्य वस्तुओं को नहीं। तो इस प्रकार दोनों बातें सत्य हो गई। कुतुब मीनार आर्किटेक्चर का एक उदाहरण है, तो आप बताएंगे इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं, स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है, तो जुलाई 4 जुलाई को मनाई जाती है। आगे लिखा है मेरे मित्र कि आगे लिखा है कब पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच अंतर करता है, तो अब बताएंगे 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट है, ठीक है, कब का, 1784 का। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक MS 365 में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग का एक प्रकार नहीं है, वो है प्री साइज, क्योंकि प्री साइज क्या करता है, प्री साइज भैया किसी चीज़ को साइज बड़ा छोटा करता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी पवन नहीं है, अस्थायी पवन लू नहीं है, अरे लू हमेशा थोड़े बहती है, अस्थायी नहीं है, कभी बहती है, गर्मी में बहती है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में भारत में कितने कांस्य पदक जीते, तो बताएंगे 23 कांस्य पदक भारत ने जीते 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में। आगे लिखा है, ICC महिला T20 विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन से देश में होगा या किया, तो नहीं किया लिखा है ना, सॉरी, तो ये किया आपका दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जुलाई 2022 में निम्नलिखित में से किसने सोशल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत रूपरेखा अधिसूचित की है, तो आप सही जवाब इसका हो जाएगा सेबी ने, किसने, सेबी ने। आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा है अदिति मंगलदास के शास्त्रीय भारतीय नृत्य शैली की एक प्रमुख नृत्यांगना और नृत्य प्रशिक्षिका हैं, वो कौन है, तो आप बताएंगे वो कथक की हैं, कौन है, अदिति मंगलदास। ऐसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि अदिति मंगलदास का किससे संबंध है, तो आप बताएंगे कि किससे, कथक से, किससे, कथक से। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो वो कथन है आपका नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होता है, ये बात असत्य है, ठीक है, मतलब सत्य नहीं है। आगे लिखा है 2022 में ICC पुरुष T20 विश्व कप के भारतीय कप्तान कौन थे, तो बताएंगे रोहित शर्मा थे, कौन थे, रोहित शर्मा थे। आगे बढ़ते हैं मेरे मित्र, और इस प्रकार इस प्रैक्टिस सेट को भी हमने पूरा कर लिया है, अब हम बढ़ते हैं अगले सेट की, आ चुके हैं मेरे मित्र हम अब अगले सेट पे, ठीक है, तो अभी एक सेट और बचा हुआ है, बस ज़्यादा टाइम नहीं। देखिए मेरे मित्र, ये जो हम वीडियो आपके लिए लेकर आ रहे हैं, फिर से आपको बता दें, तो ये वीडियो आपके CHSL में पूछे गए प्रश्नों का प्रीवियस मैं ईयर आपके सामने लेके आ रहा हूँ। अगर आपने प्रीवियस ईयर कर लिया मेरे दोस्तों ना, तो मैं वीडियो ग्रुप में लाने का रीजन एक ही है कि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी पे फोकस कर पाएँ, तो इस वीडियो से आपको बहुत लाभ होने वाला है। वीडियो पसंद आती हो तो मैं बीच में कभी भी नहीं बोलता हूँ कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, लेकिन हाँ मेरे मित्र, अभी ये मेरा चैनल जो है बहुत ही नया है, तो इसे कृपया आप लोग सपोर्ट करें ताकि मैं आपके लिए वीडियो लेके आता रहूँ। मैं भी SSC की तैयारी करने वाला एक आप ही की तरफ आपका भाई, आपका दोस्त हूँ, जिस प्रकार मैं चीज़ों को ये समझता हूँ कि हाँ चीज़ों को कैसे पढ़ना है या कैसे आपको आपके सामने लाना होता है, ठीक है, तो एक पढ़ने वाला व्यक्ति आपके सही तरीके से आपकी हेल्प कर सकता है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो अगर जिन भाइयों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और शेयर जरूर करें मेरे मित्र। आगे बढ़ते हैं,
आगे बढ़ते हैं, मेरे मित्र लिखा है गांधी जी 1915 में किस उम्र कितने उम्र उम्र में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, तो उनकी उम्र उसमें 46 साल थी, कितनी थी 46। निम्नलिखित में से कौन सा एमएस पावर पेंट या पॉइंट 365 में एक सामान्य मान्य फाइल प्रारूप नहीं है, ठीक है नहीं है, तो वो आपका हो जाएगा PWPT। कौन है? PWPT। यदि अर्थव्यवस्था में n फर्में हैं जिसमें से प्रत्येक को एक से n तक का क्रम दी गई है तो उत्पाद विधि के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद को किस रूप में लिखा जाएगा, तो आप बताएंगे वो लिखा जाएगा GVA1 प्लस GVA2 और ऐसे करते करते मेरे मित्र वो हम चले जाएंगे GVA और लास्ट नंबर तक, अगर 15 नंबर होगा तो 15 तक जाएंगे, 20 नंबर होगा तो 20 तक जाएंगे, ठीक है। बस आपको ध्यान ये देना है मेरे मित्र कि GVA होना चाहिए, जी होना चाहिए, फिर V और फिर A और साथ में प्लस आपको साइन याद रखना है और कुछ नहीं आपको याद रखना है, ठीक है, इतनी बात आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लिखा है दो वर्ष से चले आ रहे हथियारबंद आदिवासी संघर्ष को समाप्त करते हुए अल्लूरी सीताराम राजू को कब गिरफ्तार किया गया, तो मेरे मित्र इन्हें गिरफ्तार किया गया मई 1924 को। आगे लिखा है भारतीय संविधान का पहला संशोधन अधिनियम 1951 में निम्नलिखित में से किस अनुसूची को जोड़ा गया, तो बताएंगे नवीं अनुसूची को जोड़ा गया। आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा है मेरे मित्र कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है, तो 107वां नंबर है भारत का स्थान। आगे बढ़ते हैं, क्षुद्र ग्रह पट्टी किन दो ग्रहों के बीच स्थित है, तो आप बताएंगे कि मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित है। आगे लिखा है बृहद हिमालयन श्रृंखला की अनुमानित लंबाई जिसे केंद्रीय अक्षीय श्रेणी में भी जाना जाता है, के रूप में जाना जाता है, पूर्व से पश्चिम तक कितने किलोमीटर है, तो बताएंगे 2500 किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं, कव्वाली का भारत में आगमन कब से हुआ, तो बताएंगे आगमन फारस से हुआ, कहाँ से हुआ, फारस से हुआ। आगे लिखा है भारत ने 2021 में आयोजित टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस टीम में एकमात्र कांस्य पदक जीता था, तो सही जवाब आपका हो जाएगा फील्ड हॉकी में जीता था। आगे लिखा है मेरे मित्र कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विषाणु जनित रोग है, तो आप बताएंगे चिकन पॉक्स एक विषाणु जनित रोग है। आगे लिखा है मानव फेफड़ों द्वारा छोड़ी गई वायु कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना होता है, तो आप बताएंगे उसमें आपका परसेंट होता है 4.4% होता है, ठीक है। आगे लिखा है निम्नलिखित में से कौन एक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान नहीं है, तो वो है ICICI बैंक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 350 का किससे संबंधित है, तो आप बताएंगे इसे, ये जो है आपका मेरे मित्र वो संबंधित किससे है, तो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। आगे बढ़ते हैं, अक्टूबर 2022 में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री द्वारा शुरू किए गए नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड प्रत्येक वर्ष कितने परसेंट का प्रभावी प्राप्त प्रदान करेगा, तो वो है मेरे मित्रों 8.05% का। आगे लिखा है किस देश ने फीफा अंडर 20 विश्व कप 2019 जीता, तो आप बताएंगे यूक्रेन ने जीता फीफा अंडर 20 विश्व कप 2019। और अगला क्वेश्चन है कौन एक परमाणु है, तो बताएंगे हीलियम, ठीक है, हीलियम एक परमाणु है, तो आप बता सकते हैं हीलियम, ठीक है। आगे किस भारतीय क्रिकेटर को लिटिल मास्टर के नाम से जाना जाता है, तो सुनील गावस्कर को लिटिल मास्टर के नाम से जाना जाता है। कौन सा भारतीय त्यौहार आपका तिब्बत तांत्रिक बौद्ध के संस्थापक आध्यात्मिक गुरु आपका पद्म संभव की जयंती मनाता है, तो वो होगा हेमिस जो त्यौहार मनाते हैं वो इसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, आंतरिक हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है, तो बताएंगे 6000 मीटर है। और आगे लिखा है मेरे मित्र कि महाराष्ट्र में पश्चिमी घाटों को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है, तो वो सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। 36वें राष्ट्रीय खेलों 2022 के लिए शुभंकर का नाम क्या था, तो बताएंगे सावज, क्या नाम था, सावज नाम था मेरे मित्र। और आगे लिखा है कि उन्होंने 1994 में सिएटल में अपनी गैरेज से ई कॉमर्स दिग्गज अमेजॉन की स्थापना की, और अमेजन की स्थापना की उन्होंने जुलाई 2021 में कार्यकारी अध्यक्ष बनने के लिए सीईओ का पद छोड़ दिया, ठीक है। तो वो व्यक्ति कौन थे, तो वो व्यक्ति थे भैया जेफ बेसोस ने, ठीक है, ध्यान से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, EPROM का पूर्ण रूप क्या है, तो वो है आपका इजरेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, जो इजीली से क्या हो जाए आपका प्रोग्रामेबल हो जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो आपका नाम है कैलाश सत्यार्थी को आपका लिखा, निम्नलिखित में किस व्यक्ति को नोबेल शांति पुरस्कार से, अच्छा ये देखिए
नोबल पुरस्कार तो इसमें सबको मिला, लेकिन शांति का नोबल पुरस्कार पूछ रहा है क्वेश्चन, तो आप बताएंगे कैलाश सत्यार्थी को मिला है, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं मेरे मित्र, और अब हम बढ़ते हैं अगले सेट की तरफ। अगला सेट है मेरे मित्र आपके स्क्रीन पे कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है, तो बताएंगे गोदावरी। कौन है? गोदावरी है, ठीक है। आगे बढ़िए, आगे लिखा है कौन सा पद परिभाषा युग्म दिया है मेरे मित्र, ध्यान देखेंगे। जल संधि में दिया है कि दो भूभागों को मिलाने वाली भूमि की एक सकरी पट्टी को हम जल संधि कहते हैं, तो जल संधि ये नहीं होता है। जल संधि वो होता है मेरे मित्र जब दो मतलब जल की चीज मतलब कि दो जल वालों को जब एक पट पट एक भूभागों को मिलान नहीं, ये गलत दिया है। देखिए ध्यान से इसमें क्या गलत दिया है, इसमें गलत ये दिया जल संधि का मतलब था जल को मिलना चाहिए, यहाँ पे ये जल के बीच में भैया एक पट्टी दे रहा है, वो भी किसकी, वो दे रहा है भूभागों को मिला रहा है, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, इस्थमस में जो दिया है दो बड़े जल निकाय को जोड़ने वाली पानी का एक संकीर्ण मार्ग, ये भी बिल्कुल गलत है। इस प्रकार ये मेरे मित्र दोनों बातें क्या है कि बिल्कुल गलत दिए हैं, इस प्रकार न तो एक सही है न तो दो सही है, दोनों नहीं सही है, ठीक है। आगे चलिए, आगे लिखा निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने 2022 राष्ट्र मंडल खेलों का पदक जीता था, कौन सा पदक मेरे मित्र, स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है। स्वर्ण पदक की बात कर रहा है तो स्वर्ण पदक देखिए 2022 का अगर राष्ट्रमंडल खेलों की बात की जाए तो स्वर्ण पदक न तो सौरभ घोषाल ने जीता और न ही आपका अंशु मलिक ने जीता, तो सही जवाब हो जाएगा न तो एक और न तो दो। आगे फिर से दिया युग्म के बारे में कि लिखा है कि खेल पदक का कौन सा युग्म 2020 टोक्यो ओलंपिक में भारत के प्रदर्शन के संदर्भ में सही है, तो देखिए दिया है पहला कि भाला फेंक में रजत जीता और पुरुष हॉकी ने स्वर्ण जीता, दोनों बात गलत है, तो न तो एक न तो दो आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्या महाराष्ट्र की महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, महाराष्ट्र की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा कौन सा नृत्य, तो उनके द्वारा लावणी नृत्य किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 2020 तक भारत किस खेल में 8 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीत चुका है, तो बताएंगे फील्ड हॉकी में, ठीक है, भारत 8 पदक जीत चुका है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है कौन सा कथन सही नहीं है, लिखा है धातुओं का वह गुण जिसके द्वारा उसे पीट कर पतली चादर बनाया जाता है उसे अघात वर्धनीयता कहते हैं, तो ये बात बिल्कुल सत्य है मेरे मित्र, ठीक है। और आगे लिखा धातु का वह गुण जिसके द्वारा उसे खींचकर तार में बदला जाता है वो तन्यता कहलाता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। और पूछा क्या है कौन सा कथन सही नहीं है, तो लिखा है कि अच्छा ठीक है जब दोनों सही हैं, क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्वेश्चन पूछने का तरीका देखिए, कौन सा कथन सही नहीं है, पहला कथन तो सही है दूसरा भी सही है, इसका मतलब न तो एक और न तो दो। अच्छा देखिए देखिए क्वेश्चन समझने की बात है, अगर आप लगाएंगे एक और दो दोनों इसका मतलब क्या होगा, कौन सा कथन सही नहीं है, तो एक और दो दोनों नहीं सही है, लेकिन ऐसा नहीं, न तो एक और न तो दो, ये पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो न तो एक और न तो दो का मतलब ये दोनों क्या है सत्य है, ठीक है। आगे बढ़िए, MS Excel 365 में निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल करके चयनित रेंज के सबसे ऊपरी सेल के कंटेंट और फॉर्मेट को नीचे की सेल में कॉपी करने के लिए किया जाता है, तो वो आपका हो जाएगा मेरे मित्र आपका डी, कंट्रोल प्लस सीटीआर प्लस डी। आगे लिखा है सत्रीय नृत्य की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है, तो असम से हुई है, और इसके उसको इसको जीवित किसने किया, तो वो है श्रीमत शंकर देव ने, किसने, श्रीमत शंकर देव ने, याद रखेंगे, ठीक है। मुगल शासक अकबर के जीवन पर आधारित एक दस्तावेज आईने अकबरी में किसके संबंध की जानकारी नहीं है, तो आप बताएंगे पूर्वजों के बारे में जानकारी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, तत्व संयोजकता के बारे में कौन सा युग्म सही है, पहला दिया बोरान का 2 दे रहा है और आगे दिया है फ्लुओन का 3 दे रहा है, ये दोनों गलत है, ठीक है। जैसे कि एक आपका एक हीलियम 2 हाइड्रोजन का होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन के बारे में बोरान दे रहा है, तो इसी प्रकार ये दोनों चीज़ें गलत हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में संघ राज्य क्षेत्र कितने हैं, तो आप बताएंगे 8 हैं, कितने हैं मेरे मित्र, 8 हैं। आगे जलियांवाला बाग नरसंहार में अपनी पीड़ा और गुस्सा जताते हुए नाइटहुड की उपाधि किसने लौटा दी, तो वो थे आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना क्या है, तो मेरे मित्र एक ऋण योजना जो है जिसे हम मुद्रा योजना के नाम से जानते हैं। आगे लिखा है कि अर्थव्यवस्था के अंतिम वस्तुओं के लिए समस्त मांग के स्तर को निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित कौन सी धारणा बनाई गई है, पहला लिखा है कि अल्पकाल में नियत अंतिम वस्तु कीमत और नियत ब्याज की दर को मान लेते हैं, और दूसरा लिखा है समस्त पूर्ति पूर्णतः लोचदार माना जाता है, तो ये एक और दो दोनों क्या है मेरे मित्र आपके सत्य हैं, ठीक है। आगे लिखा है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध ब्रिटेन के संविधान से नहीं लिया गया है, तो आप बताएंगे कि वो है मूल अधिकार, ब्रिटेन से मूल अधिकार का उपबंध नहीं लिया गया है, बाकी 3 चीज़ें ली गई हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, द इम्पोर्टेंस ऑफ मेलुहा जो पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो अमित त्रिपाठी के द्वारा ये लिखी गई है।
निम्नलिखित में कौन सा शेक्सपियर द्वारा लिखित एक नाटक नहीं है पूछा है, मतलब नाटक नहीं, कौन नहीं, शेक्सपियर ने किसको नहीं लिखा है, तो द कैंडल स्टैंड शेक्सपियर ने नहीं लिखा है, बाकी ये तीनों आपका शेक्सपियर ने लिखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है मेरे मित्र, सर्टेन प्लांट्स हैव ग्रीन एंड टेंडर स्टेम, दे आर यूजली शॉर्ट्स एंड मे नॉट हैव मैनी ब्रांचेज, व्हाट आर दे कॉल्ड अस। अच्छा, तो मेरे मित्र उसे हर्ब कहते हैं, हर्ब का मतलब होता है जिसमें कांटे थोड़े बहुत होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेरे मित्र, कर्मयुद्धा ग्रंथ पुस्तक का विमोचन किस राजनेता के द्वारा किया गया, तो अमित शाह के द्वारा किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं मेरे मित्र, चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर भगत सिंह, शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया, किसका, चंडीगढ़ का। आगे बढ़ते हैं, यह वक्र एक अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कपास की किसी निश्चित मात्रा के बदले अनाज की अधिकतम संभावित उत्पादित मात्रा तथा अनाज के बदले कपास की मात्रा दर्शाता है, इस वक्र को क्या कहते हैं, सीमांत उत्पादन संभावना कहते हैं। एक मेगाबाइट में 1024 क्या होता है, तो किलोबाइट होता है। ठीक है, आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा शिखर है, तो वो है आपका सैंडल, कौन है, सैंडल है। आगे लिखा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संदर्भ में विशेष उपबंध से संबंधित है, तो अनुच्छेद 371। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेरे मित्र, और इस प्रकार मेरे मित्र आपने देखा कि हमने कैसे CHSL में पूछे गए सारे GS के प्रश्नों को हमने कवर किया, तो परेशान ना हो बिल्कुल। आपके एग्ज़ाम के पहले मैं इस देखिए MTS की वीडियो मैंने पहले डाल दी है, आज CHSL की वीडियो जा रही है, इसके बाद CGL की भी वीडियो आपके सामने जाएगी मेरे मित्रों। तो इस प्रकार आपको मैं GS में, देखिए GS में एकमात्र बात आप याद रखें, GS में 25 में, मतलब कि GS 50 नंबर का आता है, और GS में 50 नंबर करना बहुत बड़ी बात हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति 50 में 50 अगर GS लाता है, आपने देखा होगा बहुत से लोग इंग्लिश में, मैथ में, साइंस में, यूट्यूब पे आके बहुत ही ज़्यादा दिखाते हैं, मैं इंग्लिश में 50 में 50, मैथ में 50 में 50 दिखाते हैं, लेकिन GS में कोई 50 में 50 आपको नहीं दिखाता है। क्यों? क्योंकि GS का वेटेज मेरे मित्र बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए GS आप जहाँ से पढ़ रहे हैं पढ़ें, और स्टैटिक GK पर ज़्यादा ध्यान दें, और साथ साथ में आप प्रीवियस ईयर पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें, तो प्रीवियस ईयर आप कहाँ से ढूंढेंगे, और ढूंढेंगे तो आप ढूंढते रह जाएंगे। इसलिए मैंने सोचा कि वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रोवाइड जाए चीज़ों को, और आप उसे आसान तरीकों से 2-3 बार आप जब आप वीडियो को देखेंगे तो सब चीज़ें आपको अपने आप रिवाइज हो जाए करेंगे। ठीक है मित्र, तो चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, अगली वीडियो में एक अच्छी सी वीडियो में फिर से मिलेंगे, और तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। लेकिन मेरे मित्र वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, पसंद आए तो जरूर लाइक शेयर करें मेरे मित्र, और मेरा सपोर्ट करें। चैनल पर नए तो चलो